हम तो इंसान हमेशा किसी और की जिंदगी चुरा के जीना चाहते हैं ये फितरत है हमारी और मैं तो हूं ही चोर सिगरेट रही दिखे जल्दी जहाँ पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना तुम डपान कभी कभी कुछ अनोखा करने के चक्कर में अक्सर हम कुछ गलत कर जाते हैं और आखिरी में प्रोडक्ट खराब हो जाता है कुछ ऐसा ही मिजाज है फिल्म राय का बचपन में एक पहेली थी डब्बे में डब्बा और डब्बे में कुछ नहीं डॉक्यूमेंट डायरेक्टर विक्रमाजीत सिंह ने इस पहेली को साकार कर दिया है फिल्म के भीतर फिल्म बना दी है मतलब एक वक्त पर दो दो फिल्में का मजा देने की कोशिश की गई है जो कि सार्थक नहीं हो पाई है राय फिल्म की कहानी डायरेक्टर कबीर ग्रोवल यानी अर्जुन रामपाल की है जो अपनी हिट फिल्म गन की सीरीज के तीसरी फिल्म बनाना चाहते हैं और जिसके लिए कहानी की तलाश में मलेशिया जाते हैं वहां उनकी मुलाकात दूसरी फिल्म में कर जैकलिन फर्नान से होती है और कबीर आयशा के साथ इश्क में खो जाता है आयशा ही कबीर की फिल्म राय की स्टोरी बनती जाती है जो भी कबीर और आयशा के बीच में घरता है वो इस फिल्म की स्क्रिप्ट से तब्दील हो जाता है एक काल्पनिक किरदार राय ने रणबीर कपूर जो टी जैकलिन जो फर्नान्डिसबल रोल निभा रही हैं से मिलता है और कई चीजें चोरी करता है और जो कुछ भी इस फिल्म रॉय में होता है वही असलियत में कबीर और आयशा की ज़िंदगी में आखिरकार होता है तो कबीर की फिल्म के दोनों किरदार होते हैं रॉय और टिया फिल्म में सिर्फ शूटिंग लोकेशंस गाने और फैशन बेहद दिलचस्प है अगर आपको रणबीर कपूर जैकलिन फर्नांडिस और अर्जुन रामपाल पसंद है तो ये फिल्म देखें कभी कभी बोरियत का आलम यह हो जाता है कि छोटी फिल्म भी बड़ी लगने लगती है कुछ ऐसा ही रॉय के दौरान भी होता है बहुत ही धीमी फिल्म है रणबीर कपूर की उपस्थिति भी फिल्म को लाए नहीं दे पाती अगर आप एक बेहद अच्छी फिल्म के तलाश में हैं तो राय नहीं है किरदार कब क्या और क्यों कर रहे हैं आप उसमें दिलचस्पी नहीं ले पाते हैं फिल्म राय की कहानी में कुछ भी खास नहीं है फिल्म की शुरुआत होती है अर्जुन रामपाल से, जो डायरेक्टर कबीर गोरवाल की भूमिका निभा रहे हैं जो एक चोर से इंस्पायर होकर उस पर फिल्म बनाता है चोर की ज़िंदगी पर आधारित दो फिल्में पहले ही हिट हो चुकी हैं और अर्जुन तीसरी फिल्म बनाने की तैयारी करते हैं अपनी तीसरी फिल्म को शूट करने में मलेशिया जाते हैं जहां उनकी मुलाकात जैकलिन फर्नांडिस से होती है जो लंदन में फिल्म डायरेक्टर आयशा आमिर का किरदार निभा रही हैं अर्जुन और जैकलिन एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं जैकलिन को अर्जुन से प्यार हो जाता है लेकिन वो अर्जुन की फितरत जानती हैं कि वो सिर्फ लड़कियाँ बदलते हैं और प्यार भर के चक्कर में नहीं पड़ते जैकलिन अर्जुन को छोड़कर चली जाती है और तब ताकि और तब जाके अर्जुन को अपने प्यार का एहसास होता है फिल्म में रणबीर कपूर एक चोर का किरदार निभा रहे हैं जो सिर्फ अर्जुन रामपाल के ख्यालों में रहता है दरअसल रणबीर कपूर फिल्म में अर्जुन रामपाल के फिल्म के एक्टर हैं जो चोर की भूमिका निभाते हैं इंटरल के बाद रणबीर के बहुत ही कम सीन हैं जैकलिन फर्नांडिस का फिल्म में डबल रोल है एक जो अर्जुन के साथ रोमांस करती है और दूसरी जो अर्जुन की फिल्म की एक्ट्रेस टिया है फिल्म में जैकलिन और रणबीर का प्यार अर्जुन रामपाल की फिल्म की कहानी का हिस्सा है जैकलिन फर्नांडिस फिल्म में खूबसूरत

जरूर फिल्म देखें क्योंकि इस फिल्म में कुछ दिलचस्प तो नहीं है आपकी गर्लफ्रेंड का पूरा ध्यान आप पर ही रहेगा ऐसा लगता है इस फिल्म को बनाने में डायरेक्टर विक्रमजीत सिंह ने कुछ ज्यादा ही वक्त लगाया एक्शन थ्रिलर फिल्में बनाने वाले एक यंग डायरेक्टर कबीर ग्रोवल के आसपास घूम रही इस फिल्म की कहानी में किरदार एक दूसरे से कहां आकर मिलते हैं और कहां अलग हो जाते हैं यह समस्या से परे है बेहद धीमी रफ्तार से आगे खिसकती इस फिल्म को लेकर चर्चा थी कि इसमें रणबीर कपूर का किरदार 10-15 मिनट के लिए है लेकिन फिल्म में उनका किरदार 50 मिनट के करीब है न जाने क्यों पूरी फिल्म में रणबीर बुझे बुझे नजर आते हैं कुछ सीन में रणबीर की एक्टिंग देखकर ऐसा भी लगता है कि जैसे वह अनचाहे मन से राय का किरदार निभा रहे हों इसकी कहानी यंग फिल्म मेकर कबीर ग्रोवर यानी अर्जुन रामपाल की है अब तक दो एक्शन थ्रिलर फिल्में वो बना चुके हैं बॉक्स ऑफिस पर कहा कबीर की इस फिल्मों ने कमाई और कामयाबी के नए रिकॉर्ड बनाए हैं इंडस्ट्री की एक टॉप प्रोडक्शन कंपनी का हेड हिरानी कबीर इस सीरीज की तीसरी फिल्म अपने प्रोडक्शन हाउस के साथ जल्द शुरू करना चाहता है दूसरी ओर कबीर ने अभी कहानी और किरदारों पर काम करना तक शुरू नहीं किया है कबीर की सहायक निर्देशक मेरा इस अग्रीमेंट के लिए कबीर को राजी कर लेती है कहानी और किरदारों की तलाश में लगा कबीर स्क्रिप्ट कर काम करता है बचपन में कबीर एक बार अपने पापा ने केयर के साथ जब बैंक गया ठीक उसी वक्त बैंक में डकैती पड़ जाती है कबीर इस घटना पर काम शुरू करता है स्विकल की शूटिंग के लिए वह अपनी यूनिट के साथ मलेशिया जाता है जहाँ पहले से लंदन की फिल्म मेकर आयशा ने जैकलिन फर्नाडिस अपनी एक सीमित बजट में बनने वाली फिल्म की शूटिंग कर रही है इन दोनों की सोच डिफरेंट है जहाँ कबीर बॉक्स ऑफिस पर कमाई के लिए फिल्में बनाने वाला मेकर है वही आयशा को एक खास क्लास की कसौटी पर खरी उतरने वाली और अवार्ड फंक्शन में ट्रॉफी हासिल करने वाली फिल्में बनाने वाली मेकर हैं कबीर पर्सनल लाइफ में कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक है रिश्तों को समझना और उनकी गहराई में जाना उसे पसंद नहीं है यही वजह है अब तक उसका 21 बार ब्रेकअप हो चुका है आयशा ने मुलाकात के बाद कबीर अपनी स्क्रिप्ट और फिल्म पर काम शुरू करता है जिसमें आयशा की कुछ बातें शामिल होती हैं कबीर की इस फिल्म का यंग हीरो राय निरण कपूर ऐसा पेंटिंग चोर है जिसकी डिक्शनरी में नामुमकिन शब्द नहीं है अर्जुन रामपाल और रणबीर कपूर दोनों ने अपने अपने किरदारों को बस निभा भर दिया है पूरी फिल्म में महज एक फाइट सीन है अनुपम खेर के इक्का दुक्का सीन है जैकलीन ने अपनी ब्यूटी दिखाने के साथ साथ यह भी दिखाया है कि उन्हें एक्सरसाइज करना आता है ऐसा लगता है शुरुआत में विक्रमाजीत सिंह के पास अपनी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी मसाला नहीं था तो वही उन्होंने बेवजह हर सीन को लंबा करके दर्शकों के सब्र की परीक्षा ली है कमजोर स्क्रिप्ट के साथ पैसेंजर ट्रेन की तरह आगे खिसकती इस कहानी में विक्रमाजीत कहानी भी स्पीड नहीं ला पाए हैं फिल्म की रिलीज से पहले ही यंगस्टर ने फिल्म का म्यूजिक हिट है कई म्यूजिक चार्ट में बूंद बूंद सूरज डूबा है चिटिया कलाइया टॉप टेन में चल रहे थे रॉय के प्रचार में रणवीर कपूर को चोर और फिल्म को थ्रिलर बताया गया है लिहाजा दर्शक एक रोमांचक फिल्म के पेछा लेकर फिल्म देखने के लिए जाता है लेकिन फिल्म में थ्रिलर की बजाय रोमांस और इमोशनल ड्रामा देखने को मिलता है इस ड्रामे की रफ्तार इतनी सुस्त है कि आपको झपकी भी लग सकती है फिल्म का एक किरदार कहता है कि यदि कहानी आगे नहीं बढ़ रही हो तो उसे वही ख़त्म कर देना चाहिए अफसोस की बात यह है कि अपनी फिल्म के जरिए यह बात कहने वाले फिल्मकार ने खुद की बात को गंभीरता से नहीं लिया है बाईस लड़कियों से रोमांस कर चुका रणबीर ग्रोवल यानी अर्जुन रामपाल एक फिल्म मेकर है मलेशिया में अपनी फिल्म की शूटिंग के दौरान उसकी मुलाकात लंदन में रहने वाले फिल्म मेकर आयशा आमिर यानी जैकलिन फर्नांडिस से होती है रैनी रणबीर कपूर एक मशहूर चोर है जिससे प्रेरित होकर कबीर फिल्म बनाता है कबीर और आयशा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और आयशा के जरिए कबीर अपनी कहानी को आगे बढ़ाता है रियल लाइफ और रियल लाइफ के किरदार आपस में उलझ जाते हैं और मामला जटिल हो जाता है विक्रमजीत सिंह ने फिल्म को लिखा और निर्देशित किया है कॉन्सेप्ट अच्छा है लेकिन स्क्रीन इस पर इसे पेश करने में निर्देशक खुद ही कन्फ्यूज हो गए हैं तो दर्शक की बात ही छोड़ दीजिए फिल्म की शुरुआत अच्छी है जब एक मौलवान पेंटिंग को चुराने के लिए राय को कहा जाता है उम्मीद बनती है कि एक थ्रिलर मूवी देखने को मिलेगी लेकिन धीरे धीरे कबीर और आयशा की प्रेम कहानी में परिवर्तित हो जाती है यह रोमांटिक ट्रैक बहुत ही ठंडा है कबीर के प्रति आयशा का आकर्षित होने और रूठने की ठीक से पेश नहीं किया गया है साथ ही इस प्रेम की वजह से कबीर का अपने आप को जान पाने वाला ट्रैक भी प्रभावित नहीं करता कबीर और उसके पिता के बीच के दृश्य भी फिजूल के हैं और इनका मुख्य कहानी से कोई संबंध नहीं है राय का पेंटिंग चुराने वाले प्रसंग बहुत ही सतही है फिल्म के जरिए क्या कहने की कोशिश की जा रही है समझ पाना मुश्किल है विक्रमजीत सिंह ने स्क्रिप्ट के बजाय शॉर्ट टेकिंग को ज़्यादा महत्व दिया है किरदारों की लाइफ स्टाइल को बेहतरीन तरीके से पेश किया जाता है लेकिन कहानी को कहने का उनका तरीका बहुत ही उलझा हुआ है उन्होंने संवादों के जरिए बात कहने की कोशिश ज़्यादा की है कुछ जगह किरदारों की बातचीत अच्छी लगती है लेकिन कुछ समय बाद ये चीज बोरियत पैदा करती है। फिल्म का उन्होंने जो मोड रखा है उसमें गानों की बिल्कुल जगह नहीं बनती है। वही वजह है कि हिट गीतों का फिल्मांकन इतना खराब है कि देखने में मजा नहीं आता प्रमुख कलाकारों का अपने के मामले में करीब होना भी फिल्म की कमजोर कड़ी है अर्जुन रामपाल अपने लुक से प्रभावित करते हैं एक्टिंग से नहीं हाइट और सिगर से उड़ते हुए धुएं के जरिए उन्होंने अपने चेहरे को उन्होंने छिपाने की कोशिश की है जैकलिन फर्नांडिस एक भूमिका तो ठीक से कर नहीं पाती ऐसे में दोहरी भूमिका उन्हें स्वप्ना उनके नाजुक कंधों पर बहुत भारी भार रखने के समान है मेकअप और हेयर स्टाइल के अंतर पैदा करने की कोशिश की गई है वरना दोनों किरदारों को जैकलिन ने एक ही तरीके से निभाया है रणबीर कपूर का रोल छोटा है जिसे पूरी फिल्म में फैलाया गया है विक्रमजीत सिंह उनके दोस्त हैं शायद इसलिए रणबीर ने यह फिल्म की है इसका दुख पूरी फिल्म में उनके चेहरे पर नजर आता है पूरी फिल्म में बोरियत एक्सप्रेशन के लिए वह घूमते रहते हैं अंकिता तिवारी अमाल मलिक मित ब्रदर्स अनजान का संगीत मधुर है हिम्मन धमीजा की सिनेमाटोग्राफी कमाल की है कुछ संवाद भी अच्छे लगते हैं लेकिन एक फिल्म को देखने के लिए ये बातें काफ़ी नहीं हैं कभी कभी कुछ अनोखा करने के चक्कर में अक्सर हम कुछ गलत कर जाते हैं और आखिरी में प्रोडक्ट खराब हो जाता है कुछ ऐसा ही मिजाज है फिल्म राय का बचपन में एक पहेली थी डब्बे में डब्बा और डब्बे में कुछ नहीं डॉक्यूमेंट डायरेक्टर विक्रमाजीत सिंह ने इस पहेली को साकार कर दिया है फिल्म के भीतर फिल्म बना दी है मतलब एक वक्त पर दो दो फिल्में का मजा देने की कोशिश की गई है जो कि सार्थक नहीं हो पाई है राय फिल्म की कहानी डायरेक्टर कबीर ग्रोवल यानी अर्जुन रामपाल की है जो अपनी हिट फिल्म गन की सीरीज की तीसरी फिल्म बनाना चाहते हैं और जिसके लिए कहानी की तलाश में मलेशिया जाते हैं वहाँ उनकी मुलाकात दूसरी फिल्म में कर आयसानी जैकलिन फर्नांडिस होती है और कबीर आयशा के साथ इश्क में खो जाता है आयशा ही कबीर की फिल्म राय की स्टोरी बनती जाती है जो भी कबीर और आयशा के बीच में घटता है वो इस फिल्म की स्क्रिप्ट से तब्दील हो जाता है एक काल्पनिक किरदार राय ने रणबीर कपूर जो टिया ने जैकलिन फर्नांडिस जो कि डबल रोल निभा रही हैं से मिलता है और कई चीज़ें चोरी करता है और जो कुछ भी इस फिल्म रॉय में होता है वही असलियत में कबीर और आयशा की ज़िंदगी में आखिरकार होता है तो कबीर की फिल्म के दोनों किरदार होते हैं रॉय और टिया फिल्म में सिर्फ शूटिंग लोकेशंस गाने और फैशन बेहद दिलचस्प है अगर आपको रणबीर कपूर जैकलिन फर्नाडिस और अर्जुन रामपाल पसंद है तो ये फिल्म देखें कभी कभी बोरियत का आलम यह हो जाता है कि छोटी फिल्म भी बड़ी लगने लगती है कुछ ऐसा ही रॉय के दौरान भी होता है बहुत ही धीमी फिल्म है रणबीर कपूर की उपस्थिति भी फ़िल्म को लाए नहीं दे पाती अगर आप एक बेहद अच्छी फिल्म के तलाश में हैं तो राय नहीं है किरदार कब क्या और क्यों कर रहे हैं आप उसमें दिलचस्पी नहीं ले पाते हैं फिल्म राय की कहानी में कुछ भी खास नहीं है फिल्म की शुरुआत होती है अर्जुन रामपाल से जो डायरेक्टर कबीर गोरोवल की भूमिका निभा रहे हैं जो एक चोर से इंस्पायर होकर उस पर फिल्म बनाता है चोर की जिंदगी पर आधारित दो फिल्में पहले ही हिट हो चुकी हैं और अर्जुन तीसरी फिल्म बनाने की तैयारी करते हैं अपनी तीसरी फिल्म को शूट करने में मलेशिया जाते हैं जहां उनकी मुलाकात जैकलिन फर्नांडिस से होती है जो लंदन में फिल्म डायरेक्टर आयशा आमिर का किरदार निभा रही हैं अर्जुन और जैकलिन एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं जैकलिन को अर्जुन से प्यार हो जाता है लेकिन वो अर्जुन की फितरत जानती हैं कि वो सिर्फ लड़कियां बदलते हैं और प्यार भर के चक्कर में नहीं पड़ते जैकलिन अर्जुन को छोड़कर चली जाती है और तब ताकि और तब जाके अर्जुन को अपने प्यार का एहसास होता है फिल्म में रणबीर कपूर एक चोर का किरदार निभा रहे हैं जो सिर्फ अर्जुन रामपाल के ख्यालों में रहता है दरअसल रणबीर कपूर फिल्म में अर्जुन रामपाल की फिल्म के एक्टर हैं जो चोर की भूमिका निभाते हैं इंड रोल के बाद रणबीर के बहुत ही कम सीन हैं जैकलिन फर्नांडिस का फिल्म में डबल रोल है एक जो अर्जुन के साथ रोमांस करती है और दूसरी जो अर्जुन की फिल्म की एक्ट्रेस टिया है फिल्म में जैकलिन और रणबीर का प्यार अर्जुन रामपाल की फिल्म की कहानी का हिस्सा है जैकलिन फर्नाडिस फिल्म में खूबसूरत तो बहुत लगी हैं लेकिन उनकी एक्टिंग बहुत फीकी है डायलॉग बोलते वक्त उनके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं रहता है डायरेक्टर विक्रमजीत सिंह ने एक अलग तरह की फिल्म बनाने की कोशिश की है लेकिन इंडियन ऑडियंस को इस तरह की फिल्में बहुत कम ही पसंद आती हैं फिल्म के गाने अच्छे हैं और फिल्म में सही वक्त पर दिखाए जाते हैं अगर आप इस फिल्म और रणबीर कपूर से ढेरों उम्मीद लगाए बैठे हैं तो ये फिल्म आपके लिए बिल्कुल नहीं है हाँ अगर आपको वैलेंटाइन डे पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम पास करना है तो आप जरूर फिल्म देखें क्योंकि इस फिल्म में कुछ दिलचस्प तो नहीं है आपकी गर्लफ्रेंड का पूरा ध्यान आप पर ही रहेगा ऐसा लगता है इस फिल्म को बनाने में डायरेक्टर विक्रमजीत सिंह ने कुछ ज्यादा ही वक्त लगाया एक्शन थ्रिलर फिल्में बनाने वाले एक यंग डायरेक्टर कबीर ग्रोवाल के आसपास घूम रही इस फिल्म की कहानी में किरदार एक दूसरे से कहां आकर मिलते हैं और कहां अलग हो जाते हैं यह समस्या परे है बेहद धीमी रफ्तार से आगे खिसकती इस फिल्म को लेकर चर्चा थी कि इसमें रणबीर कपूर का किरदार 10-15 मिनट के लिए है लेकिन फिल्म में उनका किरदार पचास मिनट के करीब है न जाने क्यों पूरी फिल्म में रणबीर बुझे बुझे नजर आते हैं कुछ सीन में रणबीर की एक्टिंग देखकर ऐसा भी लगता है कि जैसे वह अनचाहे मन से राय का किरदार निभा रहे हों इसकी कहानी यंग फिल्म मेकर कबीर ग्रोवर यानी अर्जुन रामपाल की है अब तक दो एक्शन थ्रिलर फिल्में वो बना चुके हैं बॉक्स ऑफिस पर कहा कबीर की इस फिल्मों ने कमाई और कामयाबी के नए रिकॉर्ड बनाए हैं इंडस्ट्री की एक टॉप प्रोडक्शन कंपनी का हेड हिरानी कबीर इस सीरीज की तीसरी फिल्म अपने प्रोडक्शन हाउस के साथ जल्द शुरू करना चाहता है दूसरी ओर कबीर ने अभी कहानी और किरदारों पर काम करना तक शुरू नहीं किया है कबीर की सहायक निर्देशक मेरा इस अग्रीमेंट के लिए कबीर को राजी कर लेती है कहानी और किरदारों की तलाश में लगा कबीर

करने वाली और अवार्ड फंक्शन में ट्रॉफी हासिल करने वाली फिल्में बनाने वाली मेकर हैं कबीर पर्सनल लाइफ में कुछ ज्यादा ही रोमांटिक है रिश्तों को समझना और उनकी गहराई में जाना उसे पसंद नहीं है यही वजह है अब तक उसका इक्कीस बार ब्रेकअप हो चुका है आयशा ने मुलाकात के बाद कबीर अपनी स्क्रिप्ट और फिल्म पर काम शुरू करता है जिसमें आयशा की कुछ बातें शामिल होती हैं कबीर की इस फिल्म का यंग हीरो राय निरणबीर कपूर ऐसा पेंटिंग चोर है जिसकी डिक्शनरी में नामुमकिन शब्द नहीं है अर्जुन रामपाल और रणबीर कपूर दोनों ने अपने अपने किरदारों को बस निभा भर दिया है पूरी फिल्म में महज एक फाइट सीन है अनुपम खेर के इक्का दुक्का सीन है जैकलीन ने अपनी ब्यूटी दिखाने के साथ साथ यह भी दिखाया है कि उन्हें एक्सरसाइज करना आता है ऐसा लगता है शुरुआत ने विक्रमाजीत सिंह के पास अपनी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी मसाला नहीं था तो वही उन्होंने बेवजह हर सीन को लंबा करके दर्शकों के सब्र की परीक्षा ली है कमजोर स्क्रिप्ट के साथ पैसेंजर ट्रेन की तरह आगे खिसकती इस कहानी में विक्रमाजीत कहानी भी स्पीड नहीं ला पाए हैं फिल्म की रिलीज से पहले ही यंगस्टर ने फिल्म का म्यूजिक हिट है कई म्यूजिक चार्ट में बूंद बूंद सूरज डूबा है चिटिया कलाइयाँ टॉप टेन में चल रहे थे रॉय के प्रचार में रणवीर कपूर को चोर और फिल्म को थ्रिलर बताया गया है लिहाजा दर्शक एक रोमांचक फिल्म के पेछा लेकर फिल्म देखने के लिए जाता है लेकिन फिल्म में थ्रिलर की बजाय रोमांस और इमोशनल ड्रामा देखने को मिलता है इस ड्रामे की रफ्तार इतनी सुस्त है कि आपको झपकी भी लग सकती है फिल्म का एक किरदार कहता है कि यदि कहानी आगे नहीं बढ़ रही हो तो उसे वही खत्म कर देना चाहिए अफसोस की बात यह है कि अपनी फिल्म के जरिए यह बात कहने वाले फिल्मकार ने खुद की बात को गंभीरता से नहीं लिया है बाईस लड़कियों से रोमांस कर चुका रणबीर ग्रोवल यानी अर्जुन रामपाल एक फिल्म मेकर है मलेशिया में अपनी फिल्म की शूटिंग के दौरान उसकी मुलाकात लंदन में रहने वाले फिल्म मेकर आयशा आमिर यानी जैकलिन फर्नान्डिस से होती है रैनी रणबीर कपूर एक मशहूर चोर है जिससे प्रेरित होकर कबीर फिल्म बनाता है कबीर और आयशा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और आयशा के जरिए कबीर अपनी कहानी को आगे बढ़ाता है रियल लाइफ और रियल लाइफ के किरदार आपस में उलझ जाते हैं और मामला जटिल हो जाता है विक्रमजीत सिंह ने फिल्म को लिखा और निर्देशित किया है कॉन्सेप्ट अच्छा है लेकिन स्क्रीन पर इसे पेश करने में निर्देशक खुद ही कन्फ्यूज हो गए हैं तो दर्शक की बात ही छोड़ दीजिए फिल्म की शुरुआत अच्छी है जब एक मौलवान पेंटिंग को चुराने के लिए राय को कहा जाता है उम्मीद बनती है कि एक थ्रिलर मूवी देखने को मिलेगी लेकिन धीरे धीरे कबीर और आयशा की प्रेम कहानी में परिवर्तित हो जाती है यह रोमांटिक ट्रैक बहुत ही ठंडा है कबीर के प्रति आयशा का आकर्षित होने और रूठने की ठीक से पेश नहीं किया गया है साथ ही इस प्रेम की वजह से कबीर का अपने आप को जान पाने वाला ट्रैक भी प्रभावित नहीं करता कबीर और उसके पिता के बीच के दृश्य भी फिजूल के हैं और इनका मुख्य कहानी से कोई संबंध नहीं है राय का पेंटिंग चुराने वाला प्रसंग बहुत ही सतही है फिल्म के जरिए क्या कहने की कोशिश की जा रही है समझ पाना मुश्किल है विक्रमजीत सिंह ने स्क्रिप्ट के बजाय शॉट टेकिंग को ज़्यादा महत्व दिया है किरदारों की लाइफ स्टाइल को बेहतरीन तरीके से पेश किया जाता है लेकिन कहानी को कहने का उनका तरीका बहुत ही उलझा हुआ है उन्होंने संवादों के जरिए बात कहने की कोशिश ज़्यादा की है कुछ जगह किरदारों की बातचीत अच्छी लगती है लेकिन कुछ समय बाद यह ये चीज़ बोरियत पैदा करती है फिल्म का उन्होंने जो मोड रखा है उसमें गानों की बिल्कुल जगह नहीं बनती है वही वजह है कि हिट गीतों का फिल्मांकन इतना ख़राब है कि देखने में मज़ा नहीं आता प्रमुख कलाकारों का अभिनय के मामले में करीब होना भी फिल्म की कमजोर कड़ी है अर्जुन रामपाल अपने लुक से प्रभावित करते हैं एक्टिंग से नहीं हाइट और चिकरट से उड़ते हुए धुएं के जरिए उन्होंने अपने चेहरे को उन्होंने छिपाने की कोशिश की है जैकलिन फर्नांडिस एक भूमिका तो ठीक से कर नहीं पाती ऐसे में दोहरी भूमिका उन्हें स्वप्ना उनके नाजुक कंधों पर बहुत भारी भार रखने के समान है मेकअप और हेयर स्टाइल के अंतर पैदा करने की कोशिश की गई है वरना दोनों किरदारों को जैकलिन ने एक ही तरीके से निभाया है रणबीर कपूर का रोल छोटा है जिसे पूरी फिल्म में फैलाया गया है विक्रमजीत सिंह उनके दोस्त हैं शायद इसलिए रणबीर ने यह फिल्म की है इसका दुख पूरी फिल्म में उनके चेहरे पर नजर आता है पूरी फिल्म में बोरियत एक्सप्रेशन के लिए वह घूमते रहते हैं अंकिता तिवारी अमाल मलिक मित ब्रदर्स अनजान का संगीत मधुर है हिमन धमीजा की सिनेमाटोग्राफी कमाल की है कुछ संवाद भी अच्छे लगते हैं लेकिन एक फिल्म को देखने के लिए ये बातें काफ़ी नहीं हैं कभी कभी कुछ अनोखा करने के चक्कर में अक्सर हम कुछ गलत कर जाते हैं और आखिरी में प्रोडक्ट खराब हो जाता है कुछ ऐसा ही मिजाज है फिल्म रॉय का बचपन में एक पहेली थी डब्बे में डब्बा और डब्बे में कुछ नहीं डॉक्यूमेंट डायरेक्टर बिक्रमाजीत सिंह ने इस पहेली को साकार कर दिया है फिल्म के भीतर फिल्म बना दी है मतलब एक वक्त पर दो दो फिल्में का मजा देने की कोशिश की गई है जो कि सार्थक नहीं हो पाई है राय फिल्म की कहानी डायरेक्टर कबीर ग्रोवल यानी अर्जुन रामपाल की है जो अपनी हिट फिल्म गन की सीरीज की तीसरी फिल्म बनाना चाहते हैं और जिसके लिए कहानी की तलाश में मलेशिया जाते हैं वहां उनकी मुलाकात दूसरी फिल्म में कर आयसानी जैकलिन फर्नान्डिस से होती है और कबीर आयशा के साथ इश्क में खो जाता है आयशा ही कबीर की फिल्म राय की स्टोरी बनती जाती है जो भी कबीर और आयशा के बीच में घटता है वो इस फिल्म की स्क्रिप्ट से तब्दील हो जाता है एक काल्पनिक किरदार राय ने रणबीर कपूर जो टिया ने जैकलिन फर्नांडिस जो कि डबल रोल निभा रही हैं से मिलता है और कई चीज़ें चोरी करता है और जो कुछ भी इस फिल्म रॉय में होता है वही असलियत में कबीर और आयशा की जिंदगी में आखिरकार होता है तो कबीर की फिल्म के दोनों किरदार होते हैं रॉय और टिया फिल्म में सिर्फ शूटिंग लोकेशंस गाने और फैशन बेहद दिलचस्प है अगर आपको रणबीर कपूर जैकलिन फर्नाडिस और अर्जुन रामपाल पसंद है तो ये फिल्म देखें कभी कभी बोरियत का आलम यह हो जाता है कि छोटी फिल्म भी बड़ी लगने लगती है कुछ ऐसा ही रॉय के दौरान भी होता है बहुत ही धीमी फिल्म है रणबीर कपूर की उपस्थित भी फिल्म को लाय नहीं दे पाती अगर आप एक बेहद अच्छी फिल्म के तलाश में हैं तो राय नहीं है किरदार कब क्या और क्यों कर रहे हैं आप उसमें दिलचस्पी नहीं ले पाते हैं फिल्म राय की कहानी में कुछ भी खास नहीं है फिल्म की शुरुआत होती है अर्जुन रामपाल से जो डायरेक्टर कबीर गोरोवाल की भूमिका निभा रहे हैं जो एक चोर से इंस्पायर होकर उस पर फिल्म बनाता है चोर की जिंदगी पर आधारित दो फिल्में पहले ही हिट हो चुकी हैं और अर्जुन तीसरी फिल्म बनाने की तैयारी करते हैं अपनी तीसरी फिल्म को शूट करने में मलेशिया जाते हैं जहां उनकी मुलाकात जैकलिन फर्नांडिस से होती है जो लंदन में फिल्म डायरेक्टर आयशा आमिर का किरदार निभा रही हैं अर्जुन और जैकलिन एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं जैकलिन को अर्जुन से प्यार हो जाता है लेकिन वो अर्जुन की फितरत जानती हैं कि वो सिर्फ लड़कियां बदलते हैं और प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ते जैकलिन अर्जुन को छोड़कर चली जाती है और तब ताकि और तब जाके अर्जुन को अपने प्यार का एहसास होता है फिल्म में रणबीर कपूर एक चोर का किरदार निभा रहे हैं जो सिर्फ अर्जुन रामपाल के ख्यालों में रहता है दरअसल रणबीर कपूर फिल्म में अर्जुन रामपाल की फिल्म के एक्टर हैं जो चोर की भूमिका निभाते हैं इन रोल के बाद रणबीर के बहुत ही कम सीन हैं जैकलिन फर्नाडिस का फिल्म में डबल रोल है एक जो अर्जुन के साथ रोमांस करती है और दूसरी जो अर्जुन की फिल्म की एक्ट्रेस टिया है फिल्म में जैकलिन और रणबीर का प्यार अर्जुन रामपाल की फिल्म की कहानी का हिस्सा है जैकलिन फर्नाडिस फिल्म में खूबसूरत तो बहुत लगी हैं लेकिन उनकी एक्टिंग बहुत फीकी है डायलॉग बोलते वक्त उनके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं रहता है डायरेक्टर विक्रमजीत सिंह ने एक अलग तरह की फिल्म बनाने की कोशिश की है लेकिन इंडियन ऑडियंस को इस तरह की फिल्में बहुत कम ही पसंद आती हैं फिल्म के गाने अच्छे हैं और फिल्म में सही वक्त पर दिखाए जाते हैं अगर आप इस फिल्म और रणबीर कपूर से ढेरों उम्मीद लगाए बैठे हैं तो ये फिल्म आपके लिए बिल्कुल नहीं है हाँ अगर आपको वैलेंटाइन डे पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम पास करना है तो आप ज़रूर ये फिल्म देखें क्योंकि इस फिल्म में कुछ दिलचस्प तो नहीं है है, आपकी गर्लफ्रेंड का पूरा ध्यान आप पर ही रहेगा ऐसा लगता है इस फिल्म को बनाने में डायरेक्टर विक्रमजीत सिंह ने कुछ ज्यादा ही वक्त लगाया एक्शन थ्रिलर फिल्में बनाने वाले एक यंग डायरेक्टर कबीर ग्रोवल के आसपास घूम रही इस फिल्म की कहानी में किरदार एक दूसरे से कहां आकर मिलते हैं और कहां अलग हो जाते हैं यह समस्या परे है बेहद धीमी रफ्तार से आगे खिसकती इस फिल्म को लेकर चर्चा थी कि इसमें रणबीर कपूर का किरदार 10-15 मिनट के लिए है लेकिन फिल्म में उनका किरदार 50 मिनट के करीब है न जाने क्यों पूरी फिल्म में रणबीर बुझे बुझे नजर आते हैं कुछ सीन में रणबीर की एक्टिंग देखकर ऐसा भी लगता है कि जैसे वह अनचाहे मन से राय का किरदार निभा रहे हों इसकी कहानी यंग फिल्म मेकर कबीर ग्रोवर अर्जुन रामपाल की है अब तक दो एक्शन थ्रिलर फिल्में वो बना चुके हैं बॉक्स ऑफिस पर कबीर की इस फिल्मों ने कमाई और कामयाबी के नए रिकॉर्ड बनाए हैं इंडस्ट्री की एक टॉप प्रोडक्शन कंपनी का हेड हिरानी कबीर इस सीरीज की तीसरी फिल्म अपने प्रोडक्शन हाउस के साथ जल्द शुरू करना चाहता है दूसरी ओर कबीर ने अभी कहानी और किरदारों पर काम करना तक शुरू नहीं किया है कबीर की सहायक निर्देशक मेरा इस अग्रीमेंट के लिए कबीर को राजी कर लेती है कहानी और किरदारों की तलाश में लगा कबीर

ने वाली और अवार्ड फंक्शन में ट्रॉफी हासिल करने वाली फिल्में बनाने वाली मेकर हैं कबीर पर्सनल लाइफ में कुछ ज्यादा ही रोमांटिक है रिश्तों को समझना और उनकी गहराई में जाना उसे पसंद नहीं है यही वजह है अब तक उसका इक्कीस बार ब्रेकअप हो चुका है आयशा ने मुलाकात के बाद कबीर अपनी स्क्रिप्ट और फिल्म पर काम शुरू करता है जिसमें आयशा की कुछ बातें शामिल होती हैं कबीर की इस फिल्म का यंग हीरो रैन निरणबीर कपूर ऐसा पेंटिंग चोर है जिसकी डिक्शनरी में नामुमकिन शब्द नहीं है अर्जुन रामपाल और रणबीर कपूर दोनों ने अपने अपने किरदारों को बस निभा भर दिया है पूरी फिल्म में महज एक फाइट सीन है अनुपम खेर के इक्का दुक्का सीन है जैकलीन ने अपनी ब्यूटी दिखाने के साथ साथ यह भी दिखाया है कि उन्हें एक्सरसाइज करना आता है ऐसा लगता है शुरुआत ने विक्रमाजीत सिंह के पास अपनी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी मसाला नहीं था तो वही उन्होंने बेवजह हर सीन को लंबा करके दर्शकों के सब्र की परीक्षा ली है कमजोर स्क्रिप्ट के साथ पैसेंजर ट्रेन की तरह आगे खिसकती इस कहानी में विक्रमाजीत कहानी भी पर नहीं ला पाए हैं। फिल्म के रिलीज से पहले ही टॉप टेन में चल रहे थे के में कपूर को चोर और फिल्म को थिलर बताया गया है लिहाजा दर्शक एक रोमांचक फिल्म के पेछा लेकर फिल्म देखने के लिए जाता है लेकिन फिल्म में थ्रिलर की बजाय रोमांस और इमोशनल ड्रामा देखने को मिलता है इस ड्रामे की रफ्तार इतनी सुस्त है कि आपको झपकी भी लग सकती है फिल्म का एक किरदार कहता है कि यदि कहानी आगे नहीं बढ़ रही हो तो उसे वही ख़त्म कर देना चाहिए अफसोस की बात यह है कि अपनी फिल्म के जरिए यह बात कहने वाले फिल्मकार ने खुद की बात को गंभीरता से नहीं लिया है बाईस लड़कियों से रोमांस कर चुका रणबीर ग्रोवल यानी अर्जुन रामपाल एक फिल्म मेकर है मलेशिया में अपनी फिल्म की शूटिंग के दौरान उसकी मुलाकात लंदन में रहने वाले फिल्म मेकर आयशा आमिर यानी जैकलिन फर्नांडिस से होती है रैनी रणबीर कपूर एक मशहूर चोर है जिससे प्रेरित होकर कबीर फिल्म बनाता है कबीर और आयशा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और आयशा के जरिए कबीर अपनी कहानी को आगे बढ़ाता है रियल लाइफ और रियल लाइफ के किरदार आपस में उलझ जाते हैं और मामला जटिल हो जाता है विक्रमजीत सिंह ने फिल्म को लिखा और निर्देशित किया है कॉन्सेप्ट अच्छा है लेकिन स्क्रीन पर इसे पेश करने में निर्देशक खुद ही कन्फ्यूज हो गए हैं तो दर्शक की बात ही छोड़ दीजिए फिल्म की शुरुआत अच्छी है जब एक मौलवान पेंटिंग को चुराने के लिए राय को कहा जाता है उम्मीद बनती है कि एक थ्रिलर मूवी देखने को मिलेगी लेकिन धीरे धीरे कबीर और आयशा की प्रेम कहानी में परिवर्तित हो जाती है यह रोमांटिक ट्रैक बहुत ही ठंडा है कबीर के प्रति आयशा का आकर्षित होने और रूठने की ठीक से पेश नहीं किया गया है साथ ही इस प्रेम की वजह से कबीर का अपने आप को जान पाने वाला ट्रैक भी प्रभावित नहीं करता कबीर और उसके पिता के बीच के दृश्य भी फिजूल के हैं और इनका मुख्य कहानी से कोई संबंध नहीं है राय का पेंटिंग चुराने वाले प्रसंग बहुत ही सतही है फिल्म के जरिए क्या कहने की कोशिश की जा रही है समझ पाना मुश्किल है विक्रमजीत सिंह ने स्क्रिप्ट के बजाय शॉर्ट टेकिंग को ज़्यादा महत्व दिया है किरदारों की लाइफ स्टाइल को बेहतरीन तरीके से पेश किया जाता है लेकिन कहानी को कहने का उनका तरीका बहुत ही उलझा हुआ है उन्होंने संवादों के जरिए बात कहने की कोशिश ज़्यादा की है कुछ जगह किरदारों की बातचीत अच्छी लगती है लेकिन कुछ समय बाद चीज बोरियत पैदा करती है फिल्म का उन्होंने जो मोड रखा है उसमें गानों की बिल्कुल जगह नहीं बनती है वही वजह है कि हिट गीतों का फिल्मांकन इतना खराब है कि देखने में मजा नहीं आता प्रमुख कलाकारों का अपने के मामले में करीब होना भी फिल्म की कमजोर कड़ी है अर्जुन रामपाल अपने लुक से प्रभावित करते हैं एक्टिंग से नहीं हाइट और सिकरट से उड़ते हुए धुएं के जरिए उन्होंने अपने चेहरे को उन्होंने छिपाने की कोशिश की है जैकलिन फर्नांडिस एक भूमिका तो ठीक से कर नहीं पाती ऐसे में दोहरी भूमिका उन्हें स्वप्ना उनके नाजुक कंधों पर बहुत भारी भार रखने के समान है मेकअप और हेयर स्टाइल के अंतर पैदा करने की कोशिश की गई है वरना दोनों किरदारों को जैकलिन ने एक ही तरीके से निभाया है रणबीर कपूर का रोल छोटा है जिसे पूरी फिल्म में फैलाया गया है विक्रमजीत सिंह उनके दोस्त हैं शायद इसलिए रणबीर ने यह फिल्म की है इसका दुख पूरी फिल्म में उनके चेहरे पर नजर आता है पूरी फिल्म में बोरियत एक्सप्रेशन के लिए वह घूमते रहते हैं अंकिता तिवारी अमाल मलिक मित ब्रदर्स अनजान का संगीत मधुर है हिमन धमीजा की सिनेमाटोग्राफी कमाल की है कुछ संवाद भी अच्छे लगते हैं लेकिन एक फिल्म को देखने के लिए ये बातें काफ़ी नहीं हैं कभी कभी कुछ अनोखा करने के चक्कर में अक्सर हम कुछ गलत कर जाते हैं और आखिरी में प्रोडक्ट खराब हो जाता है कुछ ऐसा ही मिजाज है फिल्म राय का बचपन में एक पहेली थी डब्बे में डब्बा और डब्बे में कुछ नहीं डॉक्यूमेंट डायरेक्टर विक्रमाजीत सिंह ने इस पहेली को साकार कर दिया है फिल्म के भीतर फिल्म बना दी है मतलब एक वक्त पर दो दो फिल्में का मजा देने की कोशिश की गई है जो कि सार्थक नहीं हो पाई है राय फिल्म की कहानी डायरेक्टर कबीर ग्रोवल यानी अर्जुन रामपाल की है जो अपनी हिट फिल्म गन की तीसरी फिल्म बनाना चाहते हैं और जिसके लिए कहानी के के की तलाश में मलेशिया की स्टोरी बनती जाती है जो भी कबीर और आयशा के बीच में घरता है वो इस फिल्म की स्क्रिप्ट से तब्दील हो जाता है एक काल्पनिक किरदार राय रणबीर कपूर जो टी जैकलिन फर्नाडिस जो कि डबल रोल निभा रही है से मिलता है और कई चीजें चोरी करता है और जो कुछ भी इस फिल्म रॉय में होता है वही असलियत में कबीर और आयशा की ज़िंदगी में आखिरकार होता है तो कबीर की फिल्म के दोनों किरदार होते हैं रॉय और टिया फिल्म में सिर्फ शूटिंग लोकेशंस गाने और फैशन बेहद दिलचस्प है अगर आपको रणबीर कपूर जैकलिन फर्नांडिस और अर्जुन रामपाल पसंद है तो ये फिल्म देखें कभी कभी बोरियत का आलम यह हो जाता है कि छोटी फिल्म भी बड़ी लगने लगती है कुछ ऐसा ही रॉय के दौरान भी होता है बहुत ही धीमी फिल्म है रणबीर कपूर की उपस्थिति भी फिल्म को लाए नहीं दे पाती अगर आप एक बेहद अच्छी फिल्म के तलाश में हैं तो राय नहीं है किरदार कब क्या और क्यों कर रहे हैं आप उसमें दिलचस्पी नहीं ले पाते हैं फिल्म राय की कहानी में कुछ भी खास नहीं है फिल्म की शुरुआत होती है अर्जुन रामपाल से, जो डायरेक्टर कबीर गोरवाल की भूमिका निभा रहे हैं जो एक चोर से इंस्पायर होकर उस पर फिल्म बनाता है चोर की ज़िंदगी पर आधारित दो फिल्में पहले ही हिट हो चुकी हैं और अर्जुन तीसरी फिल्म बनाने की तैयारी करते हैं अपनी तीसरी फिल्म को शूट करने में मलेशिया जाते हैं जहां उनकी मुलाकात जैकलिन फर्नांडिस से होती है जो लंदन में फिल्म डायरेक्टर आयशा आमिर का किरदार निभा रही हैं अर्जुन और जैकलिन एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं जैकलिन को अर्जुन से प्यार हो जाता है लेकिन वो अर्जुन की फितरत जानती हैं कि वो सिर्फ लड़कियाँ बदलते हैं और प्यार भर के चक्कर में नहीं पड़ते जैकलिन अर्जुन को छोड़कर चली जाती है और तब ताकि और तब जाके अर्जुन को अपने प्यार का एहसास होता है फिल्म में रणबीर कपूर एक चोर का किरदार निभा रहे हैं जो सिर्फ अर्जुन रामपाल के ख्यालों में रहता है दरअसल रणबीर कपूर फिल्म में अर्जुन रामपाल के फिल्म के एक्टर हैं जो चोर की भूमिका निभाते हैं इंटरल के बाद रणबीर के बहुत ही कम सीन हैं जैकलिन फर्नांडिस का फिल्म में डबल रोल है एक जो अर्जुन के साथ रोमांस करती है और दूसरी जो अर्जुन की फिल्म की एक्ट्रेस टिया है फिल्म में जैकलिन और रणबीर का प्यार अर्जुन रामपाल की फिल्म की कहानी का हिस्सा है जैकलिन फर्नांडिस फिल्म में खूबसूरत

जरूर फिल्म देखें क्योंकि इस फिल्म में कुछ दिलचस्प तो नहीं है आपकी गर्लफ्रेंड का पूरा ध्यान आप पर ही रहेगा ऐसा लगता है इस फिल्म को बनाने में डायरेक्टर विक्रमजीत सिंह ने कुछ ज्यादा ही वक्त लगाया एक्शन थ्रिलर फिल्में बनाने वाले एक यंग डायरेक्टर कबीर ग्रोवल के आसपास घूम रही इस फिल्म की कहानी में किरदार एक दूसरे से कहां आकर मिलते हैं और कहां अलग हो जाते हैं यह समस्या से परे है बेहद धीमी रफ्तार से आगे खिसकती इस फिल्म को लेकर चर्चा थी कि इसमें रणबीर कपूर का किरदार 10-15 मिनट के लिए है लेकिन फिल्म में उनका किरदार 50 मिनट के करीब है न जाने क्यों पूरी फिल्म में रणबीर बुझे बुझे नजर आते हैं कुछ सीन में रणबीर की एक्टिंग देखकर ऐसा भी लगता है कि जैसे वह अनचाहे मन से राय का किरदार निभा रहे हों इसकी कहानी यंग फिल्म मेकर कबीर ग्रोवर यानी अर्जुन रामपाल की है अब तक दो एक्शन थ्रिलर फिल्में वो बना चुके हैं बॉक्स ऑफिस पर कहा कबीर की इस फिल्मों ने कमाई और कामयाबी के नए रिकॉर्ड बनाए हैं इंडस्ट्री की एक टॉप प्रोडक्शन कंपनी का हेड हिरानी कबीर इस सीरीज की तीसरी फिल्म अपने प्रोडक्शन हाउस के साथ जल्द शुरू करना चाहता है दूसरी ओर कबीर ने अभी कहानी और किरदारों पर काम करना तक शुरू नहीं किया है कबीर की सहायक निर्देशक मेरा इस अग्रीमेंट के लिए कबीर को राजी कर लेती है कहानी और किरदारों की तलाश में लगा कबीर स्क्रिप्ट पर काम करता है बचपन में कबीर एक बार अपने पापा ने खेयर के साथ जब बैंक गया ठीक उसी वक्त बैंक में डकैती पड़ जाती है कबीर इस घटना पर काम शुरू करता है स्विकल की शूटिंग के लिए वह अपनी यूनिट के साथ मलेशिया जाता है जहाँ पहले से लंदन की फिल्म मेकर आयशा ने जैकलिन फर्नांडिस अपनी एक सीमित बजट में बनने वाली फिल्म की शूटिंग कर रही है इन दोनों की सोच डिफरेंट है जहाँ कबीर बॉक्स ऑफिस पर कमाई के लिए फिल्में बनाने वाला मेकर है वही आयशा को एक खास क्लास की कसौटी पर खरी उतरने वाली और अवार्ड फंक्शन में ट्रॉफी हासिल करने वाली फिल्में बनाने वाली मेकर हैं कबीर पर्सनल लाइफ में कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक है रिश्तों को समझना और उनकी गहराई में जाना उसे पसंद नहीं है यही वजह है अब तक उसका 21 बार ब्रेकअप हो चुका है आयशा ने मुलाकात के बाद कबीर अपनी स्क्रिप्ट और फिल्म पर काम शुरू करता है जिसमें आयशा की कुछ बातें शामिल होती हैं कबीर की इस फिल्म का यंग हीरो राय निरण कपूर ऐसा पेंटिंग चोर है जिसकी डिक्शनरी में नामुमकिन शब्द नहीं है अर्जुन रामपाल और रणबीर कपूर दोनों ने अपने अपने किरदारों को बस निभा भर दिया है पूरी फिल्म में महज एक फाइट सीन है अनुपम खेर के इक्का दुक्का सीन है जैकलीन ने अपनी ब्यूटी दिखाने के साथ साथ यह भी दिखाया है कि उन्हें एक्सरसाइज करना आता है ऐसा लगता है शुरुआत ने विक्रमाजीत सिंह के पास अपनी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी मसाला नहीं था तो वही उन्होंने बेवजह हर सीन को लंबा करके दर्शकों के सब्र की परीक्षा ली है कमजोर स्क्रिप्ट के साथ पैसेंजर ट्रेन की तरह आगे खिसकती इस कहानी विक्रमाजित कहानी भी स्पीड नहीं ला पाए है, है।, बूंद बूंद, है थ्रिलर बताया गया है लिहाजा दर्शक एक रोमांचक फिल्म के पेछा लेकर फिल्म देखने के लिए जाता है लेकिन फिल्म में थ्रिलर की बजाय रोमांस और इमोशनल ड्रामा देखने को मिलता है इस ड्रामे की रफ्तार इतनी सुस्त है कि आपको झपकी भी लग सकती है फिल्म का एक किरदार कहता है कि यदि कहानी आगे नहीं बढ़ रही हो तो उसे वही ख़त्म कर देना चाहिए अफसोस की बात यह है कि अपनी फिल्म के जरिए यह बात कहने वाले फिल्मकार ने खुद की बात को गंभीरता से नहीं लिया है बैश लड़कियों से रोमांस कर चुका रणबीर ग्रोवल यानी अर्जुन रामपाल एक फिल्म मेकर है मलेशिया में अपनी फिल्म की शूटिंग के दौरान उसकी मुलाकात लंदन में रहने वाले फिल्म मेकर आयशा आमिर यानी जैकलिन फर्नांडिस से होती है रैनी रणबीर कपूर एक मशहूर चोर है जिससे प्रेरित होकर कबीर फिल्म बनाता है कबीर और आयशा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और आयशा के जरिए कबीर अपनी कहानी को आगे बढ़ाता है रियल लाइफ और रियल लाइफ के किरदार आपस में उलझ जाते हैं और मामला जटिल हो जाता है विक्रमजीत सिंह ने फिल्म को लिखा और निर्देशित किया है कॉन्सेप्ट अच्छा है लेकिन स्क्रीन इस पर इसे पेश करने में निर्देशक खुद ही कन्फ्यूज हो गए हैं तो दर्शक की बात ही छोड़ दीजिए फिल्म की शुरुआत अच्छी है जब एक मौलवान पेंटिंग को चुराने के लिए राय को कहा जाता है उम्मीद बनती है कि एक थ्रिलर मूवी देखने को मिलेगी लेकिन धीरे धीरे कबीर और आयशा की प्रेम कहानी में परिवर्तित हो जाती है यह रोमांटिक ट्रैक बहुत ही ठंडा है कबीर के प्रति आयशा का आकर्षित होने और रूठने की ठीक से पेश नहीं किया गया है साथ ही इस प्रेम की वजह से कबीर का अपने आप को जान पाने वाला ट्रैक भी प्रभावित नहीं करता कबीर और उसके पिता के बीच के दृश्य भी फिजूल के हैं और इनका मुख्य कहानी से कोई संबंध नहीं है राय का पेंटिंग चुराने वाले प्रसंग बहुत ही सतही है फिल्म के जरिए क्या कहने की कोशिश की जा रही है समझ पाना मुश्किल है विक्रमजीत सिंह ने स्क्रिप्ट के बजाय शॉर्ट टेकिंग को ज़्यादा महत्व दिया है किरदारों की लाइफ स्टाइल को बेहतरीन तरीके से पेश किया जाता है लेकिन कहानी को कहने का उनका तरीका बहुत ही उलझा हुआ है उन्होंने संवादों के जरिए बात कहने की कोशिश ज़्यादा की है कुछ जगह किरदारों की बातचीत अच्छी लगती है लेकिन कुछ समय बाद ये चीज बोरियत पैदा करती है। फिल्म का उन्होंने जो मोड रखा है उसमें गानों की बिल्कुल जगह नहीं बनती है। वही वजह है कि हिट गीतों का फिल्मांकन इतना खराब है कि देखने में मजा नहीं आता प्रमुख कलाकारों का अपने के मामले में करीब होना भी फिल्म की कमजोर कड़ी है अर्जुन रामपाल अपने लुक से प्रभावित करते हैं एक्टिंग से नहीं हाइट और सिगलर से उड़ते हुए धुएं के जरिए उन्होंने अपने चेहरे को उन्होंने छिपाने की कोशिश की है जैकलिन फर्नांडिस एक भूमिका तो ठीक से कर नहीं पाती ऐसे में दोहरी भूमिका उन्हें स्वप्ना उनके नाजुक कंधों पर बहुत भारी भार रखने के समान है मेकअप और हेयर स्टाइल के अंतर पैदा करने की कोशिश की गई है वरना दोनों किरदारों को जैकलिन ने एक ही तरीके से निभाया है रणबीर कपूर का रोल छोटा है जिसे पूरी फिल्म में फैलाया गया है विक्रमजीत सिंह उनके दोस्त हैं शायद इसलिए रणबीर ने यह फिल्म की है इसका दुख पूरी फिल्म में उनके चेहरे पर नजर आता है पूरी फिल्म में बोरियत एक्सप्रेशन के लिए वह घूमते रहते हैं अंकिता तिवारी अमाल मलिक मित ब्रदर्स अनजान का संगीत मधुर है हिम्मन धमीजा की सिनेमाटोग्राफी कमाल की है कुछ संवाद भी अच्छे लगते हैं लेकिन एक फिल्म को देखने के लिए ये बातें काफ़ी नहीं हैं कभी कभी कुछ अनोखा करने के चक्कर में अक्सर हम कुछ गलत कर जाते हैं और आखिरी में प्रोडक्ट खराब हो जाता है कुछ ऐसा ही मिजाज है फिल्म राय का बचपन में एक पहेली थी डब्बे में डब्बा और डब्बे में कुछ नहीं डॉक्यूमेंट डायरेक्टर विक्रमाजीत सिंह ने इस पहेली को साकार कर दिया है फिल्म के भीतर फिल्म बना दी है मतलब एक वक्त पर दो दो फिल्में का मजा देने की कोशिश की गई है जो कि सार्थक नहीं हो पाई है राय फिल्म की कहानी डायरेक्टर कबीर ग्रोवल यानी अर्जुन रामपाल की है जो अपनी हिट फिल्म गन की सीरीज की तीसरी फिल्म बनाना चाहते हैं और जिसके लिए कहानी की तलाश में मलेशिया जाते हैं वहां उनकी मुलाकात दूसरी फिल्म में कर आयसानी जैकलिन फर्नांडिस होती है और कबीर आयशा के साथ इश्क में खो जाता है आयशा ही कबीर की फिल्म राय की स्टोरी बनती जाती है जो भी कबीर और आयशा के बीच में घटता है वो इस फिल्म की स्क्रिप्ट से तब्दील हो जाता है एक काल्पनिक किरदार राय ने रणबीर कपूर जो टिया ने जैकलिन फर्नांडिस जो कि डबल रोल निभा रही हैं से मिलता है और कई चीज़ें चोरी करता है और जो कुछ भी इस फिल्म रॉय में होता है वही असलियत में कबीर और आयशा की ज़िंदगी में आखिरकार होता है तो कबीर की फिल्म के दोनों किरदार होते हैं रॉय और टिया फिल्म में सिर्फ शूटिंग लोकेशंस गाने और फैशन बेहद दिलचस्प है अगर आपको रणबीर कपूर जैकलिन फर्नाडिस और अर्जुन रामपाल पसंद है तो ये फिल्म देखें कभी कभी बोरियत का आलम यह हो जाता है कि छोटी फिल्म भी बड़ी लगने लगती है कुछ ऐसा ही रॉय के दौरान भी होता है बहुत ही धीमी फिल्म है रणबीर कपूर की उपस्थिति भी फ़िल्म को लाए नहीं दे पाती अगर आप एक बेहद अच्छी फिल्म के तलाश में हैं तो राय नहीं है किरदार कब क्या और क्यों कर रहे हैं आप उसमें दिलचस्पी नहीं ले पाते हैं फिल्म राय की कहानी में कुछ भी खास नहीं है फिल्म की शुरुआत होती है अर्जुन रामपाल से जो डायरेक्टर कबीर गोरोवल की भूमिका निभा रहे हैं जो एक चोर से इंस्पायर होकर उस पर फिल्म बनाता है चोर की जिंदगी पर आधारित दो फिल्में पहले ही हिट हो चुकी हैं और अर्जुन तीसरी फिल्म बनाने की तैयारी करते हैं अपनी तीसरी फिल्म को शूट करने में मलेशिया जाते हैं जहां उनकी मुलाकात जैकलिन फर्नांडिस से होती है जो लंदन में फिल्म डायरेक्टर आयशा आमिर का किरदार निभा रही हैं अर्जुन और जैकलिन एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं जैकलिन को अर्जुन से प्यार हो जाता है लेकिन वो अर्जुन की फितरत जानती हैं कि वो सिर्फ लड़कियां बदलते हैं और प्यार भर के चक्कर में नहीं पड़ते जैकलिन अर्जुन को छोड़कर चली जाती है और तब ताकि और तब जाके अर्जुन को अपने प्यार का एहसास होता है फिल्म में रणबीर कपूर एक चोर का किरदार निभा रहे हैं जो सिर्फ अर्जुन रामपाल के ख्यालों में रहता है दरअसल रणबीर कपूर फिल्म में अर्जुन रामपाल की फिल्म के एक्टर हैं जो चोर की भूमिका निभाते हैं इंड रोल के बाद रणबीर के बहुत ही कम सीन हैं जैकलिन फर्नांडिस का फिल्म में डबल रोल है एक जो अर्जुन के साथ रोमांस करती है और दूसरी जो अर्जुन की फिल्म की एक्ट्रेस टिया है फिल्म में जैकलिन और रणबीर का प्यार अर्जुन रामपाल की फिल्म की कहानी का हिस्सा है जैकलिन फर्नाडिस फिल्म में खूबसूरत तो बहुत लगी हैं लेकिन उनकी एक्टिंग बहुत फीकी है डायलॉग बोलते वक्त उनके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं रहता है डायरेक्टर विक्रमजीत सिंह ने एक अलग तरह की फिल्म बनाने की कोशिश की है लेकिन इंडियन ऑडियंस को इस तरह की फिल्में बहुत कम ही पसंद आती हैं फिल्म के गाने अच्छे हैं और फिल्म में सही वक्त पर दिखाए जाते हैं अगर आप इस फिल्म और रणबीर कपूर से ढेरों उम्मीद लगाए बैठे हैं तो ये फिल्म आपके लिए बिल्कुल नहीं है हाँ अगर आपको वैलेंटाइन डे पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम पास करना है तो आप जरूर फिल्म देखें क्योंकि इस फिल्म में कुछ दिलचस्प तो नहीं है आपकी गर्लफ्रेंड का पूरा ध्यान आप पर ही रहेगा ऐसा लगता है इस फिल्म को बनाने में डायरेक्टर विक्रमजीत सिंह ने कुछ ज्यादा ही वक्त लगाया एक्शन थ्रिलर फिल्में बनाने वाले एक यंग डायरेक्टर कबीर ग्रोवाल के आसपास घूम रही इस फिल्म की कहानी में किरदार एक दूसरे से कहां आकर मिलते हैं और कहां अलग हो जाते हैं यह समझ से परे है बेहद धीमी रफ्तार से आगे खिसकती इस फिल्म को लेकर चर्चा थी कि इसमें रणबीर कपूर का किरदार 10-15 मिनट के लिए है लेकिन फिल्म में उनका किरदार पचास मिनट के करीब है न जाने क्यों पूरी फिल्म में रणबीर बुझे बुझे नजर आते हैं कुछ सीन में रणबीर की एक्टिंग देखकर ऐसा भी लगता है कि जैसे वह अनचाहे मन से राय का किरदार निभा रहे हों इसकी कहानी यंग फिल्म मेकर कबीर ग्रोवर यानी अर्जुन रामपाल की है अब तक दो एक्शन थ्रिलर फिल्में वो बना चुके हैं बॉक्स ऑफिस पर कहा कबीर की इस फिल्मों ने कमाई और कामयाबी के नए रिकॉर्ड बनाए हैं इंडस्ट्री की एक टॉप प्रोडक्शन कंपनी का हेड हिरानी कबीर इस सीरीज की तीसरी फिल्म अपने प्रोडक्शन हाउस के साथ जल्द शुरू करना चाहता है दूसरी ओर कबीर ने अभी कहानी और किरदारों पर काम करना तक शुरू नहीं किया है कबीर की सहायक निर्देशक मेरा इस अग्रीमेंट के लिए कबीर को राजी कर लेती है कहानी और किरदारों की तलाश में लगा कबीर

करने वाली और अवार्ड फंक्शन में ट्रॉफी हासिल करने वाली फिल्में बनाने वाली मेकर हैं कबीर पर्सनल लाइफ में कुछ ज्यादा ही रोमांटिक है रिश्तों को समझना और उनकी गहराई में जाना उसे पसंद नहीं है यही वजह है अब तक उसका इक्कीस बार ब्रेकअप हो चुका है आयशा ने मुलाकात के बाद कबीर अपनी स्क्रिप्ट और फिल्म पर काम शुरू करता है जिसमें आयशा की कुछ बातें शामिल होती हैं कबीर की इस फिल्म का यंग हीरो राय निरणबीर कपूर ऐसा पेंटिंग चोर है जिसकी डिक्शनरी में नामुमकिन शब्द नहीं है अर्जुन रामपाल और रणबीर कपूर दोनों ने अपने अपने किरदारों को बस निभा भर दिया है पूरी फिल्म में महज एक फाइट सीन है अनुपम खेर के इक्का दुक्का सीन है जैकलीन ने अपनी ब्यूटी दिखाने के साथ साथ यह भी दिखाया है कि उन्हें एक्सरसाइज करना आता है ऐसा लगता है शुरुआत ने विक्रमाजीत सिंह के पास अपनी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी मसाला नहीं था तो वही उन्होंने बेवजह हर सीन को लंबा करके दर्शकों के सब्र की परीछा ली है कमजोर स्क्रिप्ट के साथ पैसेंजर ट्रेन की तरह आगे खिसकती इस कहानी में विक्रमाजीत कहानी भी स्पीड नहीं ला पाए हैं फिल्म की रिलीज से पहले ही यंगस्टर ने फिल्म का म्यूजिक हिट है कई म्यूजिक चार्ट में बूंद बूंद सूरज डूबा है चिटिया कलाइयाँ टॉप टेन में चल रहे थे रॉय के प्रचार में रणवीर कपूर को चोर और फिल्म को थ्रिलर बताया गया है लिहाजा दर्शक एक रोमांचक फिल्म के पेछा लेकर फिल्म देखने के लिए जाता है लेकिन फिल्म में थ्रिलर की बजाय रोमांस और इमोशनल ड्रामा देखने को मिलता है इस ड्रामे की रफ्तार इतनी सुस्त है कि आपको झपकी भी लग सकती है फिल्म का एक किरदार कहता है कि यदि कहानी आगे नहीं बढ़ रही हो तो उसे वही ख़त्म कर देना चाहिए अफसोस की बात यह है कि अपनी फिल्म के जरिए यह बात कहने वाले फिल्मकार ने खुद की बात को गंभीरता से नहीं लिया है बाईस लड़कियों से रोमांस कर चुका रणबीर ग्रोवल यानी अर्जुन रामपाल एक फिल्म मेकर है मलेशिया में अपनी फिल्म की शूटिंग के दौरान उसकी मुलाकात लंदन में रहने वाली फिल्म मेकर आयशा आमिर यानी जैकलिन फर्नान्डिस से होती है रैनी रणबीर कपूर एक मशहूर चोर है जिससे प्रेरित होकर कबीर फिल्म बनाता है कबीर और आयशा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और आयशा के जरिए कबीर अपनी कहानी को आगे बढ़ाता है रियल लाइफ और रियल लाइफ के किरदार आपस में उलझ जाते हैं और मामला जटिल हो जाता है विक्रमजीत सिंह ने फिल्म को लिखा और निर्देशित किया है कॉन्सेप्ट अच्छा है लेकिन स्क्रीन इस पर इसे पेश करने में निर्देशक खुद ही कन्फ्यूज हो गए हैं तो दर्शक की बात ही छोड़ दीजिए फिल्म की शुरुआत अच्छी है जब एक मौलवान पेंटिंग को चुराने के लिए राय को कहा जाता है उम्मीद बनती है कि एक थ्रिलर मूवी देखने को मिलेगी लेकिन धीरे धीरे कबीर और आयशा की प्रेम कहानी में परिवर्तित हो जाती है यह रोमांटिक ट्रैक बहुत ही ठंडा है कबीर के प्रति आयशा का आकर्षित होने और रूठने की ठीक से पेश नहीं किया गया है साथ ही इस प्रेम की वजह से कबीर का अपने आप को जान पाने वाला ट्रैक भी प्रभावित नहीं करता कबीर और उसके पिता के बीच के दृश्य भी फिजूल के हैं और इनका मुख्य कहानी से कोई संबंध नहीं है राय का पेंटिंग चुराने वाले प्रसंग बहुत ही सतही है फिल्म के जरिए क्या कहने की कोशिश की जा रही है समझ पाना मुश्किल है विक्रमजीत सिंह ने स्क्रिप्ट के बजाय शॉर्ट टेकिंग को ज़्यादा महत्व दिया है किरदारों की लाइफ स्टाइल को बेहतरीन तरीके से पेश किया जाता है लेकिन कहानी को कहने का उनका तरीका बहुत ही उलझा हुआ है उन्होंने संवादों के जरिए बात कहने की कोशिश ज़्यादा की है कुछ जगह किरदारों की बातचीत अच्छी लगती है लेकिन कुछ समय बाद ये ये चीज़ बोरियत पैदा करती है फिल्म का उन्होंने जो मोड रखा है उसमें गानों की बिल्कुल जगह नहीं बनती है वही वजह है कि हिट गीतों का फिल्मांकन इतना ख़राब है कि देखने में मज़ा नहीं आता प्रमुख कलाकारों का अभिनय के मामले में करीब होना भी फिल्म की कमजोर कड़ी है अर्जुन रामपाल अपने लुक से प्रभावित करते हैं एक्टिंग से नहीं हाइट और चिकरट से उड़ते हुए धुएं के जरिए उन्होंने अपने चेहरे को उन्होंने छिपाने की कोशिश की है जैकलिन फर्नांडिस एक भूमिका तो ठीक से कर नहीं पाती ऐसे में दोहरी भूमिका उन्हें स्वप्ना उनके नाजुक कंधों पर बहुत भारी भार रखने के समान है मेकअप और हेयर स्टाइल के अंतर पैदा करने की कोशिश की गई है वरना दोनों किरदारों को जैकलिन ने एक ही तरीके से निभाया है रणबीर कपूर का रोल छोटा है जिसे पूरी फिल्म में फैलाया गया है विक्रमजीत सिंह उनके दोस्त हैं शायद इसलिए रणबीर ने यह फिल्म की है इसका दुख पूरी फिल्म में उनके चेहरे पर नजर आता है पूरी फिल्म में बोरियत एक्सप्रेशन के लिए वह घूमते रहते हैं अंकिता तिवारी अमाल मलिक मित ब्रदर्श अनजान का संगीत मधुर है हिमन धमीजा की सीनेमाटोग्राफी कमाल की है कुछ संवाद भी अच्छे लगते हैं लेकिन एक फिल्म को देखने के लिए ये बातें काफ़ी नहीं हैं कभी कभी कुछ अनोखा करने के चक्कर में अक्सर हम कुछ गलत कर जाते हैं और आखिरी में प्रोडक्ट खराब हो जाता है कुछ ऐसा ही मिजाज है फिल्म रॉय का बचपन में एक पहेली थी डब्बे में डब्बा और डब्बे में कुछ नहीं डॉक्यूमेंट डायरेक्टर बिक्रमाजीत सिंह ने इस पहेली को साकार कर दिया है फिल्म के भीतर फिल्म बना दी है मतलब एक वक्त पर दो दो फिल्में का मजा देने की कोशिश की गई है जो कि सार्थक नहीं हो पाई है राय फिल्म की कहानी डायरेक्टर कबीर ग्रोवल यानी अर्जुन रामपाल की है जो अपनी हिट फिल्म गन की सीरीज की तीसरी फिल्म बनाना चाहते हैं और जिसके लिए कहानी की तलाश में मलेशिया जाते हैं वहां उनकी मुलाकात दूसरी फिल्म में कर आयस जैकलिन फर्नान्डिस से होती है और कबीर आयशा के साथ इश्क में खो जाता है आयशा ही कबीर की फिल्म राय की स्टोरी बनती जाती है जो भी कबीर और आयशा के बीच में घटता है वो इस फिल्म की स्क्रिप्ट से तब्दील हो जाता है एक काल्पनिक किरदार राय ने रणबीर कपूर जो टिया ने जैकलिन फर्नाडिस जो कि डबल रोल निभा रही हैं से मिलता है और कई चीज़ें चोरी करता है और जो कुछ भी इस फिल्म रॉय में होता है वही असलियत में कबीर और आयशा की जिंदगी में आखिरकार होता है तो कबीर की फिल्म के दोनों किरदार होते हैं रॉय और टिया फिल्म में सिर्फ शूटिंग लोकेशंस गाने और फैशन बेहद दिलचस्प है अगर आपको रणबीर कपूर जैकलिन फर्नांडिस और अर्जुन रामपाल पसंद है तो ये फिल्म देखें कभी कभी बोरियत का आलम यह हो जाता है कि छोटी फिल्म भी बड़ी लगने लगती है कुछ ऐसा ही रॉय के दौरान भी होता है बहुत ही धीमी फिल्म है रणबीर कपूर की उपस्थित भी फिल्म को लाए नहीं दे पाती अगर आप एक बेहद अच्छी फिल्म के तलाश में हैं तो राय नहीं है किरदार कब क्या और क्यों कर रहे हैं आप उसमें दिलचस्पी नहीं ले पाते हैं फिल्म राय की कहानी में कुछ भी खास नहीं है फिल्म की शुरुआत होती है अर्जुन रामपाल से जो डायरेक्टर कबीर गोरोवाल की भूमिका निभा रहे हैं जो एक चोर से इंस्पायर होकर उस पर फिल्म बनाता है चोर की जिंदगी पर आधारित दो फिल्में पहले ही हिट हो चुकी हैं और अर्जुन तीसरी फिल्म बनाने की तैयारी करते हैं अपनी तीसरी फिल्म को शूट करने में मलेशिया जाते हैं जहां उनकी मुलाकात जैकलिन फर्नांडिस से होती है जो लंदन में फिल्म डायरेक्टर आयशा आमिर का किरदार निभा रही हैं अर्जुन और जैकलिन एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं जैकलिन को अर्जुन से प्यार हो जाता है लेकिन वो अर्जुन की फितरत जानती हैं कि वो सिर्फ लड़कियां बदलते हैं और प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ते जैकलिन अर्जुन को छोड़कर चली जाती है और तब ताकि और तब जाके अर्जुन को अपने प्यार का एहसास होता है फिल्म में रणबीर कपूर एक चोर का किरदार निभा रहे हैं जो सिर्फ अर्जुन रामपाल के ख्यालों में रहता है दरअसल रणबीर कपूर फिल्म में अर्जुन रामपाल की फिल्म के एक्टर हैं जो चोर की भूमिका निभाते हैं इन रोल के बाद रणबीर के बहुत ही कम सीन हैं जैकलिन फर्नाडिस का फिल्म में डबल रोल है एक जो अर्जुन के साथ रोमांस करती है और दूसरी जो अर्जुन की फिल्म की एक्ट्रेस टिया है फिल्म में जैकलिन और रणबीर का प्यार अर्जुन रामपाल की फिल्म की कहानी का हिस्सा है जैकलिन फर्नाडिस फिल्म में खूबसूरत तो बहुत लगी हैं लेकिन उनकी एक्टिंग बहुत फीकी है डायलॉग बोलते वक्त उनके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं रहता है डायरेक्टर विक्रमजीत सिंह ने एक अलग तरह की फिल्म बनाने की कोशिश की है लेकिन इंडियन ऑडियंस को इस तरह की फिल्में बहुत कम ही पसंद आती हैं फिल्म के गाने अच्छे हैं और फिल्म में सही वक्त पर दिखाए जाते हैं अगर आप इस फिल्म और रणबीर कपूर से ढेरों उम्मीद लगाए बैठे हैं तो ये फिल्म आपके लिए बिल्कुल नहीं है हाँ अगर आपको वैलेंटाइन डे पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम पास करना है तो आप ज़रूर ये फिल्म देखें क्योंकि इस फिल्म में कुछ दिलचस्प तो नहीं है है, आपकी गर्लफ्रेंड का पूरा ध्यान आप पर ही रहेगा ऐसा लगता है इस फिल्म को बनाने में डायरेक्टर विक्रमजीत सिंह ने कुछ ज्यादा ही वक्त लगाया एक्शन थ्रिलर फिल्में बनाने वाले एक यंग डायरेक्टर कबीर ग्रोवल के आसपास घूम रही इस फिल्म की कहानी में किरदार एक दूसरे से कहां आकर मिलते हैं और कहां अलग हो जाते हैं यह समस्या परे है बेहद धीमी रफ्तार से आगे खिसकती इस फिल्म को लेकर चर्चा थी कि इसमें रणबीर कपूर का किरदार 10-15 मिनट के लिए है लेकिन फिल्म में उनका किरदार 50 मिनट के करीब है न जाने क्यों पूरी फिल्म में रणबीर बुझे बुझे नजर आते हैं कुछ सीन में रणबीर की एक्टिंग देखकर ऐसा भी लगता है कि जैसे वह अनचाहे मन से राय का किरदार निभा रहे हों इसकी कहानी यंग फिल्म मेकर कबीर ग्रोवर अर्जुन रामपाल की है अब तक दो एक्शन थ्रिलर फिल्में वो बना चुके हैं बॉक्स ऑफिस पर कबीर की इस फिल्मों ने कमाई और कामयाबी के नए रिकॉर्ड बनाए हैं इंडस्ट्री के एक टॉप प्रोडक्शन कंपनी का हेड हिरानी कबीर इस सीरीज की तीसरी फिल्म अपने प्रोडक्शन हाउस के साथ जल्द शुरू करना चाहता है दूसरी ओर कबीर ने अभी कहानी और किरदारों पर काम करना तक शुरू नहीं किया है कबीर की सहायक निर्देशक मेरा इस अग्रीमेंट के लिए कबीर को राजी कर लेती है कहानी और किरदारों की तलाश में लगा कबीर

ने वाली और अवार्ड फंक्शन में ट्रॉफी हासिल करने वाली फिल्में बनाने वाली मेकर हैं कबीर पर्सनल लाइफ में कुछ ज्यादा ही रोमांटिक है रिश्तों को समझना और उनकी गहराई में जाना उसे पसंद नहीं है यही वजह है अब तक उसका इक्कीस बार ब्रेकअप हो चुका है आयशा ने मुलाकात के बाद कबीर अपनी स्क्रिप्ट और फिल्म पर काम शुरू करता है जिसमें आयशा की कुछ बातें शामिल होती हैं कबीर की इस फिल्म का यंग हीरो राय निरणबीर कपूर ऐसा पेंटिंग चोर है जिसकी डिक्शनरी में नामुमकिन शब्द नहीं है अर्जुन रामपाल और रणबीर कपूर दोनों ने अपने अपने किरदारों को बस निभा भर दिया है पूरी फिल्म में महज एक फाइट सीन है अनुपम खेर के इक्का दुक्का सीन है जैकलीन ने अपनी ब्यूटी दिखाने के साथ साथ यह भी दिखाया है कि उन्हें एक्सरसाइज करना आता है ऐसा लगता है शुरुआत ने विक्रमाजीत सिंह के पास अपनी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी मसाला नहीं था तो वही उन्होंने बेवजह हर सीन को लंबा करके दर्शकों के सब्र की परीक्षा ली है कमजोर स्क्रिप्ट के साथ पैसेंजर ट्रेन की तरह आगे खिसकती इस कहानी में विक्रमाजीत कहानी भी इस पर नहीं ला पाए हैं फिल्म के रिलीज से पहले ही यंगस्टर ने फिल्म का म्यूजिक म्यूजिक हिट है है कई चार्ट में बुंद बुंद, है, में में बूंद बूंद सूरज चिटिया टॉप चल रहे थे रॉय के प्रचार रणवीर कपूर को चोर और फिल्म को थ्रिलर बताया गया है लिहाजा दर्शक एक रोमांचक फिल्म के पेछा लेकर फिल्म देखने के लिए जाता है लेकिन फिल्म में थ्रिलर की बजाय रोमांस और इमोशनल ड्रामा देखने को मिलता है इस ड्रामे की रफ्तार इतनी सुस्त है कि आपको झपकी भी लग सकती है फिल्म का एक किरदार कहता है कि यदि कहानी आगे नहीं बढ़ रही हो तो उसे वही ख़त्म कर देना चाहिए अफसोस की बात यह है कि अपनी फिल्म के जरिए यह बात कहने वाले फिल्मकार ने खुद की बात को गंभीरता से नहीं लिया है बइस लड़कियों से रोमांस कर चुका रणबीर ग्रोवल यानी अर्जुन रामपाल एक फिल्म मेकर है मलेशिया में अपनी फिल्म की शूटिंग के दौरान उसकी मुलाकात लंदन में रहने वाले फिल्म मेकर आयशा आमिर यानी जैकलिन फर्नांडिस से होती है रैनी रणबीर कपूर एक मशहूर चोर है जिससे प्रेरित होकर कबीर फिल्म बनाता है कबीर और आयशा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और आयशा के जरिए कबीर अपनी कहानी को आगे बढ़ाता है रियल लाइफ और रियल लाइफ के किरदार आपस में उलझ जाते हैं और मामला जटिल हो जाता है विक्रमजीत सिंह ने फिल्म को लिखा और निर्देशित किया है कॉन्सेप्ट अच्छा है लेकिन स्क्रीन इस पर इसे पेश करने में निर्देशक खुद ही कन्फ्यूज हो गए हैं तो दर्शक की बात ही छोड़ दीजिए फिल्म की शुरुआत अच्छी है जब एक मौलवान पेंटिंग को चुराने के लिए राय को कहा जाता है उम्मीद बनती है कि एक थ्रिलर मूवी देखने को मिलेगी लेकिन धीरे धीरे कबीर और आयशा की प्रेम कहानी में परिवर्तित हो जाती है यह रोमांटिक ट्रैक बहुत ही ठंडा है कबीर के प्रति आयशा का आकर्षित होने और रूठने की ठीक से पेश नहीं किया गया है साथ ही इस प्रेम की वजह से कबीर का अपने आप को जान पाने वाला ट्रैक भी प्रभावित नहीं करता कबीर और उसके पिता के बीच के दृश्य भी फिजूल के हैं और इनका मुख्य कहानी से कोई संबंध नहीं है राय का पेंटिंग चुराने वाले प्रसंग बहुत ही सतही है फिल्म के जरिए क्या कहने की कोशिश की जा रही है समझ पाना मुश्किल है विक्रमजीत सिंह ने स्क्रिप्ट के बजाय शॉर्ट टेकिंग को ज़्यादा महत्व दिया है किरदारों की लाइफ स्टाइल को बेहतरीन तरीके से पेश किया जाता है लेकिन कहानी को कहने का उनका तरीका बहुत ही उलझा हुआ है उन्होंने संवादों के जरिए बात कहने की कोशिश ज़्यादा की है कुछ जगह किरदारों की बातचीत अच्छी लगती है लेकिन कुछ समय बाद चीज बोरियत पैदा करती है फिल्म का उन्होंने जो मोड रखा है, है। उसमें गानों की बिल्कुल जगह नहीं बनती है। वही वजह है कि हिट गीतों का फिल्मांकन इतना खराब है कि देखने में मजा नहीं आता प्रमुख कलाकारों का अपने के मामले में करीब होना भी फिल्म की कमजोर कड़ी है अर्जुन रामपाल अपने लुक से प्रभावित करते हैं एक्टिंग से नहीं हाइट और सिगरट से उड़ते हुए धुएं के जरिए उन्होंने अपने चेहरे को उन्होंने छिपाने की कोशिश की है जैकलिन फर्नांडिस एक भूमिका तो ठीक से कर नहीं पाती ऐसे में दोहरी भूमिका उन्हें स्वप्न उनके नाजुक कंधों पर बहुत भारी भार रखने के समान है मेकअप और हेयर स्टाइल के अंतर पैदा करने की कोशिश की गई है वरना दोनों किरदारों को जैकलिन ने एक ही तरीके से निभाया है रणबीर कपूर का रोल छोटा है जिसे पूरी फिल्म में फैलाया गया है विक्रमजीत सिंह उनके दोस्त हैं शायद इसलिए रणबीर ने यह फिल्म की है इसका दुख पूरी फिल्म में उनके चेहरे पर नजर आता है पूरी फिल्म में भोरियत एक्सप्रेशन के लिए वह घूमते रहते हैं अंकिता तिवारी अमाल मलिक मित ब्रदर्स अनजान का संगीत मधुर है हिमन धमीजा की सिनेमाटोग्राफी कमाल की है कुछ संवाद भी अच्छे लगते हैं लेकिन एक फिल्म को देखने के लिए ये बातें काफ़ी नहीं हैं कभी कभी कुछ अनोखा करने के चक्कर में अक्सर हम कुछ गलत कर जाते हैं और आखिरी में प्रोडक्ट खराब हो जाता है कुछ ऐसा ही मिजाज है फिल्म राय का बचपन में एक पहेली थी डब्बे में डब्बा और डब्बे में कुछ नहीं डॉक्यूमेंट डायरेक्टर विक्रमाजीत सिंह ने इस पहेली को साकार कर दिया है फिल्म के भीतर फिल्म बना दी है मतलब एक वक्त पर दो दो फिल्में का मजा देने की कोशिश की गई है जो कि सार्थक नहीं हो पाई है राय फिल्म की कहानी डायरेक्टर कबीर ग्रोवल यानी अर्जुन रामपाल की है जो अपनी हिट फिल्म गन की तीसरी फिल्म बनाना चाहते हैं और जिसके लिए कहानी की तलाश में जैकलिन फर्नान से होती है और कबीर की, फिल्म राय की बनती जाती है। जो भी कबीर और आयशा के बीच में घरता है वो इस फिल्म की स्क्रिप्ट से तब्दील हो जाता है एक काल्पनिक किरदार राय रणबीर कपूर जो टी जैकलिन फर्नाडिस जो कि डबल रोल निभा रही है से मिलता है और कई चीजें चोरी करता है और जो कुछ भी इस फिल्म रॉय में होता है वही असलियत में कबीर और आयशा की ज़िंदगी में आखिरकार होता है तो कबीर की फिल्म के दोनों किरदार होते हैं रॉय और टिया फिल्म में सिर्फ शूटिंग लोकेशंस गाने और फैशन बेहद दिलचस्प है अगर आपको रणबीर कपूर जैकलिन फर्नांडिस और अर्जुन रामपाल पसंद है तो ये फिल्म देखें कभी कभी बोरियत का आलम यह हो जाता है कि छोटी फ़िल्म भी बड़ी लगने लगती है कुछ ऐसा ही रॉय के दौरान भी होता है बहुत ही धीमी फिल्म है रणबीर कपूर की उपस्थिति भी फ़िल्म को लाए नहीं दे पाती अगर आप एक बेहद अच्छी फ़िल्म की तलाश में हैं तो राय नहीं है किरदार कब क्या और क्यों कर रहे हैं आप उसमें दिलचस्पी नहीं ले पाते हैं फिल्म राय की कहानी में कुछ भी खास नहीं है फिल्म की शुरुआत होती है अर्जुन रामपाल से जो डायरेक्टर कबीर गोरोवाल की भूमिका निभा रहे हैं जो एक चोर से इंस्पायर होकर उस पर फिल्म बनाता है चोर की ज़िंदगी पर आधारित दो फिल्में पहले ही हिट हो चुकी हैं और अर्जुन तीसरी फिल्म बनाने की तैयारी करते हैं अपनी तीसरी फिल्म को शूट करने में मलेशिया जाते हैं जहां उनकी मुलाकात जैकलिन फर्नांडिस से होती है जो लंदन में फिल्म डायरेक्टर आयशा आमिर का किरदार निभा रही हैं अर्जुन और जैकलिन एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं जैकलिन को अर्जुन से प्यार हो जाता है लेकिन वो अर्जुन की फितरत जानती हैं कि वो सिर्फ लड़कियाँ बदलते हैं और प्यार भर के चक्कर में नहीं पड़ते जैकलिन अर्जुन को छोड़कर चली जाती है और तब ताकि और तब जाके अर्जुन को अपने प्यार का एहसास होता है फिल्म में रणबीर कपूर एक चोर का किरदार निभा रहे हैं जो सिर्फ अर्जुन रामपाल के ख्यालों में रहता है दरअसल रणबीर कपूर फिल्म में अर्जुन रामपाल की फिल्म के एक्टर हैं जो चोर की भूमिका निभाते हैं इंटरल के बाद रणबीर के बहुत ही कम सीन हैं जैकलिन फर्नांडिस का फिल्म में डबल रोल है एक जो अर्जुन के साथ रोमांस करती है और दूसरी जो अर्जुन की फिल्म की एक्ट्रेस टिया है फिल्म में जैकलिन और रणबीर का प्यार अर्जुन रामपाल की फिल्म की कहानी का हिस्सा है जैकलिन फर्नांडिस फिल्म में खूबसूरत

जरूर फिल्म देखें क्योंकि इस फिल्म में कुछ दिलचस्प तो नहीं है आपकी गर्लफ्रेंड का पूरा ध्यान आप पर ही रहेगा ऐसा लगता है इस फिल्म को बनाने में डायरेक्टर विक्रमजीत सिंह ने कुछ ज्यादा ही वक्त लगाया एक्शन थ्रिलर फिल्में बनाने वाले एक यंग डायरेक्टर कबीर ग्रोवल के आसपास घूम रही इस फिल्म की कहानी में किरदार एक दूसरे से कहां आकर मिलते हैं और कहां अलग हो जाते हैं यह समस्या से परे है बेहद धीमी रफ्तार से आगे खिसकती इस फिल्म को लेकर चर्चा थी कि इसमें रणबीर कपूर का किरदार 10-15 मिनट के लिए है लेकिन फिल्म में उनका किरदार 50 मिनट के करीब है न जाने क्यों पूरी फिल्म में रणबीर बुझे बुझे नजर आते हैं कुछ सीन में रणबीर की एक्टिंग देखकर ऐसा भी लगता है कि जैसे वह अनचाहे मन से राय का किरदार निभा रहे हों इसकी कहानी यंग फिल्म मेकर कबीर ग्रोवर यानी अर्जुन रामपाल की है अब तक दो एक्शन थ्रिलर फिल्में वो बना चुके हैं बॉक्स ऑफिस पर कबीर की इस फिल्मों ने कमाई और कामयाबी के नए रिकॉर्ड बनाए हैं इंडस्ट्री की एक टॉप प्रोडक्शन कंपनी का हेड हिरानी कबीर इस सीरीज की तीसरी फिल्म अपने प्रोडक्शन हाउस के साथ जल्द शुरू करना चाहता है दूसरी ओर कबीर ने अभी कहानी और किरदारों पर काम करना तक शुरू नहीं किया है कबीर की सहायक निर्देशक मेरा इस अग्रीमेंट के लिए कबीर को राजी कर लेती है कहानी और किरदारों की तलाश में लगा कबीर इस काम कर, करता है बचपन में कबीर एक बार अपने पापा ने अनुपम खेर के साथ जब बैंक गया जाता है। पहले से लंदन की फिल्म मेकर आयशा ने जैकलिन फर्नांडिस अपनी एक सीमित बजट में बनने वाली फिल्म की शूटिंग कर रही है इन दोनों की सोच डिफरेंट है जहां कबीर बॉक्स ऑफिस पर कमाई के लिए फिल्में बनाने वाला मेकर है वही आयशा को एक खास क्लास की कसौटी पर खरी उतर वाली और अवार्ड फंक्शन में ट्रॉफी हासिल करने वाली फिल्में बनाने वाली मेकर हैं कबीर पर्सनल लाइफ में कुछ ज्यादा ही रोमांटिक है रिश्तों को समझना और उनकी गहराई में जाना उसे पसंद नहीं है यही वजह है अब तक उसका इक्कीस बार ब्रेकअप हो चुका है आयशा ने मुलाकात के बाद कबीर अपनी स्क्रिप्ट और फिल्म पर काम शुरू करता है जिसमें आयशा की कुछ बातें शामिल होती हैं कबीर की इस फिल्म का यंग हीरो राय निरण बीर कपूर ऐसा पेंटिंग चोर है जिसकी डिक्शनरी में नामुमकिन शब्द नहीं है अर्जुन रामपाल और रणबीर कपूर दोनों ने अपने अपने किरदारों को बस निभा भर दिया है पूरी फिल्म में महज एक फाइट सीन है अनुपम खेर के इक्का दुक्का सीन है जैकलीन ने अपनी ब्यूटी दिखाने के साथ साथ यह भी दिखाया है कि उन्हें एक्सरसाइज करना आता है ऐसा लगता है शुरुआत में विक्रमाजीत सिंह के पास अपनी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी मसाला नहीं था तो वही उन्होंने बेवजह हर सीन को लंबा करके दर्शकों के सब्र की परीक्षा ली है कमजोर स्क्रिप्ट के साथ पैसेंजर ट्रेन की तरह आगे खिसकती इस कहानी में विक्रमाजीत कहानी भी स्पीड नहीं ला पाए हैं फिल्म की रिलीज से पहले ही यंगस्टर ने फिल्म का म्यूजिक हिट है कई म्यूजिक चार्ट में बूंद बूंद सूरज डूबा है चिटिया कलाइया टॉप टेन में चल रहे थे रॉय के प्रचार में रणवीर कपूर को चोर और फिल्म को थ्रिलर बताया गया है लिहाजा दर्शक एक रोमांचक फिल्म के पेछा लेकर फिल्म देखने के लिए जाता है लेकिन फिल्म में थ्रिलर की बजाय रोमांस और इमोशनल ड्रामा देखने को मिलता है इस ड्रामे की रफ्तार इतनी सुस्त है कि आपको झपकी भी लग सकती है फिल्म का एक किरदार कहता है कि यदि कहानी आगे नहीं बढ़ रही हो तो उसे वही ख़त्म कर देना चाहिए अफसोस की बात यह है कि अपनी फिल्म के जरिए यह बात कहने वाले फिल्मकार ने खुद की बात को गंभीरता से नहीं लिया है बाईस लड़कियों से रोमांस कर चुका रणबीर ग्रोवल यानी अर्जुन रामपाल एक फिल्म मेकर है मलेशिया में अपनी फिल्म की शूटिंग के दौरान उसकी मुलाकात लंदन में रहने वाले फिल्म मेकर आयशा आमिर यानी जैकलिन फर्नांडिस से होती है रैनी रणबीर कपूर एक मशहूर चोर है जिससे प्रेरित होकर कबीर फिल्म बनाता है कबीर और आयशा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और आयशा के जरिए कबीर अपनी कहानी को आगे बढ़ाता है रियल लाइफ और रियल लाइफ के किरदार आपस में उलझ जाते हैं और मामला जटिल हो जाता है विक्रमजीत सिंह ने फिल्म को लिखा और निर्देशित किया है कॉन्सेप्ट अच्छा है लेकिन स्क्रीन इस पर इसे पेश करने में निर्देशक खुद ही कन्फ्यूज हो गए हैं तो दर्शक की बात ही छोड़ दीजिए फिल्म की शुरुआत अच्छी है जब एक मौलवान पेंटिंग को चुराने के लिए राय को कहा जाता है उम्मीद बनती है कि एक थ्रिलर मूवी देखने को मिलेगी लेकिन धीरे धीरे कबीर और आयशा की प्रेम कहानी में परिवर्तित हो जाती है यह रोमांटिक ट्रैक बहुत ही ठंडा है कबीर के प्रति आयशा का आकर्षित होने और रूठने की ठीक से पेश नहीं किया गया है साथ ही इस प्रेम की वजह से कबीर का अपने आप को जान पाने वाला ट्रैक भी प्रभावित नहीं करता कबीर और उसके पिता के बीच के दृश्य भी फिजूल के हैं और इनका मुख्य कहानी से कोई संबंध नहीं है राय का पेंटिंग चुराने वाले प्रसंग बहुत ही सतही है फिल्म के जरिए क्या कहने की कोशिश की जा रही है समझ पाना मुश्किल है विक्रमजीत सिंह ने स्क्रिप्ट के बजाय शॉर्ट टेकिंग को ज़्यादा महत्व दिया है किरदारों की लाइफ स्टाइल को बेहतरीन तरीके से पेश किया जाता है लेकिन कहानी को कहने का उनका तरीका बहुत ही उलझा हुआ है उन्होंने संवादों के जरिए बात कहने की कोशिश ज़्यादा की है कुछ जगह किरदारों की बातचीत अच्छी लगती है लेकिन कुछ समय बाद यह चीज बोरियत पैदा करती है। फिल्म का उन्होंने जो मोड रखा है उसमें गानों की बिल्कुल जगह नहीं बनती है। वही वजह है कि हिट गीतों का फिल्मांकन इतना खराब है कि देखने में मजा नहीं आता प्रमुख कलाकारों का अपने के मामले में करीब होना भी फिल्म की कमजोर कड़ी है अर्जुन रामपाल अपने लुक से प्रभावित करते हैं एक्टिंग से नहीं हाइट और सिकलर से उड़ते हुए धुएं के जरिए उन्होंने अपने चेहरे को उन्होंने छिपाने की कोशिश की है जैकलिन फर्नांडिस एक भूमिका तो ठीक से कर नहीं पाती ऐसे में दोहरी भूमिका उन्हें स्वप्ना उनके नाजुक कंधों पर बहुत भारी भार रखने के समान है मेकअप और हेयर स्टाइल के अंतर पैदा करने की कोशिश की गई है वरना दोनों किरदारों को जैकलिन ने एक ही तरीके से निभाया है रणबीर कपूर का रोल छोटा है जिसे पूरी फिल्म में फैलाया गया है विक्रमजीत सिंह उनके दोस्त हैं शायद इसलिए रणबीर ने यह फिल्म की है इसका दुख पूरी फिल्म में उनके चेहरे पर नजर आता है पूरी फिल्म में बोरियत एक्सप्रेशन के लिए वह घूमते रहते हैं अंकिता तिवारी अमाल मलिक मित ब्रदर्स अनजान का संगीत मधुर है हिमन धमीजा की सिनेमाटोग्राफी कमाल की है कुछ संवाद भी अच्छे लगते हैं लेकिन एक फिल्म को देखने के लिए ये बातें काफ़ी नहीं हैं कभी कभी कुछ अनोखा करने के चक्कर में अक्सर हम कुछ गलत कर जाते हैं और आखिरी में प्रोडक्ट खराब हो जाता है कुछ ऐसा ही मिजाज है फिल्म राय का बचपन में एक पहेली थी डब्बे में डब्बा और डब्बे में कुछ नहीं डॉक्यूमेंट डायरेक्टर विक्रमाजीत सिंह ने इस पहेली को साकार कर दिया है फिल्म के भीतर फिल्म बना दी है मतलब एक वक्त पर दो दो फिल्में का मजा देने की कोशिश की गई है जो कि सार्थक नहीं हो पाई है राय फिल्म की कहानी डायरेक्टर कबीर ग्रोवल यानी अर्जुन रामपाल की है जो अपनी हिट फिल्म गन की सीरीज की तीसरी फिल्म बनाना चाहते हैं और जिसके लिए कहानी की तलाश में मलेशिया जाते हैं वहाँ उनकी मुलाकात दूसरी फिल्म में कर आयसानी जैकलिन फर्नांडिस होती है और कबीर आयशा के साथ इश्क में खो जाता है आयशा ही कबीर की फिल्म राय की स्टोरी बनती जाती है जो भी कबीर और आयशा के बीच में घटता है वो इस फिल्म की स्क्रिप्ट से तब्दील हो जाता है एक काल्पनिक किरदार राय ने रणबीर कपूर जो टिया ने जैकलिन फर्नांडिस जो कि डबल निभा रही हैं से मिलता है और कई चीज़ें चोरी करता है और जो कुछ भी इस फिल्म रॉय में होता है वही असलियत में कबीर और आयशा की ज़िंदगी में आखिरकार होता है तो कबीर की फिल्म के दोनों किरदार होते हैं रॉय और टिया फिल्म में सिर्फ शूटिंग लोकेशंस गाने और फैशन बेहद दिलचस्प है अगर आपको रणबीर कपूर जैकलिन फर्नाडिस और अर्जुन रामपाल पसंद है तो ये फिल्म देखें कभी कभी बोरियत का आलम यह हो जाता है कि छोटी फिल्म भी बड़ी लगने लगती है कुछ ऐसा ही रॉय के दौरान भी होता है बहुत ही धीमी फिल्म है रणबीर कपूर की उपस्थिति भी फ़िल्म को लाए नहीं दे पाती अगर आप एक बेहद अच्छी फिल्म के तलाश में हैं तो राय नहीं है किरदार कब क्या और क्यों कर रहे हैं आप उसमें दिलचस्पी नहीं ले पाते हैं फिल्म राय की कहानी में कुछ भी खास नहीं है फिल्म की शुरुआत होती है अर्जुन रामपाल से जो डायरेक्टर कबीर गोरोवल की भूमिका निभा रहे हैं जो एक चोर से इंस्पायर होकर उस पर फिल्म बनाता है चोर की जिंदगी पर आधारित दो फिल्में पहले ही हिट हो चुकी हैं और अर्जुन तीसरी फिल्म बनाने की तैयारी करते हैं अपनी तीसरी फिल्म को शूट करने में मलेशिया जाते हैं जहां उनकी मुलाकात जैकलिन फर्नांडिस से होती है जो लंदन में फिल्म डायरेक्टर आयशा आमिर का किरदार निभा रही हैं अर्जुन और जैकलिन एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं जैकलिन को अर्जुन से प्यार हो जाता है लेकिन वो अर्जुन की फितरत जानती हैं कि वो सिर्फ लड़कियां बदलते हैं और प्यार भर के चक्कर में नहीं पड़ते जैकलिन अर्जुन को छोड़कर चली जाती है और तब ताकि और तब जाके अर्जुन को अपने प्यार का एहसास होता है फिल्म में रणबीर कपूर एक चोर का किरदार निभा रहे हैं जो सिर्फ अर्जुन रामपाल के ख्यालों में रहता है दरअसल रणबीर कपूर फिल्म में अर्जुन रामपाल की फिल्म के एक्टर हैं जो चोर की भूमिका निभाते हैं इंड रोल के बाद रणबीर के बहुत ही कम सीन हैं जैकलिन फर्नांडिस का फिल्म में डबल रोल है एक जो अर्जुन के साथ रोमांस करती है और दूसरी जो अर्जुन की फिल्म की एक्ट्रेस टिया है फिल्म में जैकलिन और रणबीर का प्यार अर्जुन रामपाल की फिल्म की कहानी का हिस्सा है जैकलिन फर्नांडिस फिल्म में खूबसूरत तो बहुत लगी हैं लेकिन उनकी एक्टिंग बहुत फीकी है डायलॉग बोलते वक्त उनके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं रहता है डायरेक्टर बिक्रमजीत सिंह ने एक अलग तरह की फिल्म बनाने की कोशिश की है लेकिन इंडियन ऑडियंस को इस तरह की फिल्में बहुत कम ही पसंद आती हैं फिल्म के गाने अच्छे हैं और फिल्म में सही वक्त पर दिखाए जाते हैं अगर आप इस फिल्म और रणबीर कपूर से ढेरों उम्मीद लगाए बैठे हैं तो ये फिल्म आपके लिए बिल्कुल नहीं है हाँ अगर आपको वैलेंटाइन डे पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम पास करना है तो आप ज़रूर ये फ़िल्म देखें क्योंकि इस फिल्म में कुछ दिलचस्प तो नहीं है, आपकी गर्लफ्रेंड का पूरा ध्यान आप पर ही रहेगा ऐसा लगता है इस फिल्म को बनाने में डायरेक्टर विक्रमजीत सिंह ने कुछ ज्यादा ही वक्त लगाया एक्शन थ्रिलर फिल्में बनाने वाले एक यंग डायरेक्टर कबीर ग्रोवल के आसपास घूम रही इस फिल्म की कहानी में किरदार एक दूसरे से कहां आकर मिलते हैं और कहां अलग हो जाते हैं यह समस्या परे है बेहद धीमी रफ्तार से आगे खिसकती इस फिल्म को लेकर चर्चा थी कि इसमें रणबीर कपूर का किरदार 10-15 मिनट के लिए है लेकिन फिल्म में उनका किरदार पचास मिनट के करीब है न जाने क्यों पूरी फिल्म में रणबीर बुझे बुझे नजर आते हैं कुछ सीन में रणबीर की एक्टिंग देखकर ऐसा भी लगता है कि जैसे वह अनचाहे मन से राय का किरदार निभा रहे हों इसकी कहानी यंग फिल्म मेकर कबीर ग्रोवर यानी अर्जुन रामपाल की है अब तक दो एक्शन थ्रिलर फिल्में वो बना चुके हैं बॉक्स ऑफिस पर कहा कबीर की इस फिल्मों ने कमाई और कामयाबी के नए रिकॉर्ड बनाए हैं इंडस्ट्री की एक टॉप प्रोडक्शन कंपनी का हेड हिरानी कबीर इस सीरीज की तीसरी फिल्म अपने प्रोडक्शन हाउस के साथ जल्द शुरू करना चाहता है दूसरी ओर कबीर ने अभी कहानी और किरदारों पर काम करना तक शुरू नहीं किया है कबीर की सहायक निर्देशक मेरा इस अग्रीमेंट के लिए कबीर को राजी कर लेती है कहानी और किरदारों की तलाश में लगा कबीर

करने वाली और अवार्ड फंक्शन में ट्रॉफी हासिल करने वाली फिल्में बनाने वाली मेकर हैं कबीर पर्सनल लाइफ में कुछ ज्यादा ही रोमांटिक है रिश्तों को समझना और उनकी गहराई में जाना उसे पसंद नहीं है यही वजह है अब तक उसका इक्कीस बार ब्रेकअप हो चुका है आयशा ने मुलाकात के बाद कबीर अपनी स्क्रिप्ट और फिल्म पर काम शुरू करता है जिसमें आयशा की कुछ बातें शामिल होती हैं कबीर की इस फिल्म का यंग हीरो राय निरणबीर कपूर ऐसा पेंटिंग चोर है जिसकी डिक्शनरी में नामुमकिन शब्द नहीं है अर्जुन रामपाल और रणबीर कपूर दोनों ने अपने अपने किरदारों को बस निभा भर दिया है पूरी फिल्म में महज एक फाइट सीन है अनुपम खेर के इक्का दुक्का सीन है जैकलीन ने अपनी ब्यूटी दिखाने के साथ साथ यह भी दिखाया है कि उन्हें एक्सरसाइज करना आता है ऐसा लगता है शुरुआत ने विक्रमाजीत सिंह के पास अपनी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी मसाला नहीं था तो वही उन्होंने बेवजह हर सीन को लंबा करके दर्शकों के सब्र की परीक्षा ली है कमजोर स्क्रिप्ट के साथ पैसेंजर ट्रेन की तरह आगे खिसकती इस कहानी में विक्रमाजीत कहानी भी स्पीड नहीं ला पाए हैं फिल्म की रिलीज से पहले ही यंगस्टर ने फिल्म का म्यूजिक हिट है कई म्यूजिक चार्ट में बूंद बूंद सूरज डूबा है चिटिया कलाइयाँ टॉप टेन में चल रहे थे रॉय के प्रचार में रणवीर कपूर को चोर और फिल्म को थ्रिलर बताया गया है लिहाजा दर्शक एक रोमांचक फिल्म के पेछा लेकर फिल्म देखने के लिए जाता है लेकिन फिल्म में थ्रिलर की बजाय रोमांस और इमोशनल ड्रामा देखने को मिलता है इस ड्रामे की रफ्तार इतनी सुस्त है कि आपको झपकी भी लग सकती है फिल्म का एक किरदार कहता है कि यदि कहानी आगे नहीं बढ़ रही हो तो उसे वही ख़त्म कर देना चाहिए अफसोस की बात यह है कि अपनी फिल्म के जरिए यह बात कहने वाले फिल्मकार ने खुद की बात को गंभीरता से नहीं लिया है बाईस लड़कियों से रोमांस कर चुका रणबीर ग्रोवल यानी अर्जुन रामपाल एक फिल्म मेकर है मलेशिया में अपनी फिल्म की शूटिंग के दौरान उसकी मुलाकात लंदन में रहने वाले फिल्म मेकर आयशा आमिर यानी जैकलिन फर्नान्डिस से होती है रैनी रणबीर कपूर एक मशहूर चोर है जिससे प्रेरित होकर कबीर फिल्म बनाता है कबीर और आयशा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और आयशा के जरिए कबीर अपनी कहानी को आगे बढ़ाता है रियल लाइफ और रियल लाइफ के किरदार आपस में उलझ जाते हैं और मामला जटिल हो जाता है विक्रमजीत सिंह ने फिल्म को लिखा और निर्देशित किया है कॉन्सेप्ट अच्छा है लेकिन स्क्रीन पर इसे पेश करने में निर्देशक खुद ही कन्फ्यूज हो गए हैं तो दर्शक की बात ही छोड़ दीजिए फिल्म की शुरुआत अच्छी है जब एक मौलवान पेंटिंग को चुराने के लिए राय को कहा जाता है उम्मीद बनती है कि एक थ्रिलर मूवी देखने को मिलेगी लेकिन धीरे धीरे कबीर और आयशा की प्रेम कहानी में परिवर्तित हो जाती है यह रोमांटिक ट्रैक बहुत ही ठंडा है कबीर के प्रति आयशा का आकर्षित होने और रूठने की ठीक से पेश नहीं किया गया है साथ ही इस प्रेम की वजह से कबीर का अपने आप को जान पाने वाला ट्रैक भी प्रभावित नहीं करता कबीर और उसके पिता के बीच के दृश्य भी फिजूल के हैं और इनका मुख्य कहानी से कोई संबंध नहीं है राय का पेंटिंग चुराने वाले प्रसंग बहुत ही सतही है फिल्म के जरिए क्या कहने की कोशिश की जा रही है समझ पाना मुश्किल है विक्रमजीत सिंह ने स्क्रिप्ट के बजाय शॉर्ट टेकिंग को ज़्यादा महत्व दिया है किरदारों की लाइफ स्टाइल को बेहतरीन तरीके से पेश किया जाता है लेकिन कहानी को कहने का उनका तरीका बहुत ही उलझा हुआ है उन्होंने संवादों के जरिए बात कहने की कोशिश ज़्यादा की है कुछ जगह किरदारों की बातचीत अच्छी लगती है लेकिन कुछ समय बाद यह ये चीज बोरियत पैदा करती है फिल्म का उन्होंने जो मोड़ रखा है उसमें गानों की बिल्कुल जगह नहीं बनती है वही वजह है कि हिट गीतों का फिल्मांकन इतना खराब है कि देखने में मजा नहीं आता प्रमुख कलाकारों का अभिनय के मामले में करीब होना भी फिल्म की कमजोर कड़ी है अर्जुन रामपाल अपने लुक से प्रभावित करते हैं एक्टिंग से नहीं हाइट और चिकरट से उड़ते हुए धुएं के जरिए उन्होंने अपने चेहरे को उन्होंने छिपाने की कोशिश की है जैकलिन फर्नांडिस एक भूमिका तो ठीक से कर नहीं पाती ऐसे में दोहरी भूमिका उन्हें स्वप्ना उनके नाजुक कंधों पर बहुत भारी भार रखने के समान है मेकअप और हेयर स्टाइल के अंतर पैदा करने की कोशिश की गई है वरना दोनों किरदारों को जैकलिन ने एक ही तरीके से निभाया है रणबीर कपूर का रोल छोटा है जिसे पूरी फिल्म में फैलाया गया है विक्रमजीत सिंह उनके दोस्त हैं शायद इसलिए रणबीर ने यह फिल्म की है इसका दुख पूरी फिल्म में उनके चेहरे पर नजर आता है पूरी फिल्म में बोरियत एक्सप्रेशन के लिए वह घूमते रहते हैं अंकिता तिवारी अमाल मलिक मित ब्रदर्श अनजान का संगीत मधुर है हिमन धमीजा की सीनेमाटोग्राफी कमाल की है कुछ संवाद भी अच्छे लगते हैं लेकिन एक फिल्म को देखने के लिए ये बातें काफ़ी नहीं हैं कभी कभी कुछ अनोखा करने के चक्कर में अक्सर हम कुछ गलत कर जाते हैं और आखिरी में प्रोडक्ट खराब हो जाता है कुछ ऐसा ही मिजाज है फिल्म रॉय का बचपन में एक पहेली थी डब्बे में डब्बा और डब्बे में कुछ नहीं डॉक्यूमेंट डायरेक्टर बिक्रमाजीत सिंह ने इस पहेली को साकार कर दिया है फिल्म के भीतर फिल्म बना दी है मतलब एक वक्त पर दो दो फिल्में का मजा देने की कोशिश की गई है जो कि सार्थक नहीं हो पाई है राय फिल्म की कहानी डायरेक्टर कबीर ग्रोवल यानी अर्जुन रामपाल की है जो अपनी हिट फिल्म गन की सीरीज की तीसरी फिल्म बनाना चाहते हैं और जिसके लिए कहानी की तलाश में मलेशिया जाते हैं वहां उनकी मुलाकात दूसरी फिल्म में कर आयस जैकलिन फर्नाडिस से होती है और कबीर आयशा के साथ इश्क में खो जाता है आयशा ही कबीर की फिल्म राय की स्टोरी बनती जाती है जो भी कबीर और आयशा के बीच में घटता है वो इस फिल्म की स्क्रिप्ट से तब्दील हो जाता है एक काल्पनिक किरदार राय ने रणबीर कपूर जो टिया ने जैकलिन फर्नांडिस जो कि डबल रोल निभा रही हैं से मिलता है और कई चीज़ें चोरी करता है और जो कुछ भी इस फिल्म रॉय में होता है वही असलियत में कबीर और आयशा की जिंदगी में आखिरकार होता है तो कबीर की फिल्म के दोनों किरदार होते हैं रॉय और टिया फिल्म में सिर्फ शूटिंग लोकेशंस गाने और फैशन बेहद दिलचस्प है अगर आपको रणवीर कपूर जैकलिन फर्नांडिस और अर्जुन रामपाल पसंद है तो ये फिल्म देखें कभी कभी बोरियत का आलम यह हो जाता है कि छोटी फिल्म भी बड़ी लगने लगती है कुछ ऐसा ही रॉय के दौरान भी होता है बहुत ही धीमी फिल्म है रणबीर कपूर की उपस्थित भी फिल्म को लाय नहीं दे पाती अगर आप एक बेहद अच्छी फिल्म के तलाश में हैं तो राय नहीं है किरदार कब क्या और क्यों कर रहे हैं आप उसमें दिलचस्पी नहीं ले पाते हैं फिल्म राय की कहानी में कुछ भी खास नहीं है फिल्म की शुरुआत होती है अर्जुन रामपाल से जो डायरेक्टर कबीर गोरोवाल की भूमिका निभा रहे हैं जो एक चोर से इंस्पायर होकर उस पर फिल्म बनाता है चोर की जिंदगी पर आधारित दो फिल्में पहले ही हिट हो चुकी हैं और अर्जुन तीसरी फिल्म बनाने की तैयारी करते हैं अपनी तीसरी फिल्म को शूट करने में मलेशिया जाते हैं जहां उनकी मुलाकात जैकलिन फर्नांडिस से होती है जो लंदन में फिल्म डायरेक्टर आयशा आमिर का किरदार निभा रही हैं अर्जुन और जैकलिन एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं जैकलिन को अर्जुन से प्यार हो जाता है लेकिन वो अर्जुन की फितरत जानती हैं कि वो सिर्फ लड़कियां बदलते हैं और प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ते जैकलिन अर्जुन को छोड़कर चली जाती है और तब तक और तब जाके अर्जुन को अपने प्यार का एहसास होता है फिल्म में रणवी कपूर एक चोर का किरदार निभा रहे हैं जो सिर्फ अर्जुन रामपाल के ख्यालों में रहता है दरअसल रणबीर कपूर फिल्म में अर्जुन रामपाल के फिल्म के एक्टर हैं जो चोर की भूमिका निभाते हैं इंटरल के बाद रणबीर के बहुत ही कम सीन हैं जैकलिन फर्नांडिस का फिल्म में डबल रोल है एक जो अर्जुन के साथ रोमांस करती है और दूसरी जो अर्जुन की फिल्म की एक्ट्रेस टिया है फिल्म में जैकलिन और रणबीर का प्यार अर्जुन रामपाल की फिल्म की कहानी का हिस्सा है जैकलिन फर्नाडिस फिल्म में खूबसूरत तो बहुत लगी हैं लेकिन उनकी एक्टिंग बहुत फीकी है डायलॉग बोलते वक्त उनके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं नहीं रहता है डायरेक्टर बिक्रमजीत सिंह ने एक अलग तरह की फिल्म बनाने की कोशिश की है लेकिन इंडियन ऑडियंस को इस तरह की फिल्में बहुत कम ही पसंद आती हैं फिल्म के गाने अच्छे हैं और फिल्म में सही वक्त पर दिखाए जाते हैं अगर आप इस फिल्म और रणबीर कपूर से ढेरों उम्मीद लगाए बैठे हैं तो ये फिल्म आपके लिए बिल्कुल नहीं है हाँ अगर आपको वैलेंटाइन डे पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम पास करना है तो आप ज़रूर यह फिल्म देखें क्योंकि इस फिल्म में कुछ दिलचस्प तो नहीं है आपकी गर्लफ्रेंड का पूरा ध्यान आप पर ही रहेगा ऐसा लगता है इस फिल्म को बनाने में डायरेक्टर विक्रमजीत सिंह ने कुछ ज़्यादा ही वक्त लगाया एक्शन थ्रिलर फिल्में बनाने वाले एक यंग डायरेक्टर कबीर ग्रोवल के आसपास घूम रही इस फिल्म की कहानी में किरदार एक दूसरे से कहां आकर मिलते हैं और कहां अलग हो जाते हैं यह समस्या परे है बेहद धीमी रफ्तार से आगे खिसकती इस फिल्म को लेकर चर्चा थी कि इसमें रणबीर कपूर का किरदार 10-15 मिनट के लिए है लेकिन फिल्म में उनका किरदार 50 मिनट के करीब है न जाने क्यों पूरी फिल्म में रणबीर बुझे बुझे नजर आते हैं कुछ सीन में रणबीर की एक्टिंग देखकर ऐसा भी लगता है कि जैसे वह अनचाहे मन से राय का किरदार निभा रहे हों इसकी कहानी यंग फिल्म मेकर कबीर ग्रोवर अर्जुन रामपाल की है अब तक दो एक्शन थ्रिलर फिल्में वो बना चुके हैं बॉक्स ऑफिस पर कबीर की इस फिल्मों ने कमाई और कामयाबी के नए रिकॉर्ड बनाए हैं इंडस्ट्री की एक टॉप प्रोडक्शन कंपनी का हेड हिरानी कबीर इस सीरीज की तीसरी फिल्म अपने प्रोडक्शन हाउस के साथ जल्द शुरू करना चाहता है दूसरी ओर कबीर ने अभी कहानी और किरदारों पर काम करना तक शुरू नहीं किया है कबीर की सहायक निर्देशक मेरा इस अग्रीमेंट के लिए कबीर को राजी कर लेती है कहानी और किरदारों की तलाश में लगा कबीर

ने वाली और अवार्ड फंक्शन में ट्रॉफी हासिल करने वाली फिल्में बनाने वाली मेकर हैं कबीर पर्सनल लाइफ में कुछ ज्यादा ही रोमांटिक है रिश्तों को समझना और उनकी गहराई में जाना उसे पसंद नहीं है यही वजह है अब तक उसका इक्कीस बार ब्रेकअप हो चुका है आयशा ने मुलाकात के बाद कबीर अपनी स्क्रिप्ट और फिल्म पर काम शुरू करता है जिसमें आयशा की कुछ बातें शामिल होती हैं कबीर की इस फिल्म का यंग हीरो रैन निरणबीर कपूर ऐसा पेंटिंग चोर है जिसकी डिक्शनरी में नामुमकिन शब्द नहीं है अर्जुन रामपाल और रणबीर कपूर दोनों ने अपने अपने किरदारों को बस निभा भर दिया है पूरी फिल्म में महज एक फाइट सीन है अनुपम खेर के इक्का दुक्का सीन है जैकलीन ने अपनी ब्यूटी दिखाने के साथ साथ यह भी दिखाया है कि उन्हें एक्सरसाइज करना आता है ऐसा लगता है शुरुआत ने विक्रमाजीत सिंह के पास अपनी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी मसाला नहीं था तो वही उन्होंने बेवजह हर सीन को लंबा करके दर्शकों के सब्र की परीक्षा ली है कमजोर स्क्रिप्ट के साथ पैसेंजर ट्रेन की तरह आगे खिसकती इस कहानी में विक्रमाजीत कहानी भी पर नहीं ला पाए हैं। फिल्म के रिलीज से पहले ही रणवीर कपूर को चोर और फिल्म को थिलर बताया गया है लिहाजा दर्शक एक रोमांचक फिल्म के पेछा लेकर फिल्म देखने के लिए जाता है लेकिन फिल्म में थ्रिलर की बजाय रोमांस और इमोशनल ड्रामा देखने को मिलता है इस ड्रामे की रफ्तार इतनी सुस्त है कि आपको झपकी भी लग सकती है फिल्म का एक किरदार कहता है कि यदि कहानी आगे नहीं बढ़ रही हो तो उसे वही ख़त्म कर देना चाहिए अफसोस की बात यह है कि अपनी फिल्म के जरिए यह बात कहने वाले फिल्मकार ने खुद की बात को गंभीरता से नहीं लिया है बाईस लड़कियों से रोमांस कर चुका रणबीर ग्रोवल यानी अर्जुन रामपाल एक फिल्म मेकर है मलेशिया में अपनी फिल्म की शूटिंग के दौरान उसकी मुलाकात लंदन में रहने वाले फिल्म मेकर आयशा आमिर यानी जैकलिन फर्नांडिस से होती है रैनी रणबीर कपूर एक मशहूर चोर है जिससे प्रेरित होकर कबीर फिल्म बनाता है कबीर और आयशा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और आयशा के जरिए कबीर अपनी कहानी को आगे बढ़ाता है रियल लाइफ और रियल लाइफ के किरदार आपस में उलझ जाते हैं और मामला जटिल हो जाता है विक्रमजीत सिंह ने फिल्म को लिखा और निर्देशित किया है कॉन्सेप्ट अच्छा है लेकिन स्क्रीन इस पर इसे पेश करने में निर्देशक खुद ही कन्फ्यूज हो गए हैं तो दर्शक की बात ही छोड़ दीजिए फिल्म की शुरुआत अच्छी है जब एक मौलवान पेंटिंग को चुराने के लिए राय को कहा जाता है उम्मीद बनती है कि एक थ्रिलर मूवी देखने को मिलेगी लेकिन धीरे धीरे कबीर और आयशा की प्रेम कहानी में परिवर्तित हो जाती है यह रोमांटिक ट्रैक बहुत ही ठंडा है कबीर के प्रति आयशा का आकर्षित होने और रूठने की ठीक से पेश नहीं किया गया है साथ ही इस प्रेम की वजह से कबीर का अपने आप को जान पाने वाला ट्रैक भी प्रभावित नहीं करता कबीर और उसके पिता के बीच के दृश्य भी फिजूल के हैं और इनका मुख्य कहानी से कोई संबंध नहीं है राय का पेंटिंग चुराने वाले प्रसंग बहुत ही सतही है फिल्म के जरिए क्या कहने की कोशिश की जा रही है समझ पाना मुश्किल है विक्रमजीत सिंह ने स्क्रिप्ट के बजाय शॉर्ट टेकिंग को ज़्यादा महत्व दिया है किरदारों की लाइफ स्टाइल को बेहतरीन तरीके से पेश किया जाता है लेकिन कहानी को कहने का उनका तरीका बहुत ही उलझा हुआ है उन्होंने संवादों के जरिए बात कहने की कोशिश ज़्यादा की है कुछ जगह किरदारों की बातचीत अच्छी लगती है लेकिन कुछ समय बाद चीज बोरियत पैदा करती है फिल्म का उन्होंने जो मोड रखा है उसमें गानों की बिल्कुल जगह नहीं बनती है वही वजह है कि हिट गीतों का फिल्मांकन इतना खराब है कि देखने में मजा नहीं आता प्रमुख कलाकारों का अपने के मामले में करीब होना भी फिल्म की कमजोर कड़ी है अर्जुन रामपाल अपने लुक से प्रभावित करते हैं एक्टिंग से नहीं हाइट और चिकरट से उड़ते हुए धुएं के जरिए उन्होंने अपने चेहरे को उन्होंने छिपाने की कोशिश की है जैकलिन फर्नांडिस एक भूमिका तो ठीक से कर नहीं पाती ऐसे में दोहरी भूमिका उन्हें स्वप्न उनके नाजुक कंधों पर बहुत भारी भार रखने के समान है मेकअप और हेयर स्टाइल के अंतर पैदा करने की कोशिश की गई है वरना दोनों किरदारों को जैकलिन ने एक ही तरीके से निभाया है रणबीर कपूर का रोल छोटा है जिसे पूरी फिल्म में फैलाया गया है विक्रमजीत सिंह उनके दोस्त हैं शायद इसलिए रणबीर ने यह फिल्म की है इसका दुख पूरी फिल्म में उनके चेहरे पर नजर आता है पूरी फिल्म में बोरियत एक्सप्रेशन के लिए वह घूमते रहते हैं अंकिता तिवारी अमाल मलिक मित ब्रदर्स अनजान का संगीत मधुर है हिमन धमीजा की सिनेमाटोग्राफी कमाल की है कुछ संवाद भी अच्छे लगते हैं लेकिन एक फिल्म को देखने के लिए ये बातें काफ़ी नहीं हैं कभी कभी कुछ अनोखा करने के चक्कर में अक्सर हम कुछ गलत कर जाते हैं और आखिरी में प्रोडक्ट खराब हो जाता है कुछ ऐसा ही मिजाज है फिल्म राय का बचपन में एक पहेली थी डब्बे में डब्बा और डब्बे में कुछ नहीं डॉक्यूमेंट डायरेक्टर विक्रमाजीत सिंह ने इस पहेली को साकार कर दिया है फिल्म के भीतर फिल्म बना दी है मतलब एक वक्त पर दो दो फिल्में का मजा देने की कोशिश की गई है जो कि सार्थक नहीं हो पाई है राय फिल्म की कहानी डायरेक्टर कबीर ग्रोवल यानी अर्जुन रामपाल की है जो अपनी हिट फिल्म गन की तीसरी फिल्म बनाना चाहते हैं और जिसके लिए कहानी की तलाश में जैकलिन फर्नान से होती है और कबीर की, फिल्म राय की जाती है। जो भी कबीर और आयशा के बीच में घरता है वो इस फिल्म की स्क्रिप्ट से तब्दील हो जाता है एक काल्पनिक किरदार ने रणबीर कपूर जो टी जैकलिन फर्नाडिस जो कि डबल रोल निभा रही है से मिलता है और कई चीजें चोरी करता है और जो कुछ भी इस फिल्म रॉय में होता है वही असलियत में कबीर और आयशा की ज़िंदगी में आखिरकार होता है तो कबीर की फिल्म के दोनों किरदार होते हैं रॉय और टिया फिल्म में सिर्फ शूटिंग लोकेशंस गाने और फैशन बेहद दिलचस्प है अगर आपको रणबीर कपूर जैकलिन फर्नांडिस और अर्जुन रामपाल पसंद है तो ये फिल्म देखें कभी कभी बोरियत का आलम यह हो जाता है कि छोटी फिल्म भी बड़ी लगने लगती है कुछ ऐसा ही रॉय के दौरान भी होता है बहुत ही धीमी फिल्म है रणबीर कपूर की उपस्थिति भी फिल्म को लाए नहीं दे पाती अगर आप एक बेहद अच्छी फिल्म के तलाश में हैं तो राय नहीं है किरदार कब क्या और क्यों कर रहे हैं आप उसमें दिलचस्पी नहीं ले पाते हैं फिल्म राय की कहानी में कुछ भी खास नहीं है फिल्म की शुरुआत होती है अर्जुन रामपाल से, जो डायरेक्टर कबीर गोरवाल की भूमिका निभा रहे हैं जो एक चोर से इंस्पायर होकर उस पर फिल्म बनाता है चोर की ज़िंदगी पर आधारित दो फिल्में पहले ही हिट हो चुकी हैं और अर्जुन तीसरी फिल्म बनाने की तैयारी करते हैं अपनी तीसरी फिल्म को शूट करने में मलेशिया जाते हैं जहां उनकी मुलाकात जैकलिन फर्नांडिस से होती है जो लंदन में फिल्म डायरेक्टर आयशा आमिर का किरदार निभा रही हैं अर्जुन और जैकलिन एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं जैकलिन को अर्जुन से प्यार हो जाता है लेकिन वो अर्जुन की फितरत जानती हैं कि वो सिर्फ लड़कियाँ बदलते हैं और प्यार भर के चक्कर में नहीं पड़ते जैकलिन अर्जुन को छोड़कर चली जाती है और तब ताकि और तब जाके अर्जुन को अपने प्यार का एहसास होता है फिल्म में रणबीर कपूर एक चोर का किरदार निभा रहे हैं जो सिर्फ अर्जुन रामपाल के ख्यालों में रहता है दरअसल रणबीर कपूर फिल्म में अर्जुन रामपाल की फिल्म के एक्टर हैं जो चोर की भूमिका निभाते हैं इंटरल के बाद रणबीर के बहुत ही कम सीन हैं जैकलिन फर्नांडिस का फिल्म में डबल रोल है एक जो अर्जुन के साथ रोमांस करती है और दूसरी जो अर्जुन की फिल्म की एक्ट्रेस टिया है फिल्म में जैकलिन और रणबीर का प्यार अर्जुन रामपाल की फिल्म की कहानी का हिस्सा है जैकलिन फर्नांडिस फिल्म में खूबसूरत

जरूर फिल्म देखें क्योंकि इस फिल्म में कुछ दिलचस्प तो नहीं है आपकी गर्लफ्रेंड का पूरा ध्यान आप पर ही रहेगा ऐसा लगता है इस फिल्म को बनाने में डायरेक्टर विक्रमजीत सिंह ने कुछ ज्यादा ही वक्त लगाया एक्शन थ्रिलर फिल्में बनाने वाले एक यंग डायरेक्टर कबीर ग्रोवल के आसपास घूम रही इस फिल्म की कहानी में किरदार एक दूसरे से कहां आकर मिलते हैं और कहां अलग हो जाते हैं यह समस्या से परे है बेहद धीमी रफ्तार से आगे खिसकती इस फिल्म को लेकर चर्चा थी कि इसमें रणबीर कपूर का किरदार 10-15 मिनट के लिए है लेकिन फिल्म में उनका किरदार 50 मिनट के करीब है न जाने क्यों पूरी फिल्म में रणबीर बुझे बुझे नजर आते हैं कुछ सीन में रणबीर की एक्टिंग देखकर ऐसा भी लगता है कि जैसे वह अनचाहे मन से राय का किरदार निभा रहे हों इसकी कहानी यंग फिल्म मेकर कबीर ग्रोवर अर्जुन रामपाल की है अब तक दो एक्शन थ्रिलर फिल्में वो बना चुके हैं बॉक्स ऑफिस पर कहा कबीर की इस फिल्मों ने कमाई और कामयाबी के नए रिकॉर्ड बनाए हैं इंडस्ट्री की एक टॉप प्रोडक्शन कंपनी का हेड हिरानी कबीर इस सीरीज की तीसरी फिल्म अपने प्रोडक्शन हाउस के साथ जल्द शुरू करना चाहता है दूसरी ओर कबीर ने अभी कहानी और किरदारों पर काम करना तक शुरू नहीं किया है कबीर की सहायक निर्देशक मेरा इस अग्रीमेंट के लिए कबीर को राजी कर लेती है कहानी और किरदारों की तलाश में लगा कबीर स्क्रिप्ट कर काम करता है बचपन में कबीर एक बार अपने पापा ने खेयर के साथ जब बैंक गया ठीक उसी वक्त बैंक में डकैती पड़ जाती है कबीर इस घटना पर काम शुरू करता है शुकल की शूटिंग के लिए वह अपनी यूनिट के साथ मलेशिया जाता है जहाँ पहले से लंदन की फिल्म मेकर आयशा ने जैकलिन फर्नाडिस अपनी एक सीमित बजट में बनने वाली फिल्म की शूटिंग कर रही है इन दोनों की सोच डिफरेंट है जहाँ कबीर बॉक्स ऑफिस पर कमाई के लिए फिल्में बनाने वाला मेकर है वही आयशा को एक खास क्लास की कसौटी पर खरी उतरने वाली और अवार्ड फंक्शन में ट्रॉफी हासिल करने वाली फिल्में बनाने वाली मेकर हैं कबीर पर्सनल लाइफ में कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक है रिश्तों को समझना और उनकी गहराई में जाना उसे पसंद नहीं है यही वजह है अब तक उसका 21 बार ब्रेकअप हो चुका है आयशा ने मुलाकात के बाद कबीर अपनी स्क्रिप्ट और फिल्म पर काम शुरू करता है जिसमें आयशा की कुछ बातें शामिल होती हैं कबीर की इस फिल्म का यंग हीरो राय निरल कपूर ऐसा पेंटिंग चोर है जिसकी डिक्शनरी में नामुमकिन शब्द नहीं है अर्जुन रामपाल और रणबीर कपूर दोनों ने अपने अपने किरदारों को बस निभा भर दिया है पूरी फिल्म में महज एक फाइट सीन है अनुपम खेर के इक्का दुक्का सीन है जैकलीन ने अपनी ब्यूटी दिखाने के साथ साथ यह भी दिखाया है कि उन्हें एक्सरसाइज करना आता है ऐसा लगता है शुरुआत में विक्रमाजीत सिंह के पास अपनी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी मसाला नहीं था तो वही उन्होंने बेवजह हर सीन को लंबा करके दर्शकों के सब्र की परीक्षा ली है कमजोर स्क्रिप्ट के साथ पैसेंजर ट्रेन की तरह आगे खिसकती इस कहानी में विक्रमाजीत कहानी भी स्पीड नहीं ला पाए हैं फिल्म की रिलीज से पहले ही यंगस्टर ने फिल्म का म्यूजिक हिट है कई म्यूजिक चार्ट में बूंद बूंद सूरज डूबा है चिटिया कलाइया टॉप टेन में चल रहे थे रॉय के प्रचार में रणवीर कपूर को चोर और फिल्म को थ्रिलर बताया गया है लिहाजा दर्शक एक रोमांचक फिल्म के पेछा लेकर फिल्म देखने के लिए जाता है लेकिन फिल्म में थ्रिलर की बजाय रोमांस और इमोशनल ड्रामा देखने को मिलता है इस ड्रामे की रफ्तार इतनी सुस्त है कि आपको झपकी भी लग सकती है फिल्म का एक किरदार कहता है कि यदि कहानी आगे नहीं बढ़ रही हो तो उसे वही ख़त्म कर देना चाहिए अफसोस की बात यह है कि अपनी फिल्म के जरिए यह बात कहने वाले फिल्मकार ने खुद की बात को गंभीरता से नहीं लिया है बाईस लड़कियों से रोमांस कर चुका रणबीर ग्रोवल यानी अर्जुन रामपाल एक फिल्म मेकर है मलेशिया में अपनी फिल्म की शूटिंग के दौरान उसकी मुलाकात लंदन में रहने वाले फिल्म मेकर आयशा आमिर यानी जैकलिन फर्नांडिस से होती है रैनी रणबीर कपूर एक मशहूर चोर है जिससे प्रेरित होकर कबीर फिल्म बनाता है कबीर और आयशा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और आयशा के जरिए कबीर अपनी कहानी को आगे बढ़ाता है रियल लाइफ और रियल लाइफ के किरदार आपस में उलझ जाते हैं और मामला जटिल हो जाता है विक्रमजीत सिंह ने फिल्म को लिखा और निर्देशित किया है कॉन्सेप्ट अच्छा है लेकिन स्क्रीन इस पर इसे पेश करने में निर्देशक खुद ही कन्फ्यूज हो गए हैं तो दर्शक की बात ही छोड़ दीजिए फिल्म की शुरुआत अच्छी है जब एक मौलवान पेंटिंग को चुराने के लिए राय को कहा जाता है उम्मीद बनती है कि एक थ्रिलर मूवी देखने को मिलेगी लेकिन धीरे धीरे कबीर और आयशा की प्रेम कहानी में परिवर्तित हो जाती है यह रोमांटिक ट्रैक बहुत ही ठंडा है कबीर के प्रति आयशा का आकर्षित होने और रूठने की ठीक से पेश नहीं किया गया है साथ ही इस प्रेम की वजह से कबीर का अपने आप को जान पाने वाला ट्रैक भी प्रभावित नहीं करता कबीर और उसके पिता के बीच के दृश्य भी फिजूल के हैं और इनका मुख्य कहानी से कोई संबंध नहीं है राय का पेंटिंग चुराने वाले प्रसंग बहुत ही सतही है फिल्म के जरिए क्या कहने की कोशिश की जा रही है समझ पाना मुश्किल है विक्रमजीत सिंह ने स्क्रिप्ट के बजाय शॉर्ट टेकिंग को ज़्यादा महत्व दिया है किरदारों की लाइफ स्टाइल को बेहतरीन तरीके से पेश किया जाता है लेकिन कहानी को कहने का उनका तरीका बहुत ही उलझा हुआ है उन्होंने संवादों के जरिए बात कहने की कोशिश ज़्यादा की है कुछ जगह किरदारों की बातचीत अच्छी लगती है लेकिन कुछ समय बाद यह चीज बोरियत पैदा करती है। फिल्म का उन्होंने जो मोड रखा है उसमें गानों की बिल्कुल जगह नहीं बनती है। वही वजह है कि हिट गीतों का फिल्मांकन इतना खराब है कि देखने में मजा नहीं आता प्रमुख कलाकारों का अपने के मामले में करीब होना भी फिल्म की कमजोर कड़ी है अर्जुन रामपाल अपने लुक से प्रभावित करते हैं एक्टिंग से नहीं हाइट और सिकलर से उड़ते हुए धुएं के जरिए उन्होंने अपने चेहरे को उन्होंने छिपाने की कोशिश की है जैकलिन फर्नांडिस एक भूमिका तो ठीक से कर नहीं पाती ऐसे में दोहरी भूमिका उन्हें स्वप्ना उनके नाजुक कंधों पर बहुत भारी भार रखने के समान है मेकअप और हेयर स्टाइल के अंतर पैदा करने की कोशिश की गई है वरना दोनों किरदारों को जैकलिन ने एक ही तरीके से निभाया है रणबीर कपूर का रोल छोटा है जिसे पूरी फिल्म में फैलाया गया है विक्रमजीत सिंह उनके दोस्त हैं शायद इसलिए रणबीर ने यह फिल्म की है इसका दुख पूरी फिल्म में उनके चेहरे पर नजर आता है पूरी फिल्म में बोरियत एक्सप्रेशन के लिए वह घूमते रहते हैं अंकिता तिवारी अमाल मलिक मित ब्रदर्स अनजान का संगीत मधुर है हिम्मन धमीजा की सिनेमाटोग्राफी कमाल की है कुछ संवाद भी अच्छे लगते हैं लेकिन एक फिल्म को देखने के लिए ये बातें काफ़ी नहीं हैं कभी कभी कुछ अनोखा करने के चक्कर में अक्सर हम कुछ गलत कर जाते हैं और आखिरी में प्रोडक्ट खराब हो जाता है कुछ ऐसा ही मिजाज है फिल्म राय का बचपन में एक पहेली थी डब्बे में डब्बा और डब्बे में कुछ नहीं डॉक्यूमेंट डायरेक्टर विक्रमाजीत सिंह ने इस पहेली को साकार कर दिया है फिल्म के भीतर फिल्म बना दी है मतलब एक वक्त पर दो दो फिल्में का मजा देने की कोशिश की गई है जो कि सार्थक नहीं हो पाई है राय फिल्म की कहानी डायरेक्टर कबीर ग्रोवल यानी अर्जुन रामपाल की है जो अपनी हिट फिल्म गन की सीरीज की तीसरी फिल्म बनाना चाहते हैं और जिसके लिए कहानी की तलाश में मलेशिया जाते हैं वहाँ उनकी मुलाकात दूसरी फिल्म में कर आयसानी जैकलिन फर्नांडिस होती है और कबीर आयशा के साथ इश्क में खो जाता है आयशा ही कबीर की फिल्म राय की स्टोरी बनती जाती है जो भी कबीर और आयशा के बीच में घटता है वो इस फिल्म की स्क्रिप्ट से तब्दील हो जाता है एक काल्पनिक किरदार राय ने रणबीर कपूर जो टिया ने जैकलिन फर्नांडिस जो कि डबल रोल निभा रही हैं से मिलता है और कई चीज़ें चोरी करता है और जो कुछ भी इस फिल्म रॉय में होता है वही असलियत में कबीर और आयशा की ज़िंदगी में आखिरकार होता है तो कबीर की फिल्म के दोनों किरदार होते हैं रॉय और टिया फिल्म में सिर्फ शूटिंग लोकेशंस गाने और फैशन बेहद दिलचस्प है अगर आपको रणबीर कपूर जैकलिन फर्नाडिस और अर्जुन रामपाल पसंद है तो ये फिल्म देखें कभी कभी बोरियत का आलम यह हो जाता है कि छोटी फिल्म भी बड़ी लगने लगती है कुछ ऐसा ही रॉय के दौरान भी होता है बहुत ही धीमी फिल्म है रणबीर कपूर की उपस्थिति भी फ़िल्म को लाय नहीं दे पाती अगर आप एक बेहद अच्छी फिल्म के तलाश में हैं तो राय नहीं है किरदार कब क्या और क्यों कर रहे हैं आप उसमें दिलचस्पी नहीं ले पाते हैं फिल्म राय की कहानी में कुछ भी खास नहीं है फिल्म की शुरुआत होती है अर्जुन रामपाल से जो डायरेक्टर कबीर गोरोवल की भूमिका निभा रहे हैं जो एक चोर से इंस्पायर होकर उस पर फिल्म बनाता है चोर की जिंदगी पर आधारित दो फिल्में पहले ही हिट हो चुकी हैं और अर्जुन तीसरी फिल्म बनाने की तैयारी करते हैं अपनी तीसरी फिल्म को शूट करने में मलेशिया जाते हैं जहां उनकी मुलाकात जैकलिन फर्नांडिस से होती है जो लंदन में फिल्म डायरेक्टर आयशा आमिर का किरदार निभा रही हैं अर्जुन और जैकलिन एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं जैकलिन को अर्जुन से प्यार हो जाता है लेकिन वो अर्जुन की फितरत जानती हैं कि वो सिर्फ लड़कियां बदलते हैं और प्यार भर के चक्कर में नहीं पड़ते जैकलिन अर्जुन को छोड़कर चली जाती है और तब ताकि और तब जाके अर्जुन को अपने प्यार का एहसास होता है फिल्म में रणबीर कपूर एक चोर का किरदार निभा रहे हैं जो सिर्फ अर्जुन रामपाल के ख्यालों में रहता है दरअसल रणबीर कपूर फिल्म में अर्जुन रामपाल की फिल्म के एक्टर हैं जो चोर की भूमिका निभाते हैं इंड रोल के बाद रणबीर के बहुत ही कम सीन हैं जैकलिन फर्नांडिस का फिल्म में डबल रोल है एक जो अर्जुन के साथ रोमांस करती है और दूसरी जो अर्जुन की फिल्म की एक्ट्रेस टिया है फिल्म में जैकलिन और रणबीर का प्यार अर्जुन रामपाल की फिल्म की कहानी का हिस्सा है जैकलिन फर्नाडिस फिल्म में खूबसूरत तो बहुत लगी हैं लेकिन उनकी एक्टिंग बहुत फीकी है डायलॉग बोलते वक्त उनके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं रहता है डायरेक्टर विक्रमजीत सिंह ने एक अलग तरह की फिल्म बनाने की कोशिश की है लेकिन इंडियन ऑडियंस को इस तरह की फिल्में बहुत कम ही पसंद आती हैं फिल्म के गाने अच्छे हैं और फिल्म में सही वक्त पर दिखाए जाते हैं अगर आप इस फिल्म और रणबीर कपूर से ढेरों उम्मीद लगाए बैठे हैं तो ये फिल्म आपके लिए बिल्कुल नहीं है हाँ अगर आपको वैलेंटाइन डे पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम पास करना है तो आप जरूर फिल्म देखें क्योंकि इस फिल्म में कुछ दिलचस्प तो नहीं है आपकी गर्लफ्रेंड का पूरा ध्यान आप पर ही रहेगा ऐसा लगता है इस फिल्म को बनाने में डायरेक्टर विक्रमजीत सिंह ने कुछ ज्यादा ही वक्त लगाया एक्शन थ्रिलर फिल्में बनाने वाले एक यंग डायरेक्टर कबीर ग्रोवल के आसपास घूम रही इस फिल्म की कहानी में किरदार एक दूसरे से कहां आकर मिलते हैं और कहां अलग हो जाते हैं यह समस्या परे है बेहद धीमी रफ्तार से आगे खिसकती इस फिल्म को लेकर चर्चा थी कि इसमें रणबीर कपूर का किरदार 10-15 मिनट के लिए है लेकिन फिल्म में उनका किरदार पचास मिनट के करीब है न जाने क्यों पूरी फिल्म में रणबीर बुझे बुझे नजर आते हैं कुछ सीन में रणबीर की एक्टिंग देखकर ऐसा भी लगता है कि जैसे वह अनचाहे मन से राय का किरदार निभा रहे हों इसकी कहानी यंग फिल्म मेकर कबीर ग्रोवर यानी अर्जुन रामपाल की है अब तक दो एक्शन थ्रिलर फिल्में वो बना चुके हैं बॉक्स ऑफिस पर कहा कबीर की इस फिल्मों ने कमाई और कामयाबी के नए रिकॉर्ड बनाए हैं इंडस्ट्री की एक टॉप प्रोडक्शन कंपनी का हेड हिरानी कबीर इस सीरीज की तीसरी फिल्म अपने प्रोडक्शन हाउस के साथ जल्द शुरू करना चाहता है दूसरी ओर कबीर ने अभी कहानी और किरदारों पर काम करना तक शुरू नहीं किया है कबीर की सहायक निर्देशक मेरा इस अग्रीमेंट के लिए कबीर को राजी कर लेती है कहानी और किरदारों की तलाश में लगा कबीर

करने वाली और अवार्ड फंक्शन में ट्रॉफी हासिल करने वाली फिल्में बनाने वाली मेकर हैं कबीर पर्सनल लाइफ में कुछ ज्यादा ही रोमांटिक है रिश्तों को समझना और उनकी गहराई में जाना उसे पसंद नहीं है यही वजह है अब तक उसका इक्कीस बार ब्रेकअप हो चुका है आयशा ने मुलाकात के बाद कबीर अपनी स्क्रिप्ट और फिल्म पर काम शुरू करता है जिसमें आयशा की कुछ बातें शामिल होती हैं कबीर की इस फिल्म का यंग हीरो राय निरणबीर कपूर ऐसा पेंटिंग चोर है जिसकी डिक्शनरी में नामुमकिन शब्द नहीं है अर्जुन रामपाल और रणबीर कपूर दोनों ने अपने अपने किरदारों को बस निभा भर दिया है पूरी फिल्म में महज एक फाइट सीन है अनुपम खेर के इक्का दुक्का सीन है जैकलीन ने अपनी ब्यूटी दिखाने के साथ साथ यह भी दिखाया है कि उन्हें एक्सरसाइज करना आता है ऐसा लगता है शुरुआत ने विक्रमाजीत सिंह के पास अपनी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी मसाला नहीं था तो वही उन्होंने बेवजह हर सीन को लंबा करके दर्शकों के सब्र की परीक्षा ली है कमजोर स्क्रिप्ट के साथ पैसेंजर ट्रेन की तरह आगे खिसकती इस कहानी में विक्रमाजीत कहानी भी स्पीड नहीं ला पाए हैं फिल्म की रिलीज से पहले ही यंगस्टर ने फिल्म का म्यूजिक हिट है कई म्यूजिक चार्ट में बूंद बूंद सूरज डूबा है चिटिया कलाइयाँ टॉप टेन में चल रहे थे रॉय के प्रचार में रणवीर कपूर को चोर और फिल्म को थ्रिलर बताया गया है लिहाजा दर्शक एक रोमांचक फिल्म के पेछा लेकर फिल्म देखने के लिए जाता है लेकिन फिल्म में थ्रिलर की बजाय रोमांस और इमोशनल ड्रामा देखने को मिलता है इस ड्रामे की रफ्तार इतनी सुस्त है कि आपको झपकी भी लग सकती है फिल्म का एक किरदार कहता है कि यदि कहानी आगे नहीं बढ़ रही हो तो उसे वही ख़त्म कर देना चाहिए अफसोस की बात यह है कि अपनी फिल्म के जरिए यह बात कहने वाले फिल्मकार ने खुद की बात को गंभीरता से नहीं लिया है बाईस लड़कियों से रोमांस कर चुका रणबीर ग्रोवल यानी अर्जुन रामपाल एक फिल्म मेकर है मलेशिया में अपनी फिल्म की शूटिंग के दौरान उसकी मुलाकात लंदन में रहने वाली फिल्म मेकर आयशा आमिर यानी जैकलिन फर्नान्डिस से होती है रैनी रणबीर कपूर एक मशहूर चोर है जिससे प्रेरित होकर कबीर फिल्म बनाता है कबीर और आयशा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और आयशा के जरिए कबीर अपनी कहानी को आगे बढ़ाता है रियल लाइफ और रियल लाइफ के किरदार आपस में उलझ जाते हैं और मामला जटिल हो जाता है विक्रमजीत सिंह ने फिल्म को लिखा और निर्देशित किया है कॉन्सेप्ट अच्छा है लेकिन स्क्रीन इस पर इसे पेश करने में निर्देशक खुद ही कन्फ्यूज हो गए हैं तो दर्शक की बात ही छोड़ दीजिए फिल्म की शुरुआत अच्छी है जब एक मौलवान पेंटिंग को चुराने के लिए राय को कहा जाता है उम्मीद बनती है कि एक थ्रिलर मूवी देखने को मिलेगी लेकिन धीरे धीरे कबीर और आयशा की प्रेम कहानी में परिवर्तित हो जाती है यह रोमांटिक ट्रैक बहुत ही ठंडा है कबीर के प्रति आयशा का आकर्षित होने और रूठने की ठीक से पेश नहीं किया गया है साथ ही इस प्रेम की वजह से कबीर का अपने आप को जान पाने वाला ट्रैक भी प्रभावित नहीं करता कबीर और उसके पिता के बीच के दृश्य भी फिजूल के हैं और इनका मुख्य कहानी से कोई संबंध नहीं है राय का पेंटिंग चुराने वाले प्रसंग बहुत ही सतही है फिल्म के जरिए क्या कहने की कोशिश की जा रही है समझ पाना मुश्किल है विक्रमजीत सिंह ने स्क्रिप्ट के बजाय शॉर्ट टेकिंग को ज़्यादा महत्व दिया है किरदारों की लाइफ स्टाइल को बेहतरीन तरीके से पेश किया जाता है लेकिन कहानी को कहने का उनका तरीका बहुत ही उलझा हुआ है उन्होंने संवादों के जरिए बात कहने की कोशिश ज़्यादा की है कुछ जगह किरदारों की बातचीत अच्छी लगती है लेकिन कुछ समय बाद ये ये चीज बोरियत पैदा करती है फिल्म का उन्होंने जो मोड़ रखा है उसमें गानों की बिल्कुल जगह नहीं बनती है वही वजह है कि हिट गीतों का फिल्मांकन इतना खराब है कि देखने में मजा नहीं आता प्रमुख कलाकारों का अभिनय के मामले में करीब होना भी फिल्म की कमजोर कड़ी है अर्जुन रामपाल अपने लुक से प्रभावित करते हैं एक्टिंग से नहीं हाइट और चिकरट से उड़ते हुए धुएं के जरिए उन्होंने अपने चेहरे को उन्होंने छिपाने की कोशिश की है जैकलिन फर्नांडिस एक भूमिका तो ठीक से कर नहीं पाती ऐसे में दोहरी भूमिका उन्हें स्वप्ना उनके नाजुक कंधों पर बहुत भारी भार रखने के समान है मेकअप और हेयर स्टाइल के अंतर पैदा करने की कोशिश की गई है वरना दोनों किरदारों को जैकलिन ने एक ही तरीके से निभाया है रणबीर कपूर का रोल छोटा है जिसे पूरी फिल्म में फैलाया गया है विक्रमजीत सिंह उनके दोस्त हैं शायद इसलिए रणबीर ने यह फिल्म की है इसका दुख पूरी फिल्म में उनके चेहरे पर नजर आता है पूरी फिल्म में बोरियत एक्सप्रेशन के लिए वह घूमते रहते हैं अंकिता तिवारी अमाल मलिक मित ब्रदर्स अनजान का संगीत मधुर है हिमन धमीजा की सीनेमाटोग्राफी कमाल की है कुछ संवाद भी अच्छे लगते हैं लेकिन एक फिल्म को देखने के लिए ये बातें काफ़ी नहीं हैं कभी कभी कुछ अनोखा करने के चक्कर में अक्सर हम कुछ गलत कर जाते हैं और आखिरी में प्रोडक्ट खराब हो जाता है कुछ ऐसा ही मिजाज है फिल्म राय का बचपन में एक पहेली थी डब्बे में डब्बा और डब्बे में कुछ नहीं डॉक्यूमेंट डायरेक्टर बिक्रमाजीत सिंह ने इस पहेली को साकार कर दिया है फिल्म के भीतर फिल्म बना दी है मतलब एक वक्त पर दो दो फिल्में का मजा देने की कोशिश की गई है जो कि सार्थक नहीं हो पाई है राय फिल्म की कहानी डायरेक्टर कबीर ग्रोवल यानी अर्जुन रामपाल की है जो अपनी हिट फिल्म गन की सीरीज की तीसरी फिल्म बनाना चाहते हैं और जिसके लिए कहानी की तलाश में मलेशिया जाते हैं वहां उनकी मुलाकात दूसरी फिल्म में कर आयस जैकलिन फर्नान्डिस से होती है और कबीर आयशा के साथ इश्क में खो जाता है आयशा ही कबीर की फिल्म राय की स्टोरी बनती जाती है जो भी कबीर और आयशा के बीच में घटता है वो इस फिल्म की स्क्रिप्ट से तब्दील हो जाता है एक काल्पनिक किरदार राय ने रणबीर कपूर जो टिया ने जैकलिन फर्नांडिस जो कि डबल रोल निभा रही हैं से मिलता है और कई चीज़ें चोरी करता है और जो कुछ भी इस फिल्म रॉय में होता है वही असलियत में कबीर और आयशा की जिंदगी में आखिरकार होता है तो कबीर की फिल्म के दोनों किरदार होते हैं रॉय और टिया फिल्म में सिर्फ शूटिंग लोकेशंस गाने और फैशन बेहद दिलचस्प है अगर आपको रणवीर कपूर जैकलिन फर्नाडिस और अर्जुन रामपाल पसंद है तो ये फिल्म देखें कभी कभी बोरियत का आलम यह हो जाता है कि छोटी फिल्म भी बड़ी लगने लगती है कुछ ऐसा ही रॉय के दौरान भी होता है बहुत ही धीमी फिल्म है रणबीर कपूर की उपस्थित भी फिल्म को लाय नहीं दे पाती अगर आप एक बेहद अच्छी फिल्म के तलाश में हैं तो राय नहीं है किरदार कब क्या और क्यों कर रहे हैं आप उसमें दिलचस्पी नहीं ले पाते हैं फिल्म राय की कहानी में कुछ भी खास नहीं है फिल्म की शुरुआत होती है अर्जुन रामपाल से जो डायरेक्टर कबीर गोरोवाल की भूमिका निभा रहे हैं जो एक चोर से इंस्पायर होकर उस पर फिल्म बनाता है चोर की जिंदगी पर आधारित दो फिल्में पहले ही हिट हो चुकी हैं और अर्जुन तीसरी फिल्म बनाने की तैयारी करते हैं अपनी तीसरी फिल्म को शूट करने में मलेशिया जाते हैं जहां उनकी मुलाकात जैकलिन फर्नांडिस से होती है जो लंदन में फिल्म डायरेक्टर आयशा आमिर का किरदार निभा रही हैं अर्जुन और जैकलिन एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं जैकलिन को अर्जुन से प्यार हो जाता है लेकिन वो अर्जुन की फितरत जानती हैं कि वो सिर्फ लड़कियां बदलते हैं और प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ते जैकलिन अर्जुन को छोड़कर चली जाती है और तब ताकि और तब जाके अर्जुन को अपने प्यार का एहसास होता है फिल्म में रणबीर कपूर एक चोर का किरदार निभा रहे हैं जो सिर्फ अर्जुन रामपाल के ख्यालों में रहता है दरअसल रणबीर कपूर फिल्म में अर्जुन रामपाल की फिल्म के एक्टर हैं जो चोर की भूमिका निभाते हैं इन रोल के बाद रणबीर के बहुत ही कम सीन हैं जैकलिन फर्नाडिस का फिल्म में डबल रोल है एक जो अर्जुन के साथ रोमांस करती है और दूसरी जो अर्जुन की फिल्म की एक्ट्रेस टिया है फिल्म में जैकलिन और रणबीर का प्यार अर्जुन रामपाल की फिल्म की कहानी का हिस्सा है जैकलिन फर्नाडिस फिल्म में खूबसूरत तो बहुत लगी हैं लेकिन उनकी एक्टिंग बहुत फीकी है डायलॉग बोलते वक्त उनके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं रहता है डायरेक्टर विक्रमजीत सिंह ने एक अलग तरह की फिल्म बनाने की कोशिश की है लेकिन इंडियन ऑडियंस को इस तरह की फिल्में बहुत कम ही पसंद आती हैं फिल्म के गाने अच्छे हैं और फिल्म में सही वक्त पर दिखाए जाते हैं अगर आप इस फिल्म और रणबीर कपूर से ढेरों उम्मीद लगाए बैठे हैं तो ये फिल्म आपके लिए बिल्कुल नहीं है हाँ अगर आपको वैलेंटाइन डे पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम पास करना है तो आप ज़रूर ये फिल्म देखें क्योंकि इस फिल्म में कुछ दिलचस्प तो नहीं है है, आपकी गर्लफ्रेंड का पूरा ध्यान आप पर ही रहेगा ऐसा लगता है इस फिल्म को बनाने में डायरेक्टर विक्रमजीत सिंह ने कुछ ज्यादा ही वक्त लगाया एक्शन थ्रिलर फिल्में बनाने वाले एक यंग डायरेक्टर कबीर ग्रोवल के आसपास घूम रही इस फिल्म की कहानी में किरदार एक दूसरे से कहां आकर मिलते हैं और कहां अलग हो जाते हैं यह समस्या परे है बेहद धीमी रफ्तार से आगे खिसकती इस फिल्म को लेकर चर्चा थी कि इसमें रणबीर कपूर का किरदार 10-15 मिनट के लिए है लेकिन फिल्म में उनका किरदार 50 मिनट के करीब है न जाने क्यों पूरी फिल्म में रणबीर बुझे बुझे नजर आते हैं कुछ सीन में रणबीर की एक्टिंग देखकर ऐसा भी लगता है कि जैसे वह अनचाहे मन से राय का किरदार निभा रहे हों इसकी कहानी यंग फिल्म मेकर कबीर ग्रोवर अर्जुन रामपाल की है अब तक दो एक्शन थ्रिलर फिल्में वो बना चुके हैं बॉक्स ऑफिस पर कबीर की इस फिल्मों ने कमाई और कामयाबी के नए रिकॉर्ड बनाए हैं इंडस्ट्री के एक टॉप प्रोडक्शन कंपनी का हेड हिरानी कबीर इस सीरीज की तीसरी फिल्म अपने प्रोडक्शन हाउस के साथ जल्द शुरू करना चाहता है दूसरी ओर कबीर ने अभी कहानी और किरदारों पर काम करना तक शुरू नहीं किया है कबीर की सहायक निर्देशक मेरा इस अग्रीमेंट के लिए कबीर को राजी कर लेती है कहानी और किरदारों की तलाश में लगा कबीर

ने वाली और अवार्ड फंक्शन में ट्रॉफी हासिल करने वाली फिल्में बनाने वाली मेकर हैं कबीर पर्सनल लाइफ में कुछ ज्यादा ही रोमांटिक है रिश्तों को समझना और उनकी गहराई में जाना उसे पसंद नहीं है यही वजह है अब तक उसका इक्कीस बार ब्रेकअप हो चुका है आयशा ने मुलाकात के बाद कबीर अपनी स्क्रिप्ट और फिल्म पर काम शुरू करता है जिसमें आयशा की कुछ बातें शामिल होती हैं कबीर की इस फिल्म का यंग हीरो कपूर ऐसा पेंटिंग चोर है जिसकी डिक्शनरी में नामुमकिन शब्द नहीं है अर्जुन रामपाल और रणबीर कपूर दोनों ने अपने अपने किरदारों को बस निभा भर दिया है पूरी फिल्म में महज एक फाइट सीन है अनुपम खेर के इक्का दुक्का सीन है जैकलीन ने अपनी ब्यूटी दिखाने के साथ साथ यह भी दिखाया है कि उन्हें एक्सरसाइज करना आता है ऐसा लगता है शुरुआत ने विक्रमाजीत सिंह के पास अपनी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी मसाला नहीं था तो वही उन्होंने बेवजह हर सीन को लंबा करके दर्शकों के सब्र की परीक्षा ली है कमजोर स्क्रिप्ट के साथ पैसेंजर ट्रेन की तरह आगे खिसकती इस कहानी में विक्रमाजीत कहानी भी पर नहीं ला पाए हैं। फिल्म के रिलीज से पहले ही टॉप टेन में चल रहे थे के में कपूर को चोर और फिल्म को थिलर बताया गया है लिहाजा दर्शक एक रोमांचक फिल्म के पेछा लेकर फिल्म देखने के लिए जाता है लेकिन फिल्म में थ्रिलर की बजाय रोमांस और इमोशनल ड्रामा देखने को मिलता है इस ड्रामे की रफ्तार इतनी सुस्त है कि आपको झपकी भी लग सकती है फिल्म का एक किरदार कहता है कि यदि कहानी आगे नहीं बढ़ रही हो तो उसे वही ख़त्म कर देना चाहिए अफसोस की बात यह है कि अपनी फिल्म के जरिए यह बात कहने वाले फिल्मकार ने खुद की बात को गंभीरता से नहीं लिया है बाईस लड़कियों से रोमांस कर चुका रणबीर ग्रोवल यानी अर्जुन रामपाल एक फिल्म मेकर है मलेशिया में अपनी फिल्म की शूटिंग के दौरान उसकी मुलाकात लंदन में रहने वाले फिल्म मेकर आयशा आमिर यानी जैकलिन फर्नांडिस से होती है रैनी रणबीर कपूर एक मशहूर चोर है जिससे प्रेरित होकर कबीर फिल्म बनाता है कबीर और आयशा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और आयशा के जरिए कबीर अपनी कहानी को आगे बढ़ाता है रियल लाइफ और रियल लाइफ के किरदार आपस में उलझ जाते हैं और मामला जटिल हो जाता है विक्रमजीत सिंह ने फिल्म को लिखा और निर्देशित किया है कॉन्सेप्ट अच्छा है लेकिन स्क्रीन पर इसे पेश करने में निर्देशक खुद ही कन्फ्यूज हो गए हैं तो दर्शक की बात ही छोड़ दीजिए फिल्म की शुरुआत अच्छी है जब एक मौलवान पेंटिंग को चुराने के लिए राय को कहा जाता है उम्मीद बनती है कि एक थ्रिलर मूवी देखने को मिलेगी लेकिन धीरे धीरे कबीर और आयशा की प्रेम कहानी में परिवर्तित हो जाती है यह रोमांटिक ट्रैक बहुत ही ठंडा है कबीर के प्रति आयशा का आकर्षित होने और रूठने की ठीक से पेश नहीं किया गया है साथ ही इस प्रेम की वजह से कबीर का अपने आप को जान पाने वाला ट्रैक भी प्रभावित नहीं करता कबीर और उसके पिता के बीच के दृश्य भी फिजूल के हैं और इनका मुख्य कहानी से कोई संबंध नहीं है राय का पेंटिंग चुराने वाले प्रसंग बहुत ही सतही है फिल्म के जरिए क्या कहने की कोशिश की जा रही है समझ पाना मुश्किल है विक्रमजीत सिंह ने स्क्रिप्ट के बजाय शॉर्ट टेकिंग को ज़्यादा महत्व दिया है किरदारों की लाइफ स्टाइल को बेहतरीन तरीके से पेश किया जाता है लेकिन कहानी को कहने का उनका तरीका बहुत ही उलझा हुआ है उन्होंने संवादों के जरिए बात कहने की कोशिश ज़्यादा की है कुछ जगह किरदारों की बातचीत अच्छी लगती है लेकिन कुछ समय बाद चीज बोरियत पैदा करती है फिल्म का उन्होंने जो मोड रखा है उसमें गानों की बिल्कुल जगह नहीं बनती है वही वजह है कि हिट गीतों का फिल्मांकन इतना खराब है कि देखने में मजा नहीं आता प्रमुख कलाकारों का अपने के मामले में करीब होना भी फिल्म की कमजोर कड़ी है अर्जुन रामपाल अपने लुक से प्रभावित करते हैं एक्टिंग से नहीं हाइट और चिकरट से उड़ते हुए धुएं के जरिए उन्होंने अपने चेहरे को उन्होंने छिपाने की कोशिश की है जैकलिन फर्नांडिस एक भूमिका तो ठीक से कर नहीं पाती ऐसे में दोहरी भूमिका उन्हें स्वप्न उनके नाजुक कंधों पर बहुत भारी भार रखने के समान है मेकअप और हेयर स्टाइल के अंतर पैदा करने की कोशिश की गई है वरना दोनों किरदारों को जैकलिन ने एक ही तरीके से निभाया है रणबीर कपूर का रोल छोटा है जिसे पूरी फिल्म में फैलाया गया है विक्रमजीत सिंह उनके दोस्त हैं शायद इसलिए रणबीर ने यह फिल्म की है इसका दुख पूरी फिल्म में उनके चेहरे पर नजर आता है पूरी फिल्म में बोरियत एक्सप्रेशन के लिए वह घूमते रहते हैं अंकिता तिवारी अमाल मलिक मित ब्रदर्स अनजान का संगीत मधुर है हिमन धमीजा की सिनेमाटोग्राफी कमाल की है कुछ संवाद भी अच्छे लगते हैं लेकिन एक फिल्म को देखने के लिए ये बातें काफ़ी नहीं हैं कभी कभी कुछ अनोखा करने के चक्कर में अक्सर हम कुछ गलत कर जाते हैं और आखिरी में प्रोडक्ट खराब हो जाता है कुछ ऐसा ही मिजाज है फिल्म राय का बचपन में एक पहेली थी डब्बे में डब्बा और डब्बे में कुछ नहीं डॉक्यूमेंट डायरेक्टर विक्रमाजीत सिंह ने इस पहेली को साकार कर दिया है फिल्म के भीतर फिल्म बना दी है मतलब एक वक्त पर दो दो फिल्में का मजा देने की कोशिश की गई है जो कि सार्थक नहीं हो पाई है राय फिल्म की कहानी डायरेक्टर कबीर ग्रोवल यानी अर्जुन रामपाल की है जो अपनी हिट फिल्म गन की तीसरी फिल्म बनाना चाहते हैं और जिसके लिए कहानी के के की तलाश में मलेशिया की स्टोरी बनती जाती है जो भी कबीर और आयशा के बीच में घरता है वो इस फिल्म की स्क्रिप्ट से तब्दील हो जाता है एक काल्पनिक किरदार राय रणबीर कपूर जो टी जैकलिन फर्नाडिस जो कि डबल रोल निभा रही है से मिलता है और कई चीजें चोरी करता है और जो कुछ भी इस फिल्म रॉय में होता है वही असलियत में कबीर और आयशा की ज़िंदगी में आखिरकार होता है तो कबीर की फिल्म के दोनों किरदार होते हैं रॉय और टिया फिल्म में सिर्फ शूटिंग लोकेशंस गाने और फैशन बेहद दिलचस्प है अगर आपको रणबीर कपूर जैकलिन फर्नांडिस और अर्जुन रामपाल पसंद है तो ये फिल्म देखें कभी कभी बोरियत का आलम यह हो जाता है कि छोटी फिल्म भी बड़ी लगने लगती है कुछ ऐसा ही रॉय के दौरान भी होता है बहुत ही धीमी फिल्म है रणबीर कपूर की उपस्थिति भी फिल्म को लाए नहीं दे पाती अगर आप एक बेहद अच्छी फिल्म के तलाश में हैं तो राय नहीं है किरदार कब क्या और क्यों कर रहे हैं आप उसमें दिलचस्पी नहीं ले पाते हैं फिल्म राय की कहानी में कुछ भी खास नहीं है फिल्म की शुरुआत होती है अर्जुन रामपाल से जो डायरेक्टर कबीर ग्रोवाल की भूमिका निभा रहे हैं जो एक चोर से इंस्पायर होकर उस पर फिल्म बनाता है चोर की ज़िंदगी पर आधारित दो फिल्में पहले ही हिट हो चुकी हैं और अर्जुन तीसरी फिल्म बनाने की तैयारी करते हैं अपनी तीसरी फिल्म को शूट करने में मलेशिया जाते हैं जहां उनकी मुलाकात जैकलिन फर्नान्डिस से होती है जो लंदन में फिल्म डायरेक्टर आयशा आमिर का किरदार निभा रही हैं अर्जुन और जैकलिन एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं जैकलिन को अर्जुन से प्यार हो जाता है लेकिन वो अर्जुन की फितरत जानती हैं कि वो सिर्फ लड़कियाँ बदलते हैं और प्यार भर के चक्कर में नहीं पड़ते जैकलिन अर्जुन को छोड़कर चली जाती है और तब ताकि और तब जाके अर्जुन को अपने प्यार का एहसास होता है फिल्म में रणबीर कपूर एक चोर का किरदार निभा रहे हैं जो सिर्फ अर्जुन रामपाल के ख्यालों में रहता है दरअसल रणबीर कपूर फिल्म में अर्जुन रामपाल के फिल्म के एक्टर हैं जो चोर की भूमिका निभाते हैं इंटरल के बाद रणबीर के बहुत ही कम सीन हैं जैकलिन फर्नांडिस का फिल्म में डबल रोल है एक जो अर्जुन के साथ रोमांस करती है और दूसरी जो अर्जुन की फिल्म की एक्ट्रेस टिया है फिल्म में जैकलिन और रणबीर का प्यार अर्जुन रामपाल की फिल्म की कहानी का हिस्सा है जैकलिन फर्नांडिस फिल्म में खूबसूरत

जरूर फिल्म देखें क्योंकि इस फिल्म में कुछ दिलचस्प तो नहीं है आपकी गर्लफ्रेंड का पूरा ध्यान आप पर ही रहेगा ऐसा लगता है इस फिल्म को बनाने में डायरेक्टर विक्रमजीत सिंह ने कुछ ज्यादा ही वक्त लगाया एक्शन थ्रिलर फिल्में बनाने वाले एक यंग डायरेक्टर कबीर ग्रोवल के आसपास घूम रही इस फिल्म की कहानी में किरदार एक दूसरे से कहां आकर मिलते हैं और कहां अलग हो जाते हैं यह समस्या से परे है बेहद धीमी रफ्तार से आगे खिसकती इस फिल्म को लेकर चर्चा थी कि इसमें रणबीर कपूर का किरदार 10-15 मिनट के लिए है लेकिन फिल्म में उनका किरदार 50 मिनट के करीब है न जाने क्यों पूरी फिल्म में रणबीर बुझे बुझे नजर आते हैं कुछ सीन में रणबीर की एक्टिंग देखकर ऐसा भी लगता है कि जैसे वह अनचाहे मन से राय का किरदार निभा रहे हों इसकी कहानी यंग फिल्म मेकर कबीर ग्रोवर यानी अर्जुन रामपाल की है अब तक दो एक्शन थ्रिलर फिल्में वो बना चुके हैं बॉक्स ऑफिस पर कहा कबीर की इस फिल्मों ने कमाई और कामयाबी के नए रिकॉर्ड बनाए हैं इंडस्ट्री की एक टॉप प्रोडक्शन कंपनी का हेड हिरानी कबीर इस सीरीज की तीसरी फिल्म अपने प्रोडक्शन हाउस के साथ जल्द शुरू करना चाहता है दूसरी ओर कबीर ने अभी कहानी और किरदारों पर काम करना तक शुरू नहीं किया है कबीर की सहायक निर्देशक मेरा इस अग्रीमेंट के लिए कबीर को राजी कर लेती है कहानी और किरदारों की तलाश में लगा कबीर स्क्रिप्ट कर काम करता है बचपन में कबीर एक बार अपने पापा ने केयर के साथ जब बैंक गया ठीक उसी वक्त बैंक में डकैती पड़ जाती है कबीर इस घटना पर काम शुरू करता है शुकल की शूटिंग के लिए वह अपनी यूनिट के साथ मलेशिया जाता है जहाँ पहले से लंदन की फिल्म मेकर आयशा ने जैकलिन फर्नाडिस अपनी एक सीमित बजट में बनने वाली फिल्म की शूटिंग कर रही है इन दोनों की सोच डिफरेंट है जहाँ कबीर बॉक्स ऑफिस पर कमाई के लिए फिल्में बनाने वाला मेकर है वही आयशा को एक खास क्लास की कसौटी पर खरी उतरने वाली और अवार्ड फंक्शन में ट्रॉफी हासिल करने वाली फिल्में बनाने वाली मेकर हैं कबीर पर्सनल लाइफ में कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक है रिश्तों को समझना और उनकी गहराई में जाना उसे पसंद नहीं है यही वजह है अब तक उसका 21 बार ब्रेकअप हो चुका है आयशा ने मुलाकात के बाद कबीर अपनी स्क्रिप्ट और फिल्म पर काम शुरू करता है जिसमें आयशा की कुछ बातें शामिल होती हैं कबीर की इस फिल्म का यंग हीरो राय निरल कपूर ऐसा पेंटिंग चोर है जिसकी डिक्शनरी में नामुमकिन शब्द नहीं है अर्जुन रामपाल और रणबीर कपूर दोनों ने अपने अपने किरदारों को बस निभा भर दिया है पूरी फिल्म में महज एक फाइट सीन है अनुपम खेर के इक्का दुक्का सीन है जैकलीन ने अपनी ब्यूटी दिखाने के साथ साथ यह भी दिखाया है कि उन्हें एक्सरसाइज करना आता है ऐसा लगता है शुरुआत ने विक्रमाजीत सिंह के पास अपनी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी मसाला नहीं था तो वही उन्होंने बेवजह हर सीन को लंबा करके दर्शकों के सब्र की परीक्षा ली है कमजोर स्क्रिप्ट के साथ पैसेंजर ट्रेन की तरह आगे खिसकती इस कहानी

फिल्म का एक किरदार कहता है कि यदि कहानी आगे नहीं बढ़ रही हो तो उसे वही ख़त्म कर देना चाहिए अफसोस की बात यह है कि अपनी फिल्म के जरिए यह बात कहने वाले फिल्मकार ने खुद की बात को गंभीरता से नहीं लिया है बईस लड़कियों से रोमांस कर चुका रणबीर ग्रोवल यानी अर्जुन रामपाल एक फिल्म मेकर है मलेशिया में अपनी फिल्म की शूटिंग के दौरान उसकी मुलाकात लंदन में रहने वाले फिल्म मेकर आयशा आमिर यानी जैकलिन फर्नांडिस से होती है रैनी रणबीर कपूर एक मशहूर चोर है जिससे प्रेरित होकर कबीर फिल्म बनाता है कबीर और आयशा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और आयशा के जरिए कबीर अपनी कहानी को आगे बढ़ाता है रियल लाइफ और रियल लाइफ के किरदार आपस में उलझ जाते हैं और मामला जटिल हो जाता है विक्रमजीत सिंह ने फिल्म को लिखा और निर्देशित किया है कॉन्सेप्ट अच्छा है लेकिन स्क्रीन इस पर इसे पेश करने में निर्देशक खुद ही कन्फ्यूज हो गए हैं तो दर्शक की बात ही छोड़ दीजिए फिल्म की शुरुआत अच्छी है जब एक मौलवान पेंटिंग को चुराने के लिए राय को कहा जाता है उम्मीद बनती है कि एक थ्रिलर मूवी देखने को मिलेगी लेकिन धीरे धीरे कबीर और आयशा की प्रेम कहानी में परिवर्तित हो जाती है यह रोमांटिक ट्रैक बहुत ही ठंडा है कबीर के प्रति आयशा का आकर्षित होने और रूठने की ठीक से पेश नहीं किया गया है साथ ही इस प्रेम की वजह से कबीर का अपने आप को जान पाने वाला ट्रैक भी प्रभावित नहीं करता कबीर और उसके पिता के बीच के दृश्य भी फिजूल के हैं और इनका मुख्य कहानी से कोई संबंध नहीं है राय का पेंटिंग चुराने वाले प्रसंग बहुत ही सतही है फिल्म के जरिए क्या कहने की कोशिश की जा रही है समझ पाना मुश्किल है विक्रमजीत सिंह ने स्क्रिप्ट के बजाय शॉर्ट टेकिंग को ज़्यादा महत्व दिया है किरदारों की लाइफ स्टाइल को बेहतरीन तरीके से पेश किया जाता है लेकिन कहानी को कहने का उनका तरीका बहुत ही उलझा हुआ है उन्होंने संवादों के जरिए बात कहने की कोशिश ज़्यादा की है कुछ जगह किरदारों की बातचीत अच्छी लगती है लेकिन कुछ समय बाद ये चीज बोरियत पैदा करती है। है, फिल्म का उन्होंने जो मोड रखा है, उसमें गानों की बिल्कुल जगह नहीं बनती है वही वजह है कि हिट गीतों का फिल्मांकन इतना खराब है कि देखने में मजा नहीं आता प्रमुख कलाकारों का अपने के मामले में करीब होना भी फिल्म की कमजोर कड़ी है अर्जुन रामपाल अपने लुक से प्रभावित करते हैं एक्टिंग से नहीं हाइट और सिगलर से उड़ते हुए धुएं के जरिए उन्होंने अपने चेहरे को उन्होंने छिपाने की कोशिश की है जैकलिन फर्नांडिस एक भूमिका तो ठीक से कर नहीं पाती ऐसे में दोहरी भूमिका उन्हें स्वप्ना उनके नाजुक कंधों पर बहुत भारी भार रखने के समान है मेकअप और हेयर स्टाइल के अंतर पैदा करने की कोशिश की गई है वरना दोनों किरदारों को जैकलिन ने एक ही तरीके से निभाया है रणबीर कपूर का रोल छोटा है जिसे पूरी फिल्म में फैलाया गया है विक्रमजीत सिंह उनके दोस्त हैं शायद इसलिए रणबीर ने यह फिल्म की है इसका दुख पूरी फिल्म में उनके चेहरे पर नजर आता है पूरी फिल्म में बोरियत एक्सप्रेशन के लिए वह घूमते रहते हैं अंकिता तिवारी अमाल मलिक मित ब्रदर्स अनजान का संगीत मधुर है हिम्मन धमीजा की सिनेमाटोग्राफी कमाल की है कुछ संवाद भी अच्छे लगते हैं लेकिन एक फिल्म को देखने के लिए ये बातें काफ़ी नहीं हैं कभी कभी कुछ अनोखा करने के चक्कर में अक्सर हम कुछ गलत कर जाते हैं और आखिरी में प्रोडक्ट खराब हो जाता है कुछ ऐसा ही मिजाज है फिल्म राय का बचपन में एक पहेली थी डब्बे में डब्बा और डब्बे में कुछ नहीं डॉक्यूमेंट डायरेक्टर बिक्रमाजीत सिंह ने इस पहेली को साकार कर दिया है फिल्म के भीतर फिल्म बना दी है मतलब एक वक्त पर दो दो फिल्में का मजा देने की कोशिश की गई है जो कि सार्थक नहीं हो पाई है राय फिल्म की कहानी डायरेक्टर कबीर ग्रोवल यानी अर्जुन रामपाल की है जो अपनी हिट फिल्म गन की सीरीज की तीसरी फिल्म बनाना चाहते हैं और जिसके लिए कहानी की तलाश में मलेशिया जाते हैं वहाँ उनकी मुलाकात दूसरी फिल्म में कर आयसानी जैकलिन फर्नांडिस होती है और कबीर आयशा के साथ इश्क में खो जाता है आयशा ही कबीर की फिल्म राय की स्टोरी बनती जाती है जो भी कबीर और आयशा के बीच में घरता है वो इस फिल्म की स्क्रिप्ट से तब्दील हो जाता है एक काल्पनिक किरदार राय ने रणबीर कपूर जो टिया ने जैकलिन फर्नांडिस जो कि डबल निभा रही हैं से मिलता है और कई चीज़ें चोरी करता है और जो कुछ भी इस फिल्म रॉय में होता है वही असलियत में कबीर और आयशा की ज़िंदगी में आखिरकार होता है तो कबीर की फिल्म के दोनों किरदार होते हैं रॉय और टिया फिल्म में सिर्फ शूटिंग लोकेशंस गाने और फैशन बेहद दिलचस्प है अगर आपको रणबीर कपूर जैकलिन फर्नाडिस और अर्जुन रामपाल पसंद है तो ये फिल्म देखें कभी कभी बोरियत का आलम यह हो जाता है कि छोटी फिल्म भी बड़ी लगने लगती है कुछ ऐसा ही रॉय के दौरान भी होता है बहुत ही धीमी फिल्म है रणबीर कपूर की उपस्थिति भी फ़िल्म को लाय नहीं दे पाती अगर आप एक बेहद अच्छी फिल्म के तलाश में हैं तो राय नहीं है किरदार कब क्या और क्यों कर रहे हैं आप उसमें दिलचस्पी नहीं ले पाते हैं फिल्म राय की कहानी में कुछ भी खास नहीं है फिल्म की शुरुआत होती है अर्जुन रामपाल से जो डायरेक्टर कबीर गोरोवल की भूमिका निभा रहे हैं जो एक चोर से इंस्पायर होकर उस पर फिल्म बनाता है चोर की जिंदगी पर आधारित दो फिल्में पहले ही हिट हो चुकी हैं और अर्जुन तीसरी फिल्म बनाने की तैयारी करते हैं अपनी तीसरी फिल्म को शूट करने में मलेशिया जाते हैं जहां उनकी मुलाकात जैकलिन फर्नांडिस से होती है जो लंदन में फिल्म डायरेक्टर आयशा आमिर का किरदार निभा रही हैं अर्जुन और जैकलिन एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं जैकलिन को अर्जुन से प्यार हो जाता है लेकिन वो अर्जुन की फितरत जानती हैं कि वो सिर्फ लड़कियां बदलते हैं और प्यार भर के चक्कर में नहीं पड़ते जैकलिन अर्जुन को छोड़कर चली जाती है और तब ताकि और तब जाके अर्जुन को अपने प्यार का एहसास होता है फिल्म में रणबीर कपूर एक चोर का किरदार निभा रहे हैं जो सिर्फ अर्जुन रामपाल के ख्यालों में रहता है दरअसल रणबीर कपूर फिल्म में अर्जुन रामपाल की फिल्म के एक्टर हैं जो चोर की भूमिका निभाते हैं इंड रोल के बाद रणबीर के बहुत ही कम सीन हैं जैकलिन फर्नांडिस का फिल्म में डबल रोल है एक जो अर्जुन के साथ रोमांस करती है और दूसरी जो अर्जुन की फिल्म की एक्ट्रेस टिया है फिल्म में जैकलिन और रणबीर का प्यार अर्जुन रामपाल की फिल्म की कहानी का हिस्सा है जैकलिन फर्नाडिस फिल्म में खूबसूरत तो बहुत लगी हैं लेकिन उनकी एक्टिंग बहुत फीकी है डायलॉग बोलते वक्त उनके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं रहता है डायरेक्टर विक्रमजीत सिंह ने एक अलग तरह की फिल्म बनाने की कोशिश की है लेकिन इंडियन ऑडियंस को इस तरह की फिल्में बहुत कम ही पसंद आती हैं फिल्म के गाने अच्छे हैं और फिल्म में सही वक्त पर दिखाए जाते हैं अगर आप इस फिल्म और रणबीर कपूर से ढेरों उम्मीद लगाए बैठे हैं तो ये फिल्म आपके लिए बिल्कुल नहीं है हाँ अगर आपको वैलेंटाइन डे पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम पास करना है तो आप जरूर फिल्म देखें क्योंकि इस फिल्म में कुछ दिलचस्प तो नहीं है आपकी गर्लफ्रेंड का पूरा ध्यान आप पर ही रहेगा ऐसा लगता है इस फिल्म को बनाने में डायरेक्टर विक्रमजीत सिंह ने कुछ ज्यादा ही वक्त लगाया एक्शन थ्रिलर फिल्में बनाने वाले एक यंग डायरेक्टर कबीर ग्रोवल के आसपास घूम रही इस फिल्म की कहानी में किरदार एक दूसरे से कहां आकर मिलते हैं और कहां अलग हो जाते हैं यह समस्या परे है बेहद धीमी रफ्तार से आगे खिसकती इस फिल्म को लेकर चर्चा थी कि इसमें रणबीर कपूर का किरदार 10-15 मिनट के लिए है लेकिन फिल्म में उनका किरदार पचास मिनट के करीब है न जाने क्यों पूरी फिल्म में रणबीर बुझे बुझे नजर आते हैं कुछ सीन में रणबीर की एक्टिंग देखकर ऐसा भी लगता है कि जैसे वह अनचाहे मन से राय का किरदार निभा रहे हों इसकी कहानी यंग फिल्म मेकर कबीर ग्रोवर यानी अर्जुन रामपाल की है अब तक दो एक्शन थ्रिलर फिल्में वो बना चुके हैं बॉक्स ऑफिस पर कहा कबीर की इस फिल्मों ने कमाई और कामयाबी के नए रिकॉर्ड बनाए हैं इंडस्ट्री की एक टॉप प्रोडक्शन कंपनी का हेड हिरानी कबीर इस सीरीज की तीसरी फिल्म अपने प्रोडक्शन हाउस के साथ जल्द शुरू करना चाहता है दूसरी ओर कबीर ने अभी कहानी और किरदारों पर काम करना तक शुरू नहीं किया है कबीर की सहायक निर्देशक मेरा इस अग्रीमेंट के लिए कबीर को राजी कर लेती है कहानी और किरदारों की तलाश में लगा कबीर

करने वाली और अवार्ड फंक्शन में ट्रॉफी हासिल करने वाली फिल्में बनाने वाली मेकर हैं कबीर पर्सनल लाइफ में कुछ ज्यादा ही रोमांटिक है रिश्तों को समझना और उनकी गहराई में जाना उसे पसंद नहीं है यही वजह है अब तक उसका इक्कीस बार ब्रेकअप हो चुका है आयशा ने मुलाकात के बाद कबीर अपनी स्क्रिप्ट और फिल्म पर काम शुरू करता है जिसमें आयशा की कुछ बातें शामिल होती हैं कबीर की इस फिल्म का यंग हीरो राय निरणबीर कपूर ऐसा पेंटिंग चोर है जिसकी डिक्शनरी में नामुमकिन शब्द नहीं है अर्जुन रामपाल और रणबीर कपूर दोनों ने अपने अपने किरदारों को बस निभा भर दिया है पूरी फिल्म में महज एक फाइट सीन है अनुपम खेर के इक्का दुक्का सीन है जैकलिन ने अपनी ब्यूटी दिखाने के साथ साथ यह भी दिखाया है कि उन्हें एक्सरसाइज करना आता है ऐसा लगता है शुरुआत ने विक्रमाजीत सिंह के पास अपनी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी मसाला नहीं था तो वही उन्होंने बेवजह हर सीन को लंबा करके दर्शकों के सब्र की परिछा ली है कमजोर स्क्रिप्ट के साथ पैसेंजर ट्रेन की तरह आगे खिसकती इस कहानी में विक्रमाजीत कहानी भी स्पीड नहीं ला पाए हैं फिल्म की रिलीज से पहले ही यंगस्टर ने फिल्म का म्यूजिक हिट है कई म्यूजिक चार्ट में बूंद बूंद सूरज डूबा है चिटिया कलाइयाँ टॉप टेन में चल रहे थे रॉय के प्रचार में रणवीर कपूर को चोर और फिल्म को थ्रिलर बताया गया है लिहाजा दर्शक एक रोमांचक फिल्म के पेछा लेकर फिल्म देखने के लिए जाता है लेकिन फिल्म में थ्रिलर की बजाय रोमांस और इमोशनल ड्रामा देखने को मिलता है इस ड्रामे की रफ्तार इतनी सुस्त है कि आपको झपकी भी लग सकती है फिल्म का एक किरदार कहता है कि यदि कहानी आगे नहीं बढ़ रही हो तो उसे वही ख़त्म कर देना चाहिए अफसोस की बात यह है कि अपनी फिल्म के जरिए यह बात कहने वाले फिल्मकार ने खुद की बात को गंभीरता से नहीं लिया है बाईस लड़कियों से रोमांस कर चुका रणबीर ग्रोवल यानी अर्जुन रामपाल एक फिल्म मेकर है मलेशिया में अपनी फिल्म की शूटिंग के दौरान उसकी मुलाकात लंदन में रहने वाली फिल्म मेकर आयशा आमिर यानी जैकलिन फर्नान्डिस से होती है रैनी रणबीर कपूर एक मशहूर चोर है जिससे प्रेरित होकर कबीर फिल्म बनाता है कबीर और आयशा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और आयशा के जरिए कबीर अपनी कहानी को आगे बढ़ाता है रियल लाइफ और रियल लाइफ के किरदार आपस में उलझ जाते हैं और मामला जटिल हो जाता है विक्रमजीत सिंह ने फिल्म को लिखा और निर्देशित किया है कॉन्सेप्ट अच्छा है लेकिन स्क्रीन इस पर इसे पेश करने में निर्देशक खुद ही कन्फ्यूज हो गए हैं तो दर्शक की बात ही छोड़ दीजिए फिल्म की शुरुआत अच्छी है जब एक मौलवान पेंटिंग को चुराने के लिए राय को कहा जाता है उम्मीद बनती है कि एक थ्रिलर मूवी देखने को मिलेगी लेकिन धीरे धीरे कबीर और आयशा की प्रेम कहानी में परिवर्तित हो जाती है यह रोमांटिक ट्रैक बहुत ही ठंडा है कबीर के प्रति आयशा का आकर्षित होने और रूठने की ठीक से पेश नहीं किया गया है साथ ही इस प्रेम की वजह से कबीर का अपने आप को जान पाने वाला ट्रैक भी प्रभावित नहीं करता कबीर और उसके पिता के बीच के दृश्य भी फिजूल के हैं और इनका मुख्य कहानी से कोई संबंध नहीं है राय का पेंटिंग चुराने वाला प्रसंग बहुत ही सतही है फिल्म के जरिए क्या कहने की कोशिश की जा रही है समझ पाना मुश्किल है विक्रमजीत सिंह ने स्क्रिप्ट के बजाय शॉर्ट टेकिंग को ज़्यादा महत्व दिया है किरदारों की लाइफ स्टाइल को बेहतरीन तरीके से पेश किया जाता है लेकिन कहानी को कहने का उनका तरीका बहुत ही उलझा हुआ है उन्होंने संवादों के जरिए बात कहने की कोशिश ज़्यादा की है कुछ जगह किरदारों की बातचीत अच्छी लगती है लेकिन कुछ समय बाद यह ये चीज़ बोरियत पैदा करती है फिल्म का उन्होंने जो मोड रखा है उसमें गानों की बिल्कुल जगह नहीं बनती है वही वजह है कि हिट गीतों का फिल्मांकन इतना ख़राब है कि देखने में मज़ा नहीं आता प्रमुख कलाकारों का अभिनय के मामले में करीब होना भी फिल्म की कमजोर कड़ी है अर्जुन रामपाल अपने लुक से प्रभावित करते हैं एक्टिंग से नहीं हाइट और चिकरट से उड़ते हुए धुएं के जरिए उन्होंने अपने चेहरे को उन्होंने छिपाने की कोशिश की है जैकलिन फर्नांडिस एक भूमिका तो ठीक से कर नहीं पाती ऐसे में दोहरी भूमिका उन्हें स्वप्ना उनके नाजुक कंधों पर बहुत भारी भार रखने के समान है मेकअप और हेयर स्टाइल के अंतर पैदा करने की कोशिश की गई है वरना दोनों किरदारों को जैकलिन ने एक ही तरीके से निभाया है रणबीर कपूर का रोल छोटा है जिसे पूरी फिल्म में फैलाया गया है विक्रमजीत सिंह उनके दोस्त हैं शायद इसलिए रणबीर ने यह फिल्म की है इसका दुख पूरी फिल्म में उनके चेहरे पर नजर आता है पूरी फिल्म में बोरियत एक्सप्रेशन के लिए वह घूमते रहते हैं अंकिता तिवारी अमाल मलिक मित ब्रदर्श अनजान का संगीत मधुर है हिमन धमीजा की सिनेमाटोग्राफी कमाल की है कुछ संवाद भी अच्छे लगते हैं लेकिन एक फिल्म को देखने के लिए ये बातें काफ़ी नहीं हैं कभी कभी कुछ अनोखा करने के चक्कर में अक्सर हम कुछ गलत कर जाते हैं और आखिरी में प्रोडक्ट खराब हो जाता है कुछ ऐसा ही मिजाज है फिल्म रॉय का बचपन में एक पहेली थी डब्बे में डब्बा और डब्बे में कुछ नहीं डॉक्यूमेंट डायरेक्टर बिक्रमाजीत सिंह ने इस पहेली को साकार कर दिया है फिल्म के भीतर फिल्म बना दी है मतलब एक वक्त पर दो दो फिल्में का मजा देने की कोशिश की गई है जो कि सार्थक नहीं हो पाई है राय फिल्म की कहानी डायरेक्टर कबीर ग्रोवल यानी अर्जुन रामपाल की है जो अपनी हिट फिल्म गन की सीरीज की तीसरी फिल्म बनाना चाहते हैं और जिसके लिए कहानी की तलाश में मलेशिया जाते हैं वहां उनकी मुलाकात दूसरी फिल्म में कर आयस जैकलिन फर्नाडिस से होती है और कबीर आयशा के साथ इश्क में खो जाता है आयशा ही कबीर की फिल्म राय की स्टोरी बनती जाती है जो भी कबीर और आयशा के बीच में घटता है वो इस फिल्म की स्क्रिप्ट से तब्दील हो जाता है एक काल्पनिक किरदार राय ने रणबीर कपूर जो टिया ने जैकलिन फर्नाडिस जो कि डबल रोल निभा रही हैं से मिलता है और कई चीज़ें चोरी करता है और जो कुछ भी इस फिल्म रॉय में होता है वही असलियत में कबीर और आयशा की जिंदगी में आखिरकार होता है तो कबीर की फिल्म के दोनों किरदार होते हैं रॉय और टिया फिल्म में सिर्फ शूटिंग लोकेशंस गाने और फैशन बेहद दिलचस्प है अगर आपको रणवीर कपूर जैकलिन फर्नाडिस और अर्जुन रामपाल पसंद है तो ये फिल्म देखें कभी कभी बोरियत का आलम यह हो जाता है कि छोटी फिल्म भी बड़ी लगने लगती है कुछ ऐसा ही रॉय के दौरान भी होता है बहुत ही धीमी फिल्म है रणबीर कपूर की उपस्थित भी फिल्म को लाय नहीं दे पाती अगर आप एक बेहद अच्छी फिल्म के तलाश में हैं तो राय नहीं है किरदार कब क्या और क्यों कर रहे हैं आप उसमें दिलचस्पी नहीं ले पाते हैं फिल्म राय की कहानी में कुछ भी खास नहीं है फिल्म की शुरुआत होती है अर्जुन रामपाल से जो डायरेक्टर कबीर गोरोवाल की भूमिका निभा रहे हैं जो एक चोर से इंस्पायर होकर उस पर फिल्म बनाता है चोर की जिंदगी पर आधारित दो फिल्में पहले ही हिट हो चुकी हैं और अर्जुन तीसरी फिल्म बनाने की तैयारी करते हैं अपनी तीसरी फिल्म को शूट करने में मलेशिया जाते हैं जहां उनकी मुलाकात जैकलिन फर्नांडिस से होती है जो लंदन में फिल्म डायरेक्टर आयशा आमिर का किरदार निभा रही हैं अर्जुन और जैकलिन एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं जैकलिन को अर्जुन से प्यार हो जाता है लेकिन वो अर्जुन की फितरत जानती हैं कि वो सिर्फ लड़कियां बदलते हैं और प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ते जैकलिन अर्जुन को छोड़कर चली जाती है और तब ताकि और तब जाके अर्जुन को अपने प्यार का एहसास होता है फिल्म में रणबीर कपूर एक चोर का किरदार निभा रहे हैं जो सिर्फ अर्जुन रामपाल के ख्यालों में रहता है दरअसल रणबीर कपूर फिल्म में अर्जुन रामपाल की फिल्म के एक्टर हैं जो चोर की भूमिका निभाते हैं इन रोल के बाद रणबीर के बहुत ही कम सीन हैं जैकलिन फर्नाडिस का फिल्म में डबल रोल है एक जो अर्जुन के साथ रोमांस करती है और दूसरी जो अर्जुन की फिल्म की एक्ट्रेस टिया है फिल्म में जैकलिन और रणबीर का प्यार अर्जुन रामपाल की फिल्म की कहानी का हिस्सा है जैकलिन फर्नाडिस फिल्म में खूबसूरत तो बहुत लगी हैं लेकिन उनकी एक्टिंग बहुत फीकी है डायलॉग बोलते वक्त उनके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं रहता है डायरेक्टर विक्रमजीत सिंह ने एक अलग तरह की फिल्म बनाने की कोशिश की है लेकिन इंडियन ऑडियंस को इस तरह की फिल्में बहुत कम ही पसंद आती हैं फिल्म के गाने अच्छे हैं और फिल्म में सही वक्त पर दिखाए जाते हैं अगर आप इस फिल्म और रणबीर कपूर से ढेरों उम्मीद लगाए बैठे हैं तो ये फिल्म आपके लिए बिल्कुल नहीं है हाँ अगर आपको वैलेंटाइन डे पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम पास करना है तो आप ज़रूर ये फिल्म देखें क्योंकि इस फिल्म में कुछ दिलचस्प तो नहीं है है, आपकी गर्लफ्रेंड का पूरा ध्यान आप पर ही रहेगा ऐसा लगता है इस फिल्म को बनाने में डायरेक्टर विक्रमजीत सिंह ने कुछ ज्यादा ही वक्त लगाया एक्शन थ्रिलर फिल्में बनाने वाले एक यंग डायरेक्टर कबीर ग्रोवल के आसपास घूम रही इस फिल्म की कहानी में किरदार एक दूसरे से कहां आकर मिलते हैं और कहां अलग हो जाते हैं यह समस्या परे है बेहद धीमी रफ्तार से आगे खिसकती इस फिल्म को लेकर चर्चा थी कि इसमें रणबीर कपूर का किरदार 10-15 मिनट के लिए है लेकिन फिल्म में उनका किरदार 50 मिनट के करीब है न जाने क्यों पूरी फिल्म में रणबीर बुझे बुझे नजर आते हैं कुछ सीन में रणबीर की एक्टिंग देखकर ऐसा भी लगता है कि जैसे वह अनचाहे मन से राय का किरदार निभा रहे हों इसकी कहानी यंग फिल्म मेकर कबीर ग्रोवर अर्जुन रामपाल की है अब तक दो एक्शन थ्रिलर फिल्में वो बना चुके हैं बॉक्स ऑफिस पर कबीर की इस फिल्मों ने कमाई और कामयाबी के नए रिकॉर्ड बनाए हैं इंडस्ट्री के एक टॉप प्रोडक्शन कंपनी का हेड हिरानी कबीर इस सीरीज की तीसरी फिल्म अपने प्रोडक्शन हाउस के साथ जल्द शुरू करना चाहता है दूसरी ओर कबीर ने अभी कहानी और किरदारों पर काम करना तक शुरू नहीं किया है कबीर की सहायक निर्देशक मेरा इस अग्रीमेंट के लिए कबीर को राजी कर लेती है कहानी और किरदारों की तलाश में लगा कबीर

ने वाली और अवार्ड फंक्शन में ट्रॉफी हासिल करने वाली फिल्में बनाने वाली मेकर हैं कबीर पर्सनल लाइफ में कुछ ज्यादा ही रोमांटिक है रिश्तों को समझना और उनकी गहराई में जाना उसे पसंद नहीं है यही वजह है अब तक उसका इक्कीस बार ब्रेकअप हो चुका है आयशा ने मुलाकात के बाद कबीर अपनी स्क्रिप्ट और फिल्म पर काम शुरू करता है जिसमें आयशा की कुछ बातें शामिल होती हैं कबीर की इस फिल्म का यंग हीरो राय नीरणबीर कपूर ऐसा पेंटिंग चोर है जिसकी डिक्शनरी में नामुमकिन शब्द नहीं है अर्जुन रामपाल और रणबीर कपूर दोनों ने अपने अपने किरदारों को बस निभा भर दिया है पूरी फिल्म में महज एक फाइट सीन है अनुपम खेर के इक्का दुक्का सीन है जैकलीन ने अपनी ब्यूटी दिखाने के साथ साथ यह भी दिखाया है कि उन्हें एक्सरसाइज करना आता है ऐसा लगता है शुरुआत ने विक्रमाजीत सिंह के पास अपनी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी मसाला नहीं था तो वही उन्होंने बेवजह हर सीन को लंबा करके दर्शकों के सब्र की परीक्षा ली है कमजोर स्क्रिप्ट के साथ पैसेंजर ट्रेन की तरह आगे खिसकती इस कहानी में विक्रमाजीत कहानी भी इस पर नहीं ला पाए हैं फिल्म के रिलीज से पहले ही यंगस्टर ने फिल्म का म्यूजिक म्यूजिक हिट है है कई म्यूजिक चार्ट में बुंद बुंद, है, में में बूंद बूंद सूरज चिटिया टॉप चल रहे थे रॉय के प्रचार रणवीर कपूर को चोर और फिल्म को थ्रिलर बताया गया है लिहाजा दर्शक एक रोमांचक फिल्म के पेछा लेकर फिल्म देखने के लिए जाता है लेकिन फिल्म में थ्रिलर की बजाय रोमांस और इमोशनल ड्रामा देखने को मिलता है इस ड्रामे की रफ्तार इतनी सुस्त है कि आपको झपकी भी लग सकती है फिल्म का एक किरदार कहता है कि यदि कहानी आगे नहीं बढ़ रही हो तो उसे वही ख़त्म कर देना चाहिए अफसोस की बात यह है कि अपनी फिल्म के जरिए यह बात कहने वाले फिल्मकार ने खुद की बात को गंभीरता से नहीं लिया है बाईस लड़कियों से रोमांस कर चुका रणबीर ग्रोवल यानी अर्जुन रामपाल एक फिल्म मेकर है मलेशिया में अपनी फिल्म की शूटिंग के दौरान उसकी मुलाकात लंदन में रहने वाले फिल्म मेकर आयशा आमिर यानी जैकलिन फर्नांडिस से होती है रैनी रणबीर कपूर एक मशहूर चोर है जिससे प्रेरित होकर कबीर फिल्म बनाता है कबीर और आयशा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और आयशा के जरिए कबीर अपनी कहानी को आगे बढ़ाता है रियल लाइफ और रियल लाइफ के किरदार आपस में उलझ जाते हैं और मामला जटिल हो जाता है विक्रमजीत सिंह ने फिल्म को लिखा और निर्देशित किया है कॉन्सेप्ट अच्छा है लेकिन स्क्रीन पर इसे पेश करने में निर्देशक खुद ही कन्फ्यूज हो गए हैं तो दर्शक की बात ही छोड़ दीजिए फिल्म की शुरुआत अच्छी है जब एक मौलवान पेंटिंग को चुराने के लिए राय को कहा जाता है उम्मीद बनती है कि एक थ्रिलर मूवी देखने को मिलेगी लेकिन धीरे धीरे कबीर और आयशा की प्रेम कहानी में परिवर्तित हो जाती है यह रोमांटिक ट्रैक बहुत ही ठंडा है कबीर के प्रति आयशा का आकर्षित होने और रूठने की ठीक से पेश नहीं किया गया है साथ ही इस प्रेम की वजह से कबीर का अपने आप को जान पाने वाला ट्रैक भी प्रभावित नहीं करता कबीर और उसके पिता के बीच के दृश्य भी फिजूल के हैं और इनका मुख्य कहानी से कोई संबंध नहीं है राय का पेंटिंग चुराने वाले प्रसंग बहुत ही सतही है फिल्म के जरिए क्या कहने की कोशिश की जा रही है समझ पाना मुश्किल है विक्रमजीत सिंह ने स्क्रिप्ट के बजाय शॉर्ट टेकिंग को ज़्यादा महत्व दिया है किरदारों की लाइफ स्टाइल को बेहतरीन तरीके से पेश किया जाता है लेकिन कहानी को कहने का उनका तरीका बहुत ही उलझा हुआ है उन्होंने संवादों के जरिए बात कहने की कोशिश ज़्यादा की है कुछ जगह किरदारों की बातचीत अच्छी लगती है लेकिन कुछ समय बाद चीज बोरियत पैदा करती है फिल्म का उन्होंने जो मोड रखा है उसमें गानों की बिल्कुल जगह नहीं बनती है वही वजह है कि हिट गीतों का फिल्मांकन इतना खराब है कि देखने में मजा नहीं आता प्रमुख कलाकारों का अपने के मामले में करीब होना भी फिल्म की कमजोर कड़ी है अर्जुन रामपाल अपने लुक से प्रभावित करते हैं एक्टिंग से नहीं हाइट और सिकरट से उड़ते हुए धुएं के जरिए उन्होंने अपने चेहरे को उन्होंने छिपाने की कोशिश की है जैकलिन फर्नांडिस एक भूमिका तो ठीक से कर नहीं पाती ऐसे में दोहरी भूमिका उन्हें स्वप्न उनके नाजुक कंधों पर बहुत भारी भार रखने के समान है मेकअप और हेयर स्टाइल के अंतर पैदा करने की कोशिश की गई है वरना दोनों किरदारों को जैकलिन ने एक ही तरीके से निभाया है रणबीर कपूर का रोल छोटा है जिसे पूरी फिल्म में फैलाया गया है विक्रमजीत सिंह उनके दोस्त हैं शायद इसलिए रणबीर ने यह फिल्म की है इसका दुख पूरी फिल्म में उनके चेहरे पर नजर आता है पूरी फिल्म में भोरियत एक्सप्रेशन के लिए वह घूमते रहते हैं अंकिता तिवारी